और यहाँ से आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारा का सारा बेस बनता है है ना पिछले चैप्टर के अंदर हमने पीरियोडिक टेबल समझा था ट्रेंड्स की बात करी थी बट इस चैप्टर के अंदर हम बॉन्डिंग की बात करते हैं कि जब एटम्स कंबाइन कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं तो किस किस तरह से बॉन्ड बन सकते हैं और ये चैप्टर बेटा अगर ये समझ आ गया तो आपको ऑर्गेनिक में बहुत मदद मिलेगी क्योंकि ऑर्गेनिक के अंदर भी सिग्मा पाई बॉन्ड्स आते हैं वहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन की बातें होती हैं तो ये सब चीजें आसान करने के लिए इस चैप्टर को लेकर आए हम आपके लिए सो so, स्टार्ट करते हैं बेटा ये चैप्टर सो टॉपिक्स बहुत सारे हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे क्योंकि बहुत तरह तरह की बॉन्डिंग हमें पढ़नी है आइनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड हो गया इसी कोवेलेंट बॉन्ड में एक और करेंगे डेटिव बॉन्ड है ना रेजोनेंस हो गया डाइपोल मोमेंट हो गया फिजांस रूल हो गया देन वी हैव अ वेरी पॉपुलर थ्योरी विच इज कॉल्ड एज योर वी एस सी थ्योरी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे और रिपल्शन थ्योरी फिर आता है बेटा आपका वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कैसे कैलकुलेट करते हैं बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स बॉन्ड लेंथ क्या होता है लास्ट में प्रीवियस करेंगे, करेंगे, करेंगे जो इस चैप्टर पर बेस्ड है तो पीवाई क्यूज में लास्ट में ही कराऊंगी क्योंकि बीच बीच में टॉपिक से रिलेटेड आज सच पीवाई क्यूज नहीं है ज्यादातर पीवाई क्यूज आपके इन थ्योरी से ही है वीबीटी एमओटी हाइब्रिडाइजेशन वी बट वो सारी चीजें कराने से पहले ये करना बहुत जरूरी है ठीक है कोई बोले मैम आप सीधा यही पढ़ा दो ना तो वो तो नहीं होगा ना धीरे धीरे चीजों को समझेंगे चीजों को आसानी से समझेंगे सो so, स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर इसी के साथ केमिकल बॉन्ड केमिकल बॉन्ड होता क्या है यार है ना तुम कहोगे मैम केमिकल बॉन्ड नाम समझ आ रहा है बॉन्ड बिटवीन द केमिकल्स अब ये बॉन्ड बिटवीन द केमिकल्स क्या है तो बेसिकली क्या होता है बेटा जब भी कोई कंपाउंड बन रहा है मॉलिक्यूल बन रहा है तो उनके बीच में एटम्स है जैसे अगर मैं पानी की ही बात करूं है ना जल तो पानी की अगर हम बात करें तो पानी का फॉर्मूला तो हमें पता है क्या होता है एच टू ओ अब वॉटर के अंदर बेटा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन किस फोर्स से एक दूसरे के साथ है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बुलाया जाता है आपका केमिकल बॉन्ड ठीक है ऐसे ही मान लेते हैं सोडियम क्लोराइड तो सोडियम क्लोराइड के अंदर सोडियम आयन क्लोराइड आयन किस फोर्स से एक दूसरे के साथ है इसी फोर्स को इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बुलाते हैं केमिकल बॉन्ड बुलाते हैं तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें बेटा तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एक्सेप्ट नोबल गैसेस क्योंकि नोबल गैसेस एस सच रिएक्ट नहीं करती जेनॉन के कुछ कंपाउंड है जो बनते हैं उनको हम बाद में बात करेंगे सो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एक्सेप्टिंग नोबल गैसेस ठीक है नोबल गैस को छोड़कर

ऐसी फोर्स अब तुम और तुम्हारे अगर कोई दोस्त बना तो तुम्हारे दोस्त और तुम्हारे बीच में एक अनकहा रिश्ता है ना मतलब वो रिश्ता दिख नहीं रहा वो बॉन्डिंग है तुम दोनों के बीच की तुम्हारी दोस्ती अच्छी है

बॉन्डिंग ही तो है जो तुम दोनों की दोस्ती को साथ रख रही है ऐसे ही मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स हैं जब वो एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं वो फोर्स हमें दिखती नहीं है ठीक है फोर्स ऐसे थोड़ा ना हवा में घूम रही है नहीं हम कह रहे हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसने एटम्स को या आयंस को होल्ड करके रखा है दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज योर केमिकल बॉन्ड ठीक है एंड इस पूरे प्रोसेस में जब एटम्स कंबाइन कर रहे होते हैं मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं इस पूरे है? है? चलिए तो अब बात करते हैं बेटा कि हमारे पास केमिकल हमने केमिकल बॉन्ड समझ लिया इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स एटम्स और आयंस टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स और आयंस को होल्ड जो करके रखता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसी को हमने बुलाया केमिकल बॉन्ड अब बेटा केमिकल बॉन्ड को हम ब्रॉडली दो में क्लासिफाई करते हैं केमिकल बॉन्ड को हम ब्रॉडली दो में क्लासिफाई करते हैं तो वो जो दो क्लासिफिकेशन है वो क्या क्लासिफिकेशन है बेटा केमिकल बॉन्ड कैन बी इधर स्ट्रॉन्ग तुम्हारी तुम्हारे दोस्त से एक इंसान से दोस्ती हुई हो सकता है वो फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हो जाए स्ट्रांग हो और ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें शुरू में तो लगा कि तुम्हारा फ्रेंड बन सकता था बट वो जो बॉन्डिंग थी वो जो फ्रेंडशिप थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं हुई लड़ाई होने लगी डिफरेंसेस आने लग गए तो केमिकल बॉन्ड भी बेटा दो तरह का होता है इट कैन बी स्ट्रॉन्ग इट कैन बी वीक जो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होता है वो आपका कैसा होता है बेटा स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड जो होता है दैट इज दैट इज इंटर एटॉमिक इंटर एटॉमिक स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड तब बनता है जब बेटा वो एटम्स के बीच में होता है कैसा होता है एटम्स के बीच में इंटर एटॉमिक का मतलब क्या है जल्दी बोलो भाई इंटर एटॉमिक का मतलब क्या है बेटा जी बिटवीन दी केमिकल बॉन्ड कब बनता है बेटा जब ये बॉन्ड आपका बने इंटर मॉलिक्यूलर इंटर मॉलिक्यूलर यानी कि बिटवीन द मॉलिक्यूल्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स तो अगर एटम्स एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है जैसे एच एच एटम्स के बीच में बना या फिर आपका सी सी एल एल एटम के बीच में बना ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम के बीच में बना कार्बन और ऑक्सीजन के एटम में बना बॉन्ड सीओ टू बन गया तो जब बिटवीन एटम्स बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है पर बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स जब होता है जैसे एच सी एल एच सी एल एच सी एल हो गया या एच टू एच टू एच टू हो गया या एसओ टू एसओ टू एसओ टू मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड होता है बेटा वो वीक होता है अब इंटर अटोमिक यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ही हम फर्दर फर्दर और क्लासिफाई करते हैं तो बेटा ये इंटर अटोमिक फर्दर चार तरह का होता है है ना यहीं पे एक बार अगर हम फ्लो चार्ट समझ लेंगे तो हमें पूरे चैप्टर की कहानी समझ आ जाएगी कि हमें पढ़ना क्या क्या है तो बेटा इंटर एटोमिक बॉन्ड जो होते हैं वो चार तरह के होते हैं आपके आइनिक बॉन्ड जिसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बुलाते हैं देन वी हैव बॉन्ड देन वी हैव कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड एंड लास्ट वी हैव मटालिक बॉन्ड ठीक है ऐसे ही बेटा जो इंटरमोलिक्युलर है ये भी फर्दर दो तरह का होता है दिस इज ऑल्सो क्लासिफाइड इन टू ये दो तरह का कौन सा होता है बेटा एक तो होती है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होती है जैसे एच एफ एच एफ एच एफ अमोनिया 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 पानी 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 इन मॉलिक्यूल्स के बीच में ठीक है या फिर था अल्कोहल और वाटर के बीच में वो हम बाद में करेंगे और एक और टाइप का इंटर मॉलिक्यूल होता है बेटा फोर्स विच इज वैंडर वॉल फोर्सेस ठीक है वैंडर वॉल वॉल में दीवार वाला वॉल नहीं है डब्ल्यू ए डबल एल मत लिखाना वैंडर वॉल ठीक है डब्ल्यू डबल ए एल है सो so, हमारे पास ब्रॉडली ये सारे फोर्सेस है ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी होती है ठीक है आइनिक बॉन्ड बेटा छोटा सा ही होता है सबसे ज्यादा जितनी भी हम आगे थ्योरी पढ़ेंगे वी एस सी पी आर हो गया आपका वीबीटी हो गया ये सारा का सारा कोवेलेंट बॉन्ड एक्सप्लेन करने के लिए हो रहा है ठीक है सो हमें इस चैप्टर के अंदर ये सारे बॉन्डिंग्स पढ़नी है इसी के साथ स्टार्ट करते हैं तो अब हम पहला केमिकल बॉन्ड पढ़ रहे हैं पहला स्ट्रॉन्ग हाँ पहले हम इंटर एटोमिक करेंगे बेटा फिर इंटर की बात करेंगे सो तो अगर मैं बात करूं पहले बॉन्ड की तो पहले बॉन्ड की बात करने से पहले एक और छोटी सी बात कर लेते हैं यार कि क्या लगता है यार ये जो बॉन्ड्स बन रहे हैं बन तो रहे हैं पर क्यों बन रहे हैं यार क्यों एटम्स को क्या जरूरत है रिएक्ट करके मॉलिक्यूल बनाने की क्या जरूरत है दूसरे एटम के साथ कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाने की क्यों कर रहे हैं

क्यों हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके एच टू बनाता है क्यों ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ओ टू बनाता है क्यों नाइट्रोजन एन टू की तरह एग्जिस्ट करता है क्यों फॉस्फोरस पी फोर की तरह एग्जिस्ट करता है ये सारी चीजें क्यों हो रही है तो यहां पर बेटा मेन जो रीजन होता है कि क्यों केमिकल बॉन्ड बनता है इसके दो ही रीजन है तुम भी आज की डेट में अगर इस बैच से पढ़ाई कर रहे हो या और भी बैचेस से पढ़ाई कर रहे हो तुम्हारा मेन गोल लाइफ के अंदर क्या है स्टेबिलिटी आना है ना एक अच्छा करियर बन जाए एक अच्छी जॉब मिल जाए एक लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए यही तो हमारा मेन गोल है कि लाइफ स्टेबल हो जाए स्मूद हो जाए तो एटम्स भी बेटा जब कंबाइन कर रहे होते हैं तो दो ही रीजन है पहला मिनिमम एनर्जी कि जब एटम्स कंबाइन करते हैं एटम्स रिएक्टिव होते हैं नोबल गैस को छोड़कर तो ये रिएक्टिव होते हैं बेटा जब ये मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं तो दे कन्वर्ट इन टू स्टेबल स्पीशीज एनर्जी इनकी लोअर डाउन हो जाती है सो टू हैव अ स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी ठीक है मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी और दूसरा रीजन यही होता है बेटा कि इनको किसका कॉन्फिगरेशन अटेन करना होता है जो भी एटम्स होते हैं दे ट्राई टू एक्वायर स्टेबल कॉन्फिगरेशन ऑफ दी नियरेस्ट नोबल गैस जो भी इनके आसपास नोबल गैस है ये उनका कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने की कोशिश करते हैं और उस कॉन्फिगरेशन को अटेन करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होता है कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होता है कोई इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा होता है ठीक है तो जो आपके इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं ठीक है थीके? यानी कि मेटल्स की अगर मैं बात करूं तो ये बेटा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स विल ट्राई टू गिव अप गिव अप का मतलब है है ट्राई टू लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स ठीक क्योंकि मेटल्स की आइनाइजेशन एनर्जी लो होती है दे कैन इजिली लूज द इलेक्ट्रॉन जो नॉन मेटल्स होते हैं यानी बेटा इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स इनकी टेंडेंसी क्या होती है दे ट्राई टू गेन इलेक्ट्रॉन्स ठीक है इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो ज्यादा होता है ठीक है इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है पर एक बार को गेन कराना आसान होता है एंड देयर आर एलिमेंट्स देयर आर एलिमेंट्स बेटा जिनकी ना ही टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है असच और ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करने की होती है जैसे कि कार्बन का केस आ जाता है तो वहां पर ना इलेक्ट्रॉन लूज होना चाह रहा होता है क्योंकि कार्बन पर चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बड़ी दुविधा के अंदर होता है कहता अगर मैं चार इलेक्ट्रॉन लूज करूं तो मेरे लिए प्रॉब्लम अगर मैं चार इलेक्ट्रॉन गेन करूं तो मेरे लिए प्रॉब्लम तो वहां पे वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करता है बेटा बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय शेयरिंग तो एटम नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है गेन कर सकता है शेयर कर सकता है और इन्हीं के बेसिस पर बेटा अलग अलग तरह की बॉन्डिंग है हमारे पास यहां तक बात क्लियर है इंट्रोडक्शन सारी बातें क्लियर है चलिए सो स्टार्ट कर रहे हैं दी वेरी फर्स्ट बॉन्ड विच इज इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड ठीक है सो पॉइंट्स में लिखते चलेंगे सो इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड या वाइस वर्सा कि आयनिक बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड लिखो या आयनिक बॉन्ड लिखो बेटा बात एक ही है ठीक है सो इट इज फॉर्मड बाय कैसे बनता है ये इट इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल सो यह बॉन्ड कैसे बनता है बेटा मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं एक भी कर सकते हैं एक से ज्यादा भी कर सकते हैं नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और फिर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती है बिटवीन दोजिटली चार्ज आय तो नेक्स्ट पॉइंट में हम यही लिख रहे हैं ठीक है सो इट इज बेसिकली यहां पर क्या होता है दर इज कूलम्बिक और यू कैन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड आय ठीक है यहाँ पर क्या होता है बेटा आपका जब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो केटायन बनाता है नॉन मेटल जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो वो एनायन बनाते हैं केटायन और एनायन के बीच में ना बी माइनस के बीच में इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रही है आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा बेटा एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर सो यहाँ पर जो आपकी कुलंबिक फोर्स है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ठीक है ये फोर्स आपको दिख नहीं रही होती है ऑपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में एक force of attraction है जिसने इन आयंस को hold करके रखा होता है 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 ठीक तो ये जो force of attraction है, जो फोर्स है, फोर्स इसी को हम आयनिक बॉन्ड बुलाते हैं बॉन्ड बिटवीन दी आयंस एंड कोर्स जो आयंस होंगे वो आपके कैसे होंगे ऑपोजिटली चार्ज सेम चार्जेस लाइक चार्जेस तो रिपेल ही ना यार तो यहाँ पर जो ठीक है they will be oppositely charged, कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बेटा हम क्या बुलाते हैं, हैं ठीक है सो आइनिक बॉन्ड की सबसे आसान पहचान है बेटा की आयस के बीच में होगा यहां पर जो एटम्स होंगे कंबाइनिंग मेटल और नॉन मेटल होंगे केट और एनायस होंगे ठीक है इट इज फॉर्म बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आय दैट इज किटन एंड एन आय चलिए नेक्स्ट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है बेटा याद रखिए जो आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है दैट इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर इस बॉन्ड की बेटा जी कोई डायरेक्शन नहीं होती है इट इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर कोई से नायन मिलेगा बेटा वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा और आइनिक बॉन्ड बना लेगा तो यहां पर कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती ऐसा नहीं होता मेटल ने जो इलेक्ट्रॉन लूज करा जिस नॉन मेटल ने वो इलेक्ट्रॉन गेन करा उन्हीं दोनों के बीच में बनेगा बॉन्ड ऐसा नहीं है ठीक है यहां पर मेटल को केटायन को जो आसपास एनायन मिल जाएगा पहले वो उसको अट्रैक्ट करके आयनिक बॉन्ड बना लेता है सो आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर इट हैज नो डायरेक्शन सच ठीक है यहां तक बात क्लियर है तो अब एग्जाम्पल करते हैं कि आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है बन कैसे रहा होता है कहानी कैसे हो रही है चलिए एग्जाम्पल करते हैं हम जरा पहला एग्जाम्पल यार दुनिया का सबसे कॉमन एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कैसे होती है सो सोडियम क्लोराइड के अंदर क्या है बेटा जी सोडियम है सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन है बेटा 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अगर किसी को भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम है तो बेटा इसके लिए आप चैप्टर टू रेफर करें जो दोनों चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और केमिकल बॉन्डिंग इन दोनों चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का काफी यूज हो रहा होता है बट वो इन चैप्टर्स का पार्ट नहीं है वो उससे पिछला चैप्टर यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है तो अगर किसी को भी लगता है कि उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में कुछ भी दुख तकलीफ है तो प्लीज एटॉमिक स्ट्रक्चर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रिवाइज करें ठीक है अब सोडियम के नोबल गैस होती है बेटा नियोन नियोन का कॉन्फिगरेशन होता है 1S2, 2S2, 2P6. टू पी सिक्स थ्री एस वन है ये इसको कॉन्फिग्रेशन अटेन करना है 1S2, 2S2, 2P6. ये क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेगा क्या करना चाहेगा एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेगा तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो यहां पर क्या बन जाएगा Na+ प्लस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा बेटा है ना प्रोटॉन ग्यारह ही है पर अब इलेक्ट्रॉन दस हो गया पहले प्रोटॉन भी ग्यारह था इलेक्ट्रॉन भी ग्यारह था जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा प्रोटॉन ग्यारह ही है पर इलेक्ट्रॉन टेन हो गया और अब इसने बेटा जो कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया वो कौन सी न्योर नोबल गैस का कॉन्फिगरेशन अटेन कर लिया नियोन का ठीक है अब बात करते हैं क्लोरीन की क्लोरीन के साथ क्या कहानी हो रही है तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है बेटा जी सत्रह ठीक है क्लोरीन के कॉन्फिगरेशन की अगर मैं बात करूं तो इट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 इसके नियरेस्ट नोबल गैस होती है बेटा आर्गन आर्गन का कॉन्फिगरेशन होता है 3p6 3s2 3p6 फाइव से सिक्स बनने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो क्लोरीन की है एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की कि नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो बेटा सी एल माइनस बनेगा विद दी कॉन्फिगरेशन वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स हो जाएगा ठीक है सत्रह प्रोटॉन थे इलेक्ट्रॉन भी सत्रह ही थे पर अब क्या हो गया बेटा प्रोटॉन तो सत्रह ही है पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया गेन हुआ ना इलेक्ट्रॉन अब एक बढ़ गया तो एक नेगेटिव चार्ज आ गया और अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बेटा जी अट्ठारह अब इसने जो कॉन्फिगरेशन अटेन करा है वो किसका कॉन्फिगरेशन अटेन कर लिया बेटा न्यूर नोबल गैस जो इसके लिए थी दैट इज आर्गन ठीक है अब ये जो ऑपोजिटली चार्ज आयन्स है यानी आपका एन ए प्लस और सी एल माइनस ये एक दूसरे को बेटा अट्रैक्ट करेंगे ठीक है ऑपोजिटली चार्ज आयन्स है इनके बीच में कुलंबिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमने क्या बुलाया बेटा आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रो वायलेंट बॉन्ड बॉन्ड बिटवीन दी आय बॉन्डवीन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ये मैंने डॉटेड लाइन दिखाई है ऐसी डॉटेड लाइन होती नहीं है ये सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको दिखाने के तरीके अलग अलग है हम कभी ऐसे लाइन से दिखा देते हैं कहीं पे डॉटेड से दिखा देते हैं रिप्रेजेंटेशन है ठीक है एन ए प्लस और सी एल माइनस के बीच में बेटा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही है इसी बॉन्ड को हमने क्या बुलाया है आयनिक या फिर अलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड जो बेसिकली आपकी कुलंबिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी यहां तक बात क्लियर जल्दी बोलो ओके अब यहीं पर बेटा हम इसका लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर करेंगे ठीक है नोट्स आपको बेटा मिल जाएंगे नोट्स जब आप कमेंट सेक्शन खोलोगे तो कमेंट सेक्शन में आपको जो पहला कमेंट होता है ठीक है वहां पर आपको लिंक मिलता है आप चाहो तो ऐप पर भी जाओगे तो आपको ऐप आप पर भी मिल जाएगा ये बैकलॉग किलर के नाम से बैच है इलेवेंथ का वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे लिंक के थ्रू नोट्स मिल जाएंगे नोट्स की टेंशन मत लिया करो ठीक है अब बात करते हैं बेटा लुइस डॉट स्ट्रक्चर ये आयनिक बॉन्ड अगर हमें दिखाना है तो हम लुइस डॉट स्ट्रक्चर की मदद से कैसे दिखा सकते हैं तो, तो लुइस तो क्या कहा कि जब भी हम ये बॉन्ड्स दिखा रहे होते हैं तो हम सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि बॉन्डिंग के अंदर सिर्फ कौन सा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है बेटा बाहर वाली शेल का बैलेंस शेल का तो अब लुइस डॉट स्ट्रक्चर देखो मैं सोडियम क्लोराइड का कैसे बना रही हूं ध्यान से देखना सोडियम के पास बेटा एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है अगर बचपन वाला कॉन्फिगरेशन याद दिलाऊं तो टू कॉमी एट कॉमा वन एक होता है। पीछे देख लो ये। बाहर वाली थ्री एस है इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे पांच और दो सात वैलेंस इलेक्ट्रॉन सोडियम ग्रुप वन का एलिमेंट वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ग्रुप सेवनटीन का एलिमेंट सेवन वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो मैं क्लोरीन के बेटा इलेक्ट्रॉन क्रॉस से दिखा रही हूं ठीक है सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है कि सोडियम के इलेक्ट्रॉन मैंने डॉट से दिखाएं क्लोरीन के क्रॉस से दिखाए ताकि तुम फर्क समझ पाओ सोडियम बेटा एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है अब पर क्या होगा बेटा जी सोडियम ने जब इलेक्ट्रॉन लूज करा तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा प्लस का एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया क्लोरीन पर खुद के सात इलेक्ट्रॉन थे और एक इलेक्ट्रॉन सोडियम का गेन करके मिल गया तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा बेटा माइनस और और अब एनायन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसी को हमने क्या बुलाया है आइनिक बॉन्ड बुलाया है बात क्लियर दो चार और एग्जाम्पल करते हैं बेटा लुइस डॉट स्ट्रक्चर के या ऐसे क्वेश्चन की फॉर्म में कर लेते हैं ना चलिए ट्राई करें फटाफट से लुइस डॉट स्ट्रक्चर बेटा देखो पहचान मेटल नॉन मेटल आयनिक, मेटल नॉन मेटल आयनिक, मेटल नॉन मेटल आयनिक, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दिखाएंगे कैल्शियम के पास बेटा कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो ऑक्सीजन <coughs> के पास कितने होते हैं छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम बेटा दो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाह रहा होता है नियरेस्ट नोबल गैस के लिए ऑक्सीजन दो गेन करना चाह रही होती है तो दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं कैल्शियम दो इलेक्ट्रॉन लूज करते ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो आपका कुछ ऐसे बन जाएगा कैल्शियम ने दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए कैल्शियम टू प्लस ऑक्सीजन पर बेटा पहले खुद के इलेक्ट्रॉन थे दो ट्रांसफर जा बीच न्यूट्रल हो होता है क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देता है सो कैल्शियम टू प्लस एंड ओ टू माइनस टू प्लस टू ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल है अंदर कंपाउंड के अंदर चार्ज्ड आयंस प्रेजेंट होते हैं ठीक है चलिए मैग्नीशियम क्लोराइड देखो यार बहुत इंपॉर्टेंट है काफी लोगों को कंफ्यूजन रहती है सो so, अब यहां पर देखो बेटा मैग्नीशियम के पास दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है पर जो क्लोरीन है उसके पास सात वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन तो बेटा एक के इलेक्ट्रॉन की चाहत रख रहा है पर मैग्नीशियम तो दो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है तो यहां पर क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन पे चला ये लूज दो करता है एक क्लोरीन एक गेन करती है एक क्लोरीन एक गेन करती है तो बेसिकली दो क्लोरीन दो इलेक्ट्रॉन गेन करती है और एक इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हो जाता है तो मैग्नीशियम पे चार्ज जा आ जाएगा टू प्लस और एक सीएल पे माइनस इस सीएल पे भी माइनस ठीक है तो टू सी एल माइनस है ना ऐसे दो सी एल माइनस और मैग्नीशियम टू प्लस इस तरह से बन जाएगा नेक्स्ट बात करते हैं बेटा सोडियम सल्फाइड की तो अब यहां पर देखिए सोडियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सल्फर के पास बेटा इलेक्ट्रॉन्स हैं सल्फर दो गेन करना चाहता है पर सोडियम कह रहा है मैं तो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं तो सल्फर को तो पर दो चाहिए तो कह रहा है भाई एक और सोडियम को लेकर आओ और वो एक और ट्रांसफर कराओ मुझको इलेक्ट्रॉन तो यहां पर एक और सोडियम आता है एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दो सोडियम दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे क्योंकि दो सोडियम दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे इस तरह से होगा टू एन ए प्लस एंड एस टू माइनस बात क्लियर है बात क्लियर है चलिए तो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन समझ आ गई ये लुज डॉट स्ट्रक्चर समझ आ गए अब बात करते हैं बेटा आयनिक कंपाउंड्स या आयनिक बॉन्ड बनने के लिए क्या फैक्टर्स हैं जो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन को फेवर करेंगे वो कहेंगे हाँ आयनिक बॉन्ड बनेगा और बनेगा तो स्टेबल बनेगा अच्छे से बनेगा जल्दी बनेगा सो so, अब बात करते हैं बेटा फैक्टर्स फेवरिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड्स तो हमारे पास बेसिकली तीन फैक्टर्स होते हैं फर्स्ट फैक्टर इज The first factor is बेटा मेटल का जितना आयनाइजेशन पोटेंशियल लोअर होगा ठीक है लोअर दी आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मेटल उतनी आसानी से आपको क्या मिल जाएगा इजीली दी केटायन विल फॉर्म ईजीली दिन विल फॉर्म यानी जो मेटल है ना यार उसकी आयनाइजेशन एनर्जी जितनी लो हो उतना है क्योंकि बेटा मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी यानी उतनी आसानी आसानी से से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लूज लूज करेगा करेगा जितनी आयनिक बॉन्ड उतना जल्दी बनेगा है ना मुझे मेहनत कम करनी पड़ेगी पर अगर कोई मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करने में झिकझिक कर रहा है है ना लूज ही नहीं कर रहा है मैं नहीं कर रहा कर लो मेहनत एनर्जी देते रहो तुम तो मुझको तो वहां पे हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी बेटा आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए ठीक है मेटल का जितना आयनाइजेशन एनर्जी लोअर होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल जितना लोअर होता है यानी हमें उतनी कम एनर्जी देनी पड़ रही है टू लूज द इलेक्ट्रॉन एंड इजीली द कैटायन विल फॉर्म इजीली द आयनिक बॉन्ड फॉर्म सेकंड है बेटा सेकंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल आपका बेटा इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी है ना नॉन मेटल जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जितना ज्यादा खुश होगा इलेक्ट्रॉन गेन करके जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा उतनी आसानी से हमारा क्या बन जाएगा बेटा एनायन बन जाएगा इजीली दी एना

आप अगर नमक देखते हो तो आपने देखा होगा बेटा तो सॉल्ट के क्रिस्टल्स होते हैं तो यहां पर लैटिस एनर्जी क्या होती है डेफिनेशन सुनना समझना ठीक है इट इज दी एनर्जी रिलीज व्हेन वन मोल ऑफ व्हेन वन मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इज फॉर्म्ड वेन वन मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इज फॉर्म्ड प्रमि गैशियस केटायन एंड एनायन यानी जब गैशियस केटायन और एनायन अट्रैक्ट करते हैं और आपको मोल सॉलिड मिलता ए बी जो है बेटा वो आपका आइनिक सॉलिड है जब आपको आयनिक सॉलिड मिलता है इस टाइम पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है यानी डेल्टा एच लैटिस लैटिस एनर्जी इस टाइम पर क्या होती है बेटा रिलीज होती है यानी प्रोसेस कैसा होता है आपका एक्सोथर्मिक होता है सो इट इज रिलीज्ड वेन वन मोल ऑफ आइनिक सॉलिड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स वाइस एक और डेफिनेशन हम बोलते हैं कि जब आपने एक मोल आयनिक सॉलिड को तोड़ा ठीक है वन मोल आइनिक सॉलिड को तोड़ने के लिए इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैशियस आय अब अगर बेटा मैं किसी आयनिक सॉलिड को तोड़ूंगी वापस उसके गैशियस के टायन और गैशियस एन आयन में तो इस टाइम पर हमको एनर्जी देना पड़ता है तो इस टाइम पर जो आपकी लैटस्ट एनर्जी हो जाती है इस टाइम पर जो आपकी लैटेस्ट एनर्जी हो जाती है वो पॉजिटिव हो जाती है यानी प्रोसेस कैसा हो जाता है एंडोथर्मिक तो लैटेस्ट एनर्जी कैन बी एक्सोथर्मिक कैन बी एंडोथर्मिक ठीक है डिपेंडिंग ऑन आप आयनिक सॉलिड बना रहे हो या आयनिक सॉलिड को तोड़ रहे हो जब वन आयनिक सॉलिड बनता है तो इस टाइम पर एनर्जी रिलीज होती है जब आयनिक सॉलिड को हम तोड़ते हैं वापस के आयन में तो हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी एब्जॉर्ब होती है हमें एनर्जी देनी पड़ती है तब प्रोसेस कैसा हो जाता है एंडोथर्मिक हो जाता है जैसे एग्जांपल देती हूँ जब हम Na+ से और Cl- से NaCl सॉलिड बनाते हैं सेवन किलो जूल पर मोल के एनर्जी रिलीज होती है पर जब NaCl सॉलिड को तोड़ते हैं Na+ और Cl- गैसीयस में तो बेटा 788 किलो जूल पर मोल की एनर्जी चाहिए होती है ठीक है पर दोनों ही केस में बेटा चाहे एनर्जी रिलीज हो या रिक्वायर्ड हो हम बोलते हैं हम बोलते हैं हायर द लैटिस एनर्जी हायर द लैटिस एनर्जी मोर इज दी मोर इज दी स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड हायर दर्जी मोर इज दी स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड तो बेटा लाटेस्ट एनर्जी का को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं ये दो चीजों पर डिपेंड करती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस ठीक है Z प्लस इज दी चार्ज ऑन एंड Z माइनस इज दी चार्ज ऑन ठीक है? तो so Z प्लस एंड Z माइनस क्या हो गया चार्ज ऑन केटायन एंड एन आय एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, r हो जाता है बेटा आपका डिस्टेंस बिटवीन आयर्जी बेटा इलेक्ट्रोस्टिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतनी ज्यादा लैटेस्ट एनर्जी होगी और बेटा आय आर जितना ज्यादा होगा लैटेस्ट एनर्जी उतनी कम होगी या उल्टा समझ लो आय के बीच में अगर डिस्टेंस कम है यानी किटायन और एनआईन पास में है तो ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे ठीक है लैटिस एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी जब कंपाउंड बनेगा पर अगर बेटा के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है दूर दूर है है कि टायन और एक वहां कहीं बैठा है, तो उन दोनों में में अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो उस केस लैटिस एनर्जी कम हो जाती है तो बेटा लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस बात क्लियर है तो यहां पे मैं पीछे लिख देती हूँ लैटिस एनर्जी को मैंने किससे रिप्रेजेंट करा है यू से यू से ठीक है जितना ज्यादा कंपाउंड स्टेबल होता है उसकी लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा होती है ठीक है चलिए सो so, अब बात करते हैं बेटा कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की कि जो आयनिक कंपाउंड्स है ठीक है इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है तो पहला या आपने पहले मेरे ख्याल से टेंथ क्लास में भी शायद पढ़ी होंगी अब कितना याद है वो अलग बात है है ना

नहीं कर सकता तो बेटा जो आयनिक कंपाउंड होते हैं सॉलिड स्टेट में ठीक है आयनिक ठीक है क्योंकि उस टाइम पर बेटा सॉलिड स्टेट के अंदर आयन अपनी अपनी पोजिशन पर फिक्स है ठीक है सॉलिड के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो टाइटली पैक होता है मूवमेंट की जगह नहीं होती है तो यहां पर जो आयंस होते हैं वो अपनी अपनी पोजिशन पर फिक्सड होते हैं पर जैसे ही आप आयनिक कंपाउंड को मोल्टन स्टेट यानी पिघलाते हो या पानी में डिजोल्व करते हैं सोल्यूशन फॉर्म में जैसे ही आते हैं दे स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी राइट सो वाइल इलेक्ट्रोवाट कंपाउंड इन द मोल्टन स्टेट ठीक है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड इन दी मोल्टन स्टेट और इन सल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि अब इनके पास किसकी प्रेजेंस आ जाती है बेटा फ्री की अब ये में डिसोसिएट हो सकते हैं जैसे एन पानी में डिसोल्व करूंगी एनए प्लस एक्स अब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं क्योंकि इनके पास फ्री आयंस आ जाते हैं ठीक है इसके अलावा बेटा जो आयनिक कंपाउंड होते हैं दे आर फ्योरली सल्यूबल इन पोलर सोल्वेंट जैसे कि पानी तो पानी के अंदर पोलारिटी होती है इस पोलारिटी की बात हम अभी आगे करेंगे वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट आयनिक कंपाउंड्स में भी चार्ज सेपरेशन तो है बेटा एन में एन ए प्लस सी माइनस के में के प्लस माइनस तो क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स भी पोलर पोलर का मतलब होता है जब चार्ज सेपरेशन हो ठीक है तो आयनिक कंपाउंड्स बेटा पानी के अंदर या पोलर सॉल्वेंट के अंदर अच्छे खासे सोल्यूबल होते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर इनसल्यूबल होते हैं नॉन पोलर जहां पोलैरिटी नहीं होती जैसे CCL4 फोर हो गया आपका ठीक है बेंजीन हो गया इस तरह के सॉल्वेंट में नहीं डिसॉल्व करते राइट नेक्स्ट बात करते हैं बेटा जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो नॉन रिजिड होते हैं ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि इसी के साथ बॉन्ड बनना है और नॉन डायरेक्शनल होते हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया था इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स बेटा में जब हम इनको डिजॉल्व करते हैं पानी के अंदर जब ये सोलूशन बनाते हैं ये आयंस देते हैं और क्योंकि ये धुंधुन रिएक्शन हो जाते हैं इनके तो यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं आयनिक रिएक्शन होते हैं दे आर क्वाइट फास्ट इन नेचर जैसे तुम्हारी पुरानी यादें ताजा करती हूं मैं सो पुरानी यादें अगर हम देखें तो याद करो तुमने एक रिएक्शन पढ़ा था अब ये भी डिपेंड करता है कितनों को याद है कितने पुरानी बातें याद रखते हैं बट ये रिएक्शन मुझे लगता है काफियों को याद होगी so, बेटा ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती थी आपको यहां पे मिलता था AgCl जी प्लस एन ए एन ओ थ्री और सिल्वर क्लोराइड का आपको मिल जाता था बेटा व्हाइट प्रेसिपिटेट है ना कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट अब ये रिएक्शन बहुत तेजी से होती है जैसे ही तुम सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन को मिक्स करते हो आपको बेटा तुरंत प्रेसिपिटेट मिल जाता है तो वो इसीलिए रिएक्शन इतनी तेजी से इसीलिए हुआ क्योंकि जैसे ही NaCl और सिल्वर नाइट्रेट पानी में थे ये आयंस में डिसोसिएट हुए इनके आयंस एक्सचेंज हुए और फटाफट से रिएक्शन हो गई तो जो आयनिक रिएक्शन होते हैं बेटा दे आर क्वाइट फास्ट इन नेचर दे आर क्वाइट फास्ट इन नेचर ठीक है इन ये काफी तेजी से होते हैं ठीक है द वेरी फास्ट इन रिएक्शन चलिए नेक्स्ट बेटा इलेक्ट्रोवाइलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं शो आइसोमॉर्फिज्म आइसोमोरफिज्म क्या होता है ठीक है कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर केमिकल कॉम्पोजिशन एंड सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ठीक है केमिकल कॉम्पोजिशन सिमिलर हो और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम हो जैसे कि सोडियम फॉस्फेट एंड ठीक है सो बेटा सोडियम फॉस्फेट एंड सोडियम आर्सनेट दोनों में आप देखो केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है क्या केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है बेटा तीन सोडियम तीन सोडियम फॉस्फोरस की जगह आर्सेनिक है बट अगर आप एटम्स की रेशियो देखोगे तो थ्री टू वन एज टू फोर है इधर भी थ्री टू वन टू फोर है ठीक है तो केमिकल कॉम्पोजिशन दोनों का सिमिलर है और दोनों का जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है वो भी कैसा होता है सिमिलर होता है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं इस पूरे आइसोमिना को क्या बुलाते हैं आइसोम बुलाते हैं तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आइसोम भी दिखा सकते हैं यहां तक सारी बात क्लियर है बेटा जी जल्दी बता दो जल्दी बता दो चलो ठीक है तो मैं लैटिस एनर्जी पर एक दो क्वेश्चंस कराती हूँ उसके बाद बेटा हम आगे बढ़ेंगे कि लैटिस एनर्जी पे आप क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो आपको चूज करना है पे और में से चलें पहले मैं बेटा आपको हाईअर लैटिस एनर्जी इन दोनों में किस में है वो बताना है तो हम लैटिस एनर्जी का रिश्ता देख लेते हैं अब देखो भाई अगर मैं चार्ज की बात करूं तो Na प्लस और Cl माइनस में प्लस वन एन माइनस वन बन ही आएगा और K प्लस एंड Cl माइनस दोनों में चार्ज बराबर ही आ रहा है प्लस वन एन माइनस वन

पास होंगे पोटेशियम का साइज बड़ा है तो क्लोराइड और पोटेशियम में डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा तो यहां पर बेटा क्योंकि NaCl में r कम है जहां पर डिस्टेंस बिटवीन दी आयंस कम होगा लैटिस एनर्जी वहां पर क्या होगी बेटा जी ज्यादा होगी क्या होगी ज्यादा होगी अब यहां पर देखो मैग्नीशियम पे टू प्लस क्लोरीन पे वन माइनस इधर भी कैल्शियम पे टू प्लस सीएल पर वन माइनस एक सीएल पे वन माइनस तो आयन सेम जनरेट होंगे चार्ज सेम आएगा प्रोडक्ट ऑफ चार्ज भी सेम आएगा अगेन डिस्टेंस पर मतलब हम डिसाइड करेंगे तो हमें कैसे पता चल रहा है बेटा यहाँ पर मैग्नीशियम टू प्लस है यहाँ कैल्शियम टू प्लस है इन दोनों में साइज का कम है जहां पे बेटा आटम का साइज कम होगा आय के बीच में डिस्टेंस भी पास में होगा ठीक है तो यहां पर क्योंकि बेटा मैग्नीशियम टू प्लस स्मॉलर इन साइज माइनस का साइज फिक्स है यहां पे भी सीएल माइनस है यहां पे भी सीएल माइनस है दोनों में ही अब आप देखो कि कहां पर जहां किटायन छोटा होगा आयंस के बीच का डिस्टेंस कम होगा आर कम होगा लैटिस एनर्जी वहां ज्यादा होगी तो यहां पर अब बात करें तो बेटा लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी एमजीसीएल टू की, की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एनए सी एल और एम जी ओ तो बेटा NaCl में प्लस वन माइनस वन यहाँ पे चार्ज है प्लस टू माइनस टू ठीक है पहली प्रायोरिटी चार्ज को देते हैं अगर चार्ज सेम आए प्रोडक्ट ऑफ चार्ज सेम आए तब डिस्टेंस पे डिसाइड होता है ठीक है तो NaCl में बेटा यू जो आएगा वो आएगा प्लस वन इन टू माइनस वन यानी वन आ जाएगा और MgO में क्या आएगा बेटा प्लस टू माइनस टू 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 जरा फोर प्लस माइनस माइनस पर ओवरऑल पॉजिटिव में आ जाएगा क्योंकि बेटा यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ज्यादा है तो लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी एम जी ओ की ज्यादा होगी ठीक है अगर तो बेटा चार्ज दोनों जगह सेम आता जैसे यहां पर सेम था यहां पर सेम था तब मैंने आर से डिटरमिन करा था पर अगर चार्ज जहां पर ज्यादा आ जाए लैटिस एनर्जी वहां ज्यादा आएगी चलिए नेक्स्ट वाला देखें जरा नेक्स्ट वाला चार ऑप्शन कह रहे हैं कह रहे लोएस्ट लैटिस एनर्जी बताओ भाई सबसे कम लैटिस एनर्जी बेटा कहां पर होगी चार सब पर सेम है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलिए, लोएस्ट यानी यू बेटा वहां पे कम होगा जहां पर आर ज्यादा होगा यानी जहां पर आयंस के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा दूर दूर होंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी लैटेस्ट एनर्जी कम हो जाएगी वहां पर तो बेटा क्योंकि बढ़ेगा। बढ़ेगा, 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 अगर size तो तो के बीच का distance बड़ेगा, आर बड़ेगा, तो lattice energy कम आएगी। क्योंकि बेटा रुबीडियम का साइज आरबी प्लस का ज्यादा होगा तो आरबी प्लस और सीएल माइनस में डिस्टेंस बढ़ जाएगा ions के बीच में अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो बेटा लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो यहां पर लोवेस्ट लैटिस एनर्जी कहां पे प्रेजेंट थी आपकी फोर्थ ऑप्शन में आर बी सी एल में यहां तक बात क्लियर है यहां तक बात क्लियर अभी क्लियर विद दिस नेक्स्ट चले आगे ओके okay. तो सेकंड हमारे पास जो बॉन्ड आता है बेटा दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड बहुत 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 इंटरेस्टिंग और अब यहां से आपकी चीजें आना शुरू होती है क्योंकि आयनिक बॉन्ड इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द चैप्टर मेन जो सारी थ्योरीज है बेटा वो कोवलेंट बॉन्ड की ही है तो अब अगर हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है बेटा इट इज फॉर्म्ड बाय इट इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स विच कैन बी सेम और डिफरेंट वो एटम्स हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो आपका जनरली फॉर्म होता है इट इज जनरली फॉर्म्ड बिट्वीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल

म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा है मैडम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है म्यूचुअल मतलब है ना कि अगर एक रोटी घर में है बची है है ना और भाई बहन है दोनों को भूख लग रही है तो दोनों ने समझदारी से उस एक रोटी को आधा आधा बांट लिया कि तुझे भी तसल्ली रहे मुझे भी तसल्ली रहे ठीक है म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या है कि अगर एक एटम ने दूसरे के एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करा तो वो भी उसका एक ही शेयर करेगा अगर एक एटम ने दूसरे के दो इलेक्ट्रॉन शेयर करे तो वो भी दो ही शेयर करेगा दो से ज्यादा नहीं कर पाएगा म्यूचुअल है भाई मैंने तेरे दो इलेक्ट्रॉन शेयर करे तू मेरे दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा मैंने तेरा एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा तो तू भी मेरा एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड किन के बीच में बनता है बेटा बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल वो सेम एटम्स भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जो कोवलेंट बॉन्ड होता है बेटा वो डायरेक्शनल होता है इट्स बाय डायरेक्शनल इन नेचर बाय डायरेक्शनल इन नेचर बाय डायरेक्शनल का बेसिकली मतलब क्या है कि जिन दो एटम्स में इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं उन्हीं दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन में शेयर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो उन्हीं दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा किसी तीसरे आइटम के साथ बॉन्ड नहीं बनेगा सो इट इज बाई डायरेक्शनल इन नेचर राइट एग्जाम्पल कर लें जरा दो चार चलिए लेट्स गो लेट्स गो लेट्स डू द एग्जाम्पल्स पहला कर रहे हैं बेटा एच टू मॉलिक्यूल नेक्स्ट करेंगे ओ टू मॉलिक्यूल नेक्स्ट करेंगे एन टू मॉलिक्यूल

ये हाइड्रोजन बेटा इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर एक खुद का एक साथ वाले का शेयर करा है लिया नहीं है गेन नहीं करा बेटा देर इज अ डिफरेंस बिटवीन शेयरिंग एंड गेनिंग राइट ऐसे समझना एक ही रोटी बची थी ठीक है मान लो मैं और मेरा भाई है दोनों को भूख लग रही है पर दोनों अब लड़ने लग गए उस एक रोटी के पीछे तो मान लो मेरे भाई ने वो रोटी मुझसे छीन ली

ये वाला भी से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा पर समझदारी क्या कहती थी अगर दोनों भाई बहन यानी मैं और मेरा भाई रोटी आधी आधी बांट लेते तो दोनों का पेट थोड़ा थोड़ा तो भर ही जाता ना दोनों को थोड़ी थोड़ी तो तसल्ली रहती तो यहाँ पर भी क्या होता है बेटा दोनों एटम्स कहते हैं लड़ने मरने का कोई फायदा नहीं है अगर तू मुझसे एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो मैं अनस्टेबल रह जाऊंगा ये कह रहा है अगर मैंने तुझसे इलेक्ट्रॉन छीन लिया तो तू अनस्टेबल रह जाएगा तो दोनों आपस में समझदारी से क्या करते हैं ये इसका इलेक्ट्रॉन एक शेयर कर लेगा ये इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा बेटा ये एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एंड दे विल हैव अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है शेयरिंग से ठीक है दिस इज वन शेयर्ड का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन वन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो H2 मॉलिक्यूल में बेटा ऑफ सिंगल कोवेलेंट O2 O2 देखो जरा ऑक्सीजन पर होते हैं बेटा छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दूसरी ऑक्सीजन पर भी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है बेटा छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स चलें अब जरा सोचते हैं ऑक्सीजन इस बेटा इसको दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है सात वाली ऑक्सीजन से दो शेयर कर लेगा इस ऑक्सीजन पर भी छह इलेक्ट्रॉन है दो और चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सात वाली ऑक्सीजन से दो शेयर कर लेगा इन दोनों के बीच में बेटा दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो कैसा बॉन्ड आ जाएगा यू विल अ डबल बॉन्ड कैसा बॉन्ड बन जाएगा बेटा जी डबल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा बात समझ आ रही है यू विल डबल कोवलेंट बॉन्ड नेक्स्ट देखो नाइट्रोजन का केस नाइट्रोजन पर बेटा पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूसरी नाइट्रोजन पर भी पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन पांच है आठ होने चाहिए ऑक्टेट के लिए तीन की और जरूरत है पांच खुद पर थे तीन और चाहिए अब ये सात वाली से तीन गेन नहीं कर सकता उस बिचारी के तीन कम हो जाएंगे दोनों को स्टेबिलिटी अटेन करनी है दोनों को ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो अब ये ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करते हैं ये नाइट्रोजन इससे बेटा तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा और ये नाइट्रोजन भी सात वाली के तीन शेयर करेगा अगर तूने मेरे तीन शेयर करे मैं भी तेरे तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करूंगा एंड यू विल हैव अ ट्रिपल बॉन्ड क्या बन जाएगा बेटा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड और यहां पर दोनों नाइट्रोजन पर एक एक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे बॉन्ड पेयर वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करे वो लोन पेयर यहां पर पे तीन इलेक्ट्रॉन पेयर ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करा था है ना? तीन इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करा तो यहां पर तीन बॉन्ड पेयर है इन दो इलेक्ट्रॉन पेयर ने कुछ नहीं करा कोई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करा तो ये क्या हो जाएंगे बेटा जी आपके लोन पेयर क्या हो जाएंगे लोन पेयर तो N2 मॉलिक्यूल में तीन बॉन्ड पेयर है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में और दो लोन पेयर है एक एक पर एक एक पर बात क्लियर बात क्लियर चलो आगे बढ़ते हैं एक और कर लेते हैं चलो स्ट्रक्चर थोड़ा फटाफट बनाते हैं क्योंकि बहुत आसान चीज है हाइड्रोजन के पास बेटा एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल नॉन मेटल क्लोरीन के पास सात वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसको डुप्लेट हीलियम के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है बेटा और क्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सात से आठ बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है दोनों एक दूसरे का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे से अगर इलेक्ट्रॉन लेंगे तो एक पर कम हो जाएगा ठीक है तो यहां पर क्योंकि बेटा दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड है तो यहां पर हाइड्रोजन और क्लोरीन में कैसा बॉन्ड आ जाएगा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ठीक है ये डॉट स्ट्रक्चर है नॉर्मल स्ट्रक्चर है h2 की बात करते हैं बेटा ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास एक-एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को कंप्लीट करना होता है बेटा अपना डुप्लेट डुप्लेट का मतलब valence शेल में दो इलेक्ट्रॉन हीलियम के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए होता है इसने साथ वाली ऑक्सीजन से लिया नहीं है शेयर करा है इसने भी शेयर कर लिया अब ऑक्सीजन पर 6 खुद के थे अब ये क्या करेगा बेटा क्योंकि इस हाइड्रोजन एक शेयर कराए किससे शेयर करेगा इस हाइड्रोजन एक शेयर कराए किससे शेयर करेगा तो कुछ इस तरह से बन जाएगा एक दो तीन चार पांच खुद के एक इधर से शेयर करके मिल गया एक इधर से शेयर करके मिल गया आठ हो गए आप ऐसे भी बना सकते हैं वॉटर में बेटा यू हैव टू बॉन्ड पेयर्स दो बॉन्ड पेयर और दो क्या प्रेजेंट होते हैं लोन पेयर ठीक है दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर है वाटर की बात कर रहे हैं हम ठीक है वाटर वाटर आई टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अमोनिया की नाइट्रोजन पर पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पर एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये किससे एक और एक शेयर कर लेगी क्योंकि हाइड्रोजन को तो डुप्लेट पूरा करना होता है नाइट्रोजन पर बेटा जी खुद के पांच तीनों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा और आपको अमोनिया मिल जाएगा अमोनिया के अंदर अगर मैं बात करूं बेटा वी हैव होए कौन सा रंग का पहना आ गया दिखेगा भी नहीं बच्चों को हमारे तीन बॉन्ड और एक लोन पेयर ये बॉन्ड पेयर ये बॉन्ड पेयर ये बॉन्ड पेयर ये, ये क्या हो गया बेटा लोन पेयर तो तीन बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर है नेक्स्ट बात करते हैं बेटा मीथेन की तो कार्बन के पास कार्बन के पास चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन चार हाइड्रोजन आए और कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन चारों हाइड्रोजन क्या कर लेंगे बेटा शेयर कर लेंगे अब कार्बन पर खुद के चार चार और चाहिए ऑक्टेट के लिए तो ये क्या करेगा चारों हाइड्रोजन से एक एक और शेयर कर लेगा तो कार्बन पे वन टू थ्री फोर खुद के पांचवा छठा सातवा आठवा शेयरिंग से मिल गया और आपका मीथेन बेटा कुछ इस तरह से बन जाएगा ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं बेटा एच की हाइड्रोजन पर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन पर चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन ठीक है ये ऐसे कैसे स्ट्रक्चर बनाए या इलेक्ट्रॉन कभी कभी क्या होता है जब हम बनाते हैं, सर्कल बना देते हैं। मेरे को तो है। आपको भी तो uh, कहा से कितना इलेक्ट्रॉन शेयर होना होगा तो हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से शेयर करा नाइट्रोजन पर बेटा खुद के पांच थे तीन और चाहिए थे इसने कार्बन से शेयर कर लिए अब कार्बन पे खुद के चार चार और चाहिए एक हाइड्रोजन से शेयर करेगा क्योंकि हाइड्रोजन ने से एक शेयर करा नाइट्रोजन से तीन शेयर करेगा क्योंकि नाइट्रोजन ने से तीन शेयर करे तो ये इस तरह से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा एक दो तीन चार खुद के पांचवा हाइड्रोजन से मिला शेयरिंग छठा सातवा आठवा तो हाइड्रोजन और कार्बन में बेटा सिंगल बॉन्ड आएगा क्योंकि एक शर्ट पेयर है कार्बन और नाइट्रोजन में तीन शेयर्ट पेयर है तो कैसा बॉन्ड आ जाएगा बेटा ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट देखो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के पास चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करना है छह हैं दो और चाहिए कार्बन से श्योर करेगा छह हैं दो और चाहिए कार्बन से श्योर कर लेगा अब कार्बन क्या करेगा भाई कार्बन पे खुद के चार दोनों ऑक्सीजन से बेटा क्या करेगा दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा ठीक है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ अब ध्यान दो कार्बन और ऑक्सीजन में बेटा दो शेयर्ड पेयर डबल बॉन्ड इधर कार्बन और ऑक्सीजन में दो शेयर्ड पेयर डबल बॉन्ड ठीक है बात समझ आ रही है इलेक्ट्रॉन so, है इलेक्ट्रॉन से एक लिए है। तो हैं, हैं मैंने वो सारे नॉन मेटल है हाइड्रोजन क्लोरीन नॉन मेटल हाइड्रोजन ऑक्सीजन नॉन मेटल नाइट्रोजन हाइड्रोजन नॉन मेटल कार्बन हाइड्रोजन नॉन मेटल कार्बन ऑक्सीजन नॉन मेटल हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन नॉन मेटल है तो यहाँ पर जो बेटा बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड है अगर प्योरली नॉन मेटल्स हैं तो कोवेलेंट मेटल और नॉन मेटल है आइनिक अभी कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी करेंगे जहां पे आइनिक भी होगा और भी होगा। अभी कराते हैं वो भी आपको चलिए अब बात करते हैं बेटा हम कोवेलेंट बॉन्ड को दो में क्लासिफाई करते हैं ठीक है पहला ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दो एटम्स में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रखे हैं उस बेसिस पर हम कोवेलेंट बॉन्ड को क्लासिफाई कर सकते हैं और सेकेंड क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ charges produced अब ध्यान से सुनना ध्यान से समझना भी इलेक्ट्रॉन so, के बेसिस पर हम बेटा कोवेलेंट बॉन्ड को फर्दर तीन में क्लासिफाई करते हैं वो तीन टाइप कौन से हैं बेटा जी वो तीन टाइप कोई और रंग चुनते हैं ये ले लेता सो फर्स्ट टाइप इज सिंगल C डॉट B का मतलब है बेटा कोवेलेंट बॉन्ड ठीक है ना सिंगल वाले काफी रिलेट कर पा रहे होंगे जस्ट किटिंग जोकिंग डबल कोवेलेंट बॉन्ड और तीसरा क्या होता है बेटा आपका ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड दो एटम्स में बेटा तीन बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनता है ना चौथा बॉन्ड अगर कोई बोले कि कार्बन कार्बन में चार बॉन्ड्स बना दो मैडम नहीं बेटा दो एटम्स के बीच में तीन बॉन्ड से ज्यादा नहीं बन सकता ठीक है so, सो दो एटम्स में तो सिंगल बॉन्ड हो सकता है डबल हो सकता है ट्रिपल हो सकता है तीन से ज्यादा दो एटम्स के बीच में नहीं बनेगा तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो बेटा H2, F2 आप बना सकते हो HCl, इन सब में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड था एटम्स के बीच में डबल कोवलेंट बॉन्ड हो गया बेटा जैसे कि O2, इसके अलावा कार्बन और ऑक्सीजन में डबल कोवलेंट कोवलेंट बॉन्ड बॉन्ड था ट्रिपल के एग्जाम्पल की बात करूं तो एन टू जैसे एन ट्रिपल बॉन्ड एन एलकाइन्स सी टू एच टू कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड तो इस तरह से हम कोवलेंट बॉन्ड को क्लासिफाई करते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर एक शर्ट पे आ रहा है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड दो शर्ट पे आ रहा है तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड तीन शर्ट पे आ रहा है तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड चार्जेस के बेसिस पर चार्जेस के बेसिस पर अगेन हम कोवेलेंट बॉन्ड को बेटा फर्दर दो में क्लासिफाई करते हैं फर्स्ट इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड सेकंड इज नॉन पोलर कोविलेंट बॉन्ड बहुत 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 इंटरेस्टिंग बात आ रही है चलिए पोलर थोड़ा बहुत तो मैंने तुमको बताया था यार याद करो पोलर क्या थी चीज एग्जाम्पल से समझना है लो मैंने ले लिया बेटा अब यहां पर क्या है हाइड्रोजन और क्लोरीन में ध्यान क्लोरीन से समझना मान लो तुम्हारी क्लास में कोई राहुल है हर क्लास में कोई एक राहुल तो जरूरी होता है इट्स सच कॉमन नेम है ना मान लो राहुल और मैं कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं यानी हम दोनों पैसे से ले लेते हैं ना राहुल और मैं हजार रुपए बराबर बांट रहे हैं क्योंकि कोवल एंड बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग है आधा आधा तो राहुल और मैं जब बराबर पैसे शेयर करेंगे हजार रुपए तो पांच सौ राहुल पे होंगे पांच सौ मुझ पर होंगे इतनी बात समझ आई अब क्योंकि मैं राहुल की टीचर हूं तो ऑफकोर्स टीचर का रौब ज्यादा है रुतबा ज्यादा है मैंने राहुल को कहा राहुल क्या करोगे तुम पांच का ऐसा करो राहुल ढाई और मुझको दे दो तुम्हारे कौन से खर्चे हैं है ना क्या करोगे पांच सौ रुपए का इधर दे दो टीचर हूं ना मैं तुम्हारी राहुल ने कहा हां जी मैम ये लो 250 आप और ले लो बेचारा राहुल टीचर के आगे क्या ही बोल पाएगा अभी भी राहुल और मुझ हजार रुपए शेयर तो हैं बट तो जब मैंने उससे और ले लिए तो अब मुझ पर सेवन फिफ्टी है राहुल पर टू फिफ्टी बचा हम दोनों बेटा हजार रुपए बाट तो रहे थे पर अब बराबर नहीं बटा क्योंकि मैं टीचर थी मैंने उसको डरा दिया ऐसा वैसे मैं, मैं करूंगी नहीं <laughs> पर फिर भी फॉर एग्जाम्पल हमने क्या करा कि जो शेयर अब क्योंकि जो शेयरिंग है शेयरिंग पार्ट मुझ पर ज्यादा है क्योंकि मैं डोमिनेंट थी मैं टीचर थी मैंने उसको डरा धमका दिया राहुल पर अब कम शेयर है पैसे का शेयर तो है पैसे हम दोनों में अभी भी बटे हुए हैं पर ज्यादा मुझ पर है साढ़े सात सौ मुझ पर है ढाई सौ मुझ पर है मुझ पर ढाई सौ उस पर <laughs> कह रहे हो ढाई सौ भी आप ले लो नहीं ढाई नहीं, 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 सौ राहुल पर है ढाई सौ राहुल पर है तो ऐसे ही क्या होता है बेटा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसकी टेंडेंसी क्या होती है अब हाइड्रोजन और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन्स हैं दो हाइड्रोजन ने इसका श्योर कर रखा है क्लोरीन ने इसका श्योर कर रखा है पर क्लोरीन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो क्या करता है उसकी हर वक्त टेंडेंसी रहेगी कि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए मेरे पास ज्यादा रहे हाइड्रोजन के पास ना रहे

क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी जिस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ आ गए गए है ना जैसे पैसे मुझ पर ज्यादा ज्यादा तो मेरे पास शेयर था पैसे का नेगेटिव चार्ज है भाई अब नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बेटा क्लोरीन के पास ज्यादा है क्योंकि उसने अट्रैक्ट कर रखे हैं इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ ज्यादा तो क्लोरीन पर कैसा चार्ज आ जाता है बेटा पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव अब क्योंकि बेटा बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी जनरेट हो गई पोलैरिटी आ गई चार्ज सेपरेशन आ गया सी पर पार्शियल नेगेटिव हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव तो यहां पर हम बोलते हैं कि इस तरह का कोवलेंट बॉन्ड जैसे एच हो गया एच में भी यही कहानी होगी ठीक है तो यहां पर बॉन्ड के अंदर क्या आ रही है बेटा पोलैरिटी आ जाती है इस तरह के बॉन्ड को हम क्या बुलाते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से तो है पर एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग ज्यादा है उसने ज्यादा अट्रैक्ट कर रखे हैं तो एक एटम अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन बेटा हाइड्रोजन से थोड़ा दूर चला गया राहुल के पास पैसे कम हो गए थे ऐसे हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्लोरीन के पास ज्यादा हो गई तो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव आ जाता है पार्शियल और क्लोरीन पर कैसा आ जाता है बेटा पार्शियल नेगेटिव इसको पोलर बुलाते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड अब नॉन पोलर समझो मैं लेती ले हूँ बेटा F2 दोनों फ्लोरीन आइटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है फ्लोरीन दोनों फ्लोरीन की चार चार वैल्यू है पोलिंग स्केल के हिसाब से अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है ठीक है तो यहां पर क्या होगा अब यहां पर क्या होगा बेटा दोनों अब अगर मान लो ऐसा होता है ना अगर दोनों भाई बहन सेम एज के हैं सेम एज है मान लो ट्विन नानी घर पे आई हजार रुपये देके गई कह रही दोनों बेटा बराबर ले लेना अब दोनों की ट्विंस की सेम एज है तो वो आपस में दोनों कोई एक दूसरे को डरा धमका नहीं पाएगा नानी ने पैसे दिया भाई बराबर बांट लो पाँच सौ पाँच सौ कोई दिक्कत नहीं है पर वही अगर छोटा भाई या बड़ा भाई ऐसा कोई एक छोटा एक बड़ा होता ना तो हमेशा यही होता है छोटे वाले दबते हैं बड़े वाले जो होते हैं वो डरा धमका के रखते हैं छोटे वालों को अब एक नानी ने और या तो झूठ भी बोल देते हैं अब नानी ने हजार रुपये दिए ही नहीं थे नानी ने पाँच सौ रुपये ही दिए थे ये ले तेरे ढाई सौ जबकि एक्चुअली में उसने कितने रख लिए अपने पास पहले के पांच सौ ढाई सौ और, और साढ़े सात सौ रुपए रख लिए तो ये तो सारे भाई बहन अपने छोटे भाई बहनों के साथ सब करते हैं। सब करते करते हैं हैं <laughs> तो यहाँ पर क्या होता है दोनों फ्लोरिन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है जैसे ट्विन दोनों सेम थे तो दोनों बराबर बांटेंगे क्योंकि दोनों में लड़ाई झगड़े वाला फैक्टर नहीं है दोनों एकदम लड़ झगड़ जाएंगे बराबर से यहां पर भी दोनों फ्लोरिन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है सेम एटम है जितना इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा उतना ही ये फ्लोरीन भी खींचेगा जिसकी वजह से यहाँ पर बेटा मतलब चार्ट सेपरेशन आ ही नहीं पाएगा पोलरिटी तब आती है व्हेन वन आटम इस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अदर। यहाँ पर दोनों की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जितना ये खींच रहा, रहा है उतना ये खींच रहा है इलेक्ट्रॉन बेचारे बीच में ही रहेंगे वो इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे तो यहाँ पर जो बॉन्ड है बेटा वो कैसा है नॉन पोलर है कोई पोलरिटी कोई चार्ज सेपरेशन नहीं आएगा ठीक है तो जैसे F2 हो गया Cl2 हो गया सेम से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम ही होगी ना तो चार्ज सेपरेशन आएगा ही नहीं H2 F2 Cl2 Br2 I2 O2 N2 ये सब नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे राइट एच सी एल एच एफ वॉटर ठीक है तो एफ टू सी एल टू एग्जाम्पल लिख देती हूँ बी आर टू आई टू ओ टू एन टू एटसेट्रा नॉन पोलर कोविलेंट बॉन्ड्स में आ गए पोलर में क्या क्या एग्जाम्पल आ गया बेटा एच सी एल हो गया एच एफ हो गया वॉटर हो गया अमोनिया हो गया इन सब में पोलर कोविलेंट बॉन्ड होता है बिकॉज एच एफ में फ्लोरिन इज मोरल एक्ट्रोनेगेटिव एच ओ में ऑक्सीजन इज मोरल एलेक्ट्रोनेगेटिव बेटा कोविलउंडिक्स ठीक है ये थ्योरिटिकल पार्ट है तो इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं कभी भूले भटके कोई सवाल आ जाए तो आ जाए क्योंकि एमसीक्यू थ्योरी पार्ट से भी बन जाता है तो ये जो प्रॉपर्टीज है आप चाहो तो इनको एनसीआर में अंडरलाइन कर सकते हो चाहो तो नोट्स में लिख सकते हो प्रिंट आउट निकाल सकते हो दैट्स कंप्लीटली योर चॉइस आई विल नेवर फोर्स यू टू राइट द नोट्स नोटो मैं हमेशा सजेस्ट यही करूंगी कि आप अपने नोट्स खुद बनाए मतलब हैंड रिटन जो अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स होते हैं उनका मजा ही अलग होता है और बेटा जब आप खुद लिखते हो ना तो आपको चीजें समझ आती हैं याद रहता है ठीक है पहली कैरेक्टरिस्टिक बेटा ज्यादातर जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो गैसेस गैसेस या होते हैं मोस्टली कोवेलेंट और इन नॉर्मल कंडीशन ठीक है पर सम कोवेलेंट कंपाउंड सॉफ्ट सॉलिड इसके अलावा बेटा डायमंड कार्बोर सिलिकन कार्बाइड एस आई सी सिलिका एल्यूमिनियम नाइट्राइड ये बेटा ऐसे कंपाउंड्स हैं देखो सिलिकॉन कार्बन नॉन मेटल डायमंड तो आपने शायद पढ़ा होगा कार्बन का ही एलोट्रोप होता है एल्यूमिनियम नाइट्राइड भी कोवेलेंट कंपाउंड होता है तो ये जाइंट थ्री डी स्ट्रक्चर होते हैं बहुत बड़े 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 बहुत बड़े 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 थ्री डी स्ट्रक्चर्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनली हाई होता है ठीक है

अदरवाइज हम यही बोलते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जनरली लो होता है नेक्स्ट है बेटा इन जनरल कोवेलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होती है तो एस सच फ्री इलेक्ट्रॉन होते नहीं है कि मूव कर सके या आपकी मोबिलिटी uh, आ सके ठीक है पर पर जैसे कि एच सी एल हो गया एच सी एल बेटा एक पोलर कोवलेंट इसको आप पानी में डिजोल्व करोगे आय में टूट जाएगा एच प्लस और सी एल माइनस में अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है ठीक है सो लाइक एच सी एल इन सल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ग्रेफाइट ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ग्रेफाइट के पास बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है तो ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है एच सी एल का पानी में सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है तो कुछ कुछ केसेस है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है चलिए सॉरी मैं वही सोचू तीन प्रॉपर्टीज कैसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़े बेटा फोर्थ वाली जैसे आयनिक कंपाउंड्स पोलर सॉल्वेंट में सॉल्यूबल थे ये वाले कंपाउंड्स यानी कोवलेंट कंपाउंड्स जो होंगे आपके ये जनरली कैसे होते हैं बेटा इनसॉल्यूबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट में तो आयनिक कंपाउंड्स पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा सल्यूबल होते नॉन पोलर में नहीं होते उल्टा कोवेलेंट कंपाउंड्स जनरली नॉन पोलर पोलर सॉल्वेंट सॉल्वेंट में में होते होते हैं होते हैं ना ये पानी के अंदर डिजोल्व एज सच नहीं करना चाहते हैं सो लाइक वाटर दे डोंट वॉन्ट टू डिजोल्व बट नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेन्सिन हो गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो गया इन सब में डिजोल्व कर जाते हैं पर कुछ कोवेलेंट कंपाउंड्स कुछ कोवेलेंट कंपाउंड्स जैसे कि बेटा अल्कोहल हो गया ये पानी में डिजोल्व कर जाता है ड्यू टू तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसी जो चीनी है शुगर दैट इज सुक्रोज वहां पर बेटा वो एक कोविलेंट कंपाउंड है वो फिर भी पानी में इसीलिए डिजोल्व करता है क्योंकि पानी के साथ एच बॉन्डिंग हो जाती है तो कुछ स्पेशल केस होते हैं जिनमें कोविलेंट कंपाउंड्स पानी में डिजोल्व करते हैं या तो एच बॉन्डिंग होगी कंपाउंड में पोलैरिटी होगी तो वो पानी के अंदर डिजोल्व हो जाता है कुछ केसेस होते हैं इसके अलावा बेटा बॉन्ड रिजिड होता है जिन दो एटम्स में, में शेयरिंग होता है उनके बीच में बनता है और डायरेक्शनल होता है ये बात हम पहले कर चुके हैं इसके अलावा बेटा क्योंकि कोविलेंट कंपाउंड जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो यहाँ पर जो रिएक्शन का रेट होता है वो स्लो होता है ठीक है रेट्स जो होते हैं वो लो होते हैं रिएक्शंस जो होते हैं वो स्लो होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इनका कम होता है नॉर्मल स्पीड जैसे आइनिक रिएक्शन बहुत जल्दी से होता है आपको प्रोडक्ट एकदम तुरंत मिल जाता है यहां पर टाइम लगता है ठीक है दे शो मॉलिकुलर रिएक्शन एंड द रिएक्शन रेट्स आर यूजली लो चलिए थर्ड बॉन्ड की बात करते हैं बेटा ये स्पेशल एक स्पेशल तरह का बॉन्ड है मतलब कोवलेंट का ही कह लो एक स्पेशल फैमिली में आ जाता है सो so, कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या होता है ये बेसिकली बनता है बाय यूनी डायरेक्शनल बहुत आसान सी चीज है इट इज फॉर्म्ड बाय यूनी डायरेक्शनल श्योरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स So, यहाँ पे भी क्या होता है बेटा शेयरिंग तो इलेक्ट्रॉन्स की हो रही होती है पर एक ही साइड से होती है कोवलेंट में क्या होता है दोनों शेयर कर रहे होते हैं ये इसका शेयर करता है इलेक्ट्रॉन ये इसका इलेक्ट्रॉन शेयर करता है पर कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड के अंदर क्या होता है कि कोई एक ही शेयर कर रहा होता है दूसरा शेयर नहीं कर रहा होता तो इस में एग्जाम्पल देती हूँ पहले समझाती हूँ सो so, यहाँ पर मान लो बेटा कोई एक एटम है के पास आठ इलेक्ट्रॉन्स है एटम भी हो सकता है मॉलिक्यूल भी हो सकता है ठीक है ए का ऑक्टेट कंप्लीट है बी के पास दिस कैन बी एटम दिस कैन बी मॉलिक्यूल इसके पास बेटा छह इलेक्ट्रॉन्स है इसको दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है पर एक को किसी भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं क्योंकि एक का ऑक्टेट कंप्लीट है पर बी को दो इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है बी यार परेशान हो रहा है यार, मैं, क्या मैं क्या करूं मैं क्या करूं मैं क्या करूं मेरे को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है मेरे को स्टेबल होना है नोबल गैस का अटेन करना है जो भी उसके नियर एस्ट है तो अब क्या होगा ए कहता है यार चल मैं तेरा फायदा करा देता हूं ऐसा कर तू मेरे ये दो इलेक्ट्रॉन एक साइड से शेयर कर ले ठीक है ए इससे शेयर नहीं करेगा बेटा क्योंकि ए को जरूरत ही नहीं है जब मुझे जरूरत ही नहीं है तो जबरदस्ती क्यों कोई चीज करेंगे हम सो so ए को जब इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है उसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो शेयरिंग नहीं करेगा पर वो शेयरिंग करा देगा बी को शेयरिंग करा देगा तो बी को वो क्या करता है दो इलेक्ट्रॉन एक क्योंकि बेटा वन साइडेड शेयरिंग है बी इसके दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है पर ए इसके इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर रहा सो इट्स अ यूनिडायरेक्शनल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करा रहा होता है तो अब हम इस बॉन्ड को ऐसे दिखाते हैं ए ने अपने दो इलेक्ट्रॉन्स बी को शेयर कराए आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए ने बी को दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर कराए जो बेटा शेयर करा रहा होता है ये शेयर करा रहा था ये कैसा आटम होगा बेटा डोनर ठीक है ये डोनेट कर रहा है डोनेट का मतलब आई विल नॉट से अपने इलेक्ट्रॉन्स उसको डोनेट कर दिया सच बट हाँ इसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज को शेयर तो कराई अपने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर जरूर कराए हैं तो ये दानवीर था तभी तो शेयर करा रहा है तो ये आपका कैसा होता है बेटा डोनर और जो बी होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा एक्सेप्टर की तरह ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहा है एक्सेप्ट कर रहा है ए तो से तो डोनर से एक्सेप्टर की तरफ इस तरह से हम एरो दिखाते हैं और ये जो बॉन्ड ए और बी के बीच में बना है इस बॉन्ड को क्या बुलाते हैं बेटा जी कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड क्या बुलाते हैं बेटा कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड और याद रखिएगा एक बार जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया ठीक है वंस कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्मड इट सिंपली बिहेव कोवलेंट जैसा कोवलेंट बॉन्ड बिहेव करता है ये भी वैसा ही बिहेव करता है यहां तक ठीक है एग्जाम्पल करते हैं तो जो आपके बेटा कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज होती है ऑलमोस्ट इनकी भी वही होती है बनने के बाद कोऑर्डिनेट कोवलेंट की तरह ही बिहेव करता है आपको नहीं पता चलता कि कहाँ कोवलेंट था कहाँ कोऑर्डिनेट था बनने के बाद नहीं पता चल पाता चलिए एग्जाम्पल करते हैं बेटा कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड का

ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आ रहे हैं पहला एग्जाम्पल कर रहे हैं बेटा अमोनियम एन एच फोर प्लस अब अमोनियम कैसे बनता है बेटा जब आपका अमोनिया एच प्लस को एक्सेप्ट करता है तो क्या बनता है आपका अमोनियम आयन क्या बनता है बेटा जी अमोनियम आयन So, अब जरा इसका देखो कैसे स्ट्रक्चर हमने अमोनिया का स्ट्रक्चर पीछे करा था ये था अमोनिया ध्यान से समझना और नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट था बेटा एक लोन पेयर एक लोन पेयर था तो वी हैव हाँ एक दो तीन चार पांच इसके थे तीन इसको हाइड्रोजन से शेयरिंग करके मिले थे तो इसका ऑक्टेट पूरा है ये जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर है बेटा ये लोन पेयर की तरह है ये तो कुछ भी नहीं कर रहा कुछ भी नहीं कर रहा अब जैसे ही H+ प्लस आया H+ प्लस के पास बेटा जीरो इलेक्ट्रॉन है इसकी तो दुनिया लुटी हुई है लुटा हुआ है ये बिल्कुल बेचारा हाइड्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन होता है वो भी अगर तुमने उससे छीन लिया तो उसकी तो दुनिया ही लुट गई कह रहा है यार मेरे को तो नोबल गैस के लिए पहले एक चाहिए था तुमने मुझसे ये इलेक्ट्रॉन भी छीन लिया H+ तो बहुत अनस्टेबल होता है क्योंकि उसके पास बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं वो बेचारा हर वक्त इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तलाश में होता है अब H+ को अगर हीलियम का कॉन्फिगरेशन अटेन करना है H को तो हीलियम के लिए बेटा एक की जरूरत थी पर एच प्लस को ही अब दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है क्योंकि H+ पे जीरो इलेक्ट्रॉन है लुटी हुई है इसकी दुनिया तो अब यहां पर क्या होगा एच प्लस क्या करेगा बेटा नाइट्रोजन के इस लोन पेर को एक साइड से शेयर कर लेगा नाइट्रोजन को जरूरत नहीं थी और वो शेयर करेगा भी कहां से H पे तो कुछ था ही नहीं उसकी तो पहले ही सी दुनिया डूबी हुई थी तो यहां पर क्या होता है बेटा नाइट्रोजन डोनर H प्लस एक्सेप्टर डोनर टू एक्सेप्टर कैसा बॉन्ड बन जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है कैसा बॉन्ड बन जाएगा बेटा जी कोऑर्डिनेट बॉन्ड पर याद रखें बनने के बाद बनने के बाद कोऑर्डिनेट कैसा बिहेव करता है बेटा की तरह करता है ठीक है और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन को H प्लस को शेयर कराई थी तो अब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है ठीक है चलिए नेक्स्ट देखें एच थ्री ओ प्लस कैसे बनता है बेटा एच थ्री ओ प्लस जब पानी एच प्लस को एक्सेप्ट करता है तो आपका हाइड्रोनियम आयन बनता है तब आपका हाइड्रोनियम आयन बनता है पहले हिस्सा बांट देते हैं ना कहां पे कितना होना है पानी का स्ट्रक्चर बेटा कुछ ऐसा था ऑक्सीजन के पास दो लोन पे थे एच प्लस आया बेचारा दुनिया डूबी हुई थी एक भी इलेक्ट्रॉन था नहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तलाश में होता है तो यहां पर क्या होता है बेटा ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है कुछ नहीं कर रहे दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्डिंग तो यहां पर क्या होता है जो H प्लस होता है वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एक साइड से शेयर कर लेगा ऑक्सीजन इससे शेयर नहीं करेगा पहली बात इस पर कुछ था भी नहीं और ऑक्सीजन को जरूरत भी नहीं थी तो ये क्या करता है बेटा एक साइड से इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर लेता है वन साइडेड शेयरिंग है यूनिडायरेक्शनल है और शेयरिंग हो रही है गेन नहीं हो रहा तो इस तरह से बेटा कैसा बॉन्ड बन जाएगा आपका कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड अगेन बनने के बाद पता नहीं चलता बनने के बाद पता नहीं चलता ठीक है कोऑर्डिनेट था या कोवेलेंट था। अब अगर हम ओजोन की बात करें तो ओजोन कैसे बनता है बेटा? जब आपका O2 का मॉलिक्यूल कंबाइन करता है नेसेंट ऑक्सीजन के साथ तो O3 का मॉलिक्यूल बनता है एंड ब्रेक डाउन भी ऐसे ही होता है जब ओजोन टूटता है डिप्लीट होता है तो O2 मॉलिक्यूल और नेसेंट ऑक्सीजन में टूटता है नेसेंट ऑक्सीजन जो होते है, होती है वो हाईली रिएक्टिव होती है हाईली रिएक्टिव So, अब अगर हम यहां पर बात करें चलिए ऑक्सीजन का तो स्ट्रक्चर हम देख चुके थे बेटा ऑक्सीजन ऑक्सीजन में कैसा बॉन्ड था डबल था। ध्यान से समझना। O2 में डबल बॉन्ड था और दोनों ऑक्सीजन पर दो दो लोन पेयर थे अगर तुमको कंफ्यूजन है तो मैं वापस दिखा देती हूं तुमको रहा इस ऑक्सीजन पे बेटा और इस ऑक्सीजन पर ठीक है दो दो लोन पे आ रहा है इस वाली पे ये लोन पे और ये लोन पे और ये लोन पे और ये लोन पे तो दो बॉन्ड पे आ रहा है और दोनों ऑक्सीजन पर दो दो लोन पे आ रहा है ठीक है अब O2 मॉलिक्यूल क्या करेगा बेटा नेसेंट ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन हमारी ये इस पर छह इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको बेटा दो इलेक्ट्रॉन और चाहिए क्या करेगा इन दोनों को नहीं चाहिए इन दोनों का तो ऑक्टेट कंप्लीट है स्टेबल है तो ये क्या करेगा बेटा दोनों में से कोई भी एक ऑक्सीजन से दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा दोनों से एक एक शेयर नहीं कर सकता थ्री मेंबर रिंग नहीं बनेगी वो अनस्टेबल होती है ठीक है सो यहां पर बेटा ये डोनर ये एक्सेप्टर तो आपका कुछ इस तरह से बन जाता है ठीक है डोनर टू तो एक्सेप्टर पर अगेन बनने के बाद जो ये बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड की तरह ही दिखा देते क्योंकि बनने के बाद कोऑर्डिनेट कोवलेंट की तरह ही हो जाता है तो अब एक बार इलेक्ट्रॉन्स देखें सारा तो इस ऑक्सीजन पर बेटा एक दो तीन चार इस ऑक्सीजन पर बेटा अब एक ही लोन हुआ क्योंकि ये वाला तो शेयरिंग करा रहा है उसको और इस ऑक्सीजन पर इस तरह से हो जाएगा ठीक है ये ओजोन का स्ट्रक्चर हो गया एक और एग्जाम्पल करते हैं वेरी कॉमन एग्जाम्पल अमोनिया और बी एफ थ्री अब बी एफ थ्री में क्या होता है यार बोरॉन के पास तीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्लोरीन के पास बेटा सात इलेक्ट्रॉन्स थे जल्दी याद करो कुछ याद आ रहा है ऐसा फ्लोरीन बेटा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा ये कंपाउंड होता है और बोरॉन पे खुद के तीन तीनों एक, -एक शेयर करा तो ये भी तीनों फ्लोरीन से एक 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 ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है पर शेयरिंग के बाद भी बोरॉन के पास सिक्स इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं ये बेटा आपका कैसा कंपाउंड होता है एक इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट कंपाउंड होता है यहां पर श्योरिंग के बाद भी बोरॉन का ऑक्टेट आठ इलेक्ट्रॉन नहीं हो पा रहे बेचारे पे इसको अभी भी दो इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है दो इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है जो बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं ऐसे सब्सटेंसेस को या ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बुलाते हैं लुएस एसिड और ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं डोनेट करते हैं, उनको हम क्या बुलाते हैं लुइस बेस बुलाते हैं अब यहां पर क्या होता है बेटा बी एफ थ्री में बोरॉन पे छह इलेक्ट्रॉन है उसको दो और की जरूरत है अमोनिया में नाइट्रोजन को जरूरत नहीं थी तो यहां पर क्या होता है बेटा ये अमोनिया क्या करता है बोरॉन को अपने दो इलेक्ट्रॉन एक साइड से शेयर करा देता है यानी बोरॉन इससे दो इलेक्ट्रॉन्स और शेयर कर लेता है पर वन साइडेड शेयरिंग होती है क्योंकि ये इससे नहीं कर रहा है यही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो ये डोनर से एक्सेप्टर की तरफ ये लुएस बेस की तरह बिहेव करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है शेयर करा रहा है यह इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है तो ये कैसा बिहेव करता है बेटा लुइस एसिड की तरह बिहेव करता है और इन दोनों के बीच का ये जो बॉन्ड है ये कैसा बॉन्ड बन जाता है कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड बन जाता है ठीक है कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड बन जाता है यहां तक बात क्लियर कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है कैसे बन रहा है बनने के बाद कोविल की तरह ही बिहेव करता है ठीक है बढ़िया है चलिए अब यहीं पर बेटा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है फॉर्मल चार्ज का इससे कभी 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 कोई सवाल बन जाता है बट एमसीक्यू में जो सबसे ज्यादा सवाल अगर फॉर्मल चार्ज पर होता है वो ओजोन ओजोन पर ही आता है पर हम दो तीन और एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपको फॉर्मल चार्ज निकालना आ जाए चलिए सो फॉर्मल चार्ज की बात करते हैं पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं वेरी इजी किसी भी एटम पे जब हमें फॉर्मल चार्ज निकालना होता है तो फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम ऑन एन एटम इज गिवन बाय फॉर्मूला वी माइनस एल माइनस एस बाय टू वी माइनस एल माइनस एस बाय टू V denotes the valence electrons. The L denotes the non bonding electrons. Yeah, lone pair electrons. Electrons. L hai lone pair non bonding electrons. And S denotes the shared pair, or you can say bonding. शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन से लिखो पूरा और यू कैन से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ठीक है तो फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा v बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नॉट लोन पेयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स यानी कहीं पर अगर दो लोन पेयर है तो बेटा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे चार एक पेयर में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो अगर दो लोन पेयर है तो चार लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहीं पर दो शेयर्ड पेयर है तो चार शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स ठीक है यहां तक बात क्लियर है अब देखो जरा सो ओजोन का स्ट्रक्चर हमने अभी पीछे बनाया था बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड था पर बनने के बाद कोविल की तरह ही बिहेव करता है ये यही है यार है ना ये वाला स्ट्रक्चर बनाया मैंने ठीक है चलिए अब हम मार्क कर लेते हैं बेटा अपनी ऑक्सीजन को मैं इसको मार्क कर रही हूं वन इस ऑक्सीजन को मार्क कर रही हूं टू और इसको मार्क कर रही हूं थ्री पेपर में कुछ भी हो सकता है हो सकता है ये वन दे दे टू ये दे दे थ्री तो जो आपको स्ट्रक्चर में मार्क दोगा आप उसी हिसाब से कैलकुलेट करना ठीक है पहले बेटा फर्स्ट मैं कैलकुलेट कर रही हूँ ऑक्सीजन पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं छ ये तो पूरी दुनिया को पता ही है मतलब एटलीस्ट साइंस वालों को तो पता ही है ना ऑक्सीजन पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा छे माइनस इस डॉट स्ट्रक्चर में इस पे कितने लोन इलेक्ट्रॉन्स है बेटा चार लोन पेयर दो है चार लोन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा देखो जरा एक दो तीन चार चार शेयर्ड है तो क्या हो जाएगा बेटा जी फोर बाय टू सिक्स माइनस फोर हुआ टू माइनस फोर बाय टू टू इस ऑक्सीजन पर तो फॉर्मल चार्ज कितना आ गया बेटा जीरो कितना आ गया जीरो बात क्लियर है ठीक है चलिए नेक्स्ट निकाल रहे हैं फॉर्मल चार्ज ऑन सेकेंड ऑक्सीजन ये वाले सेंटर वाले ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज फिर से फॉर्मूला लगाओ V- माइनस एल माइनस एस टू ऑक्सीजन पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए तो हमें पता ही है लोन इलेक्ट्रॉन्स बेटा दो ही हैं तो टू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो भाई कितना शेयर हो रखा है एक दो तीन चार पांच और छह ये भी तो शेयर ही हो रखा है इसका तो कितना हो जाएगा बेटा सिक्स बाय टू सिक्स माइनस टू फोर माइनस सिक्स बाय टू हो गया थ्री यानी फॉर्मल चार्ज कितना आ जाएगा यहां पर वन यही लिख दू क्या फोर माइनस थ्री यानी कितना आ जाएगा वन ठीक है थर्ड ऑक्सीजन इस वाली पर देखो यार तीसरी वाली पर फॉर्मल चार्ज चलिए इस पर निकालते बेटा थर्ड ऑक्सीजन पर देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वी माइनस एल माइनस एस बाई टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिक्स इस ऑक्सीजन पर लोन इलेक्ट्रॉन कितना एक दो तीन चार पांच सारे के सारे लोन पेयर ही तो है छे शेयर्ड कितने हैं बेटा एक और दो यही शेयर्ड है तो टू बाय टू सिक्स माइनस सिक्स हो गया जीरो टू बाय टू हो गया वन यानी यहां पर फॉर्मल चार्ज कितना आ जाएगा बेटा माइनस वन माइनस वन यानी इस वाले स्ट्रक्चर में जो मैंने लिया है फर्स्ट ऑक्सीजन पर जीरो फॉर्मल चार्ज है सेकेंड ऑक्सीजन पे प्लस वन का चार्ज है थर्ड ऑक्सीजन पर माइनस वन का चार्ज है माइनस वन का चार्ज है ठीक है स्ट्रक्चर में हो सकता है बेटा मार्किंग अलग हो आपको जो सवाल में दिया है जो पूछा है उसके ही हिसाब से कैलकुलेट करना बात क्लियर ठीक है चलिए एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं कल को कोई ये ना कहीं ना मैडम ने एग्जाम्पल कम कराए थे चलिए सेकेंड एग्जाम्पल कर रहे हैं बेटा फॉर्मल चार्ज आपको कार्बोनेट का स्ट्रक्चर मैंने दे दिया ये आप खुद ट्राई करेंगे यू हैव टू कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन स्ट्रक्चर में बेटा आपको कार्बन का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है फटाफट से कैलकुलेट करके बता दो क्या जवाब आएगा फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन इन कार्बोनेट आयन ये कार्बोनेट आयन है जी सी ओ थ्री टू माइनस फॉर्मूला लगाओ फटाफट से और कैलकुलेट कर दो कैलकुलेट कर दे हो गया कैलकुलेट कर लिया सबने चलिए देखते हैं तुम लोगों का क्या आंसर आया ये हो गया बेटा माइनस एस बाय टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन पर हमें पता है चार होता है ये हमें पता है ये पता करने वाली चीज नहीं अब पीरियोडिक में बता दिया था अब बेटा इस कार्बन पर कोई भी लोन पे और इलेक्ट्रॉन कहा दिख रहा है एक दो तीन चार खुद के थे चार शेयर हो रहे होंगे फर्दर तो लोन इलेक्ट्रॉन तो नहीं है जीरो शेयर कितने हो रखे हैं बेटा एक दो तीन चार पांच छह सात आठ टोटल आठ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रखे हैं एट बाय टू यानी फोर माइनस एट बाय टू हुआ फोर फॉर्मल चार्ज कार्बन पर कितना आ जाएगा बेटा जीरो कितना आ जाएगा जीरो ठीक है इस स्ट्रक्चर में सो फॉर्मल चार्ज पे कभी कभी सवाल पूछ लेता है ठीक है ऑल दीवाई क्यूज में बहुत ज्यादा फॉर्मल चार्ज पर सवाल नहीं दिखा बट टू बी ऑन द सेफर साइड यू नेवर नो यार कब कहां से सवाल पूछ ले तो हमें तो सारे टॉपिक्स कवर करने हैं चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा लुइस थ्योरी और उसके बाद बात करेंगे इनकी ड्रॉबैक क्या रही थी तो लुइस थ्योरी तो छोटी सी थी हमने पहले भी पढ़ी लिया

रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक यानी ग्रुप वन ग्रुप टू ग्रुप थर्टीन फोर्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन ठीक है नोबल के कैसे कंपाउंड जो नहीं बनते तो वो नहीं बनते कुछ कुछ बनते हैं वो बाद में देखेंगे चलिए लोएस्ट सिंबल देखते हैं बेटा जो भी ग्रुप वन का एलिमेंट होगा जो भी भी ग्रुप वन का एलिमेंट होगा बेटा अगर मैं एक्स ले कोई भी, तो उसके पास एक वन वन कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे दो आप चाहो तो ऐसे दिखा दो। दोनों इलेक्ट्रॉन एक साइड भी दिखा सकते हो ग्रुप थर्टीन में जो एलिमेंट होगा उसके पास बेटा कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तीन ग्रुप फोर्टीन में जो होगा उस पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे चार तो चार इलेक्ट्रॉन्स दिखा देंगे हम ग्रुप फिफ्टीन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा आपके पास एक जगह दो दिखा देते पांच सिक्सटीन में क्या होगा बेटा जी छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन और जो भी एलिमेंट ग्रुप सेवनटीन का होगा उसके पास कितने वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे बेटा देयर विल बी सेवन तो ये आपके सिंबल्स हैं फॉर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स यानी एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक आई हैव नॉट टेकन नोबल गैसेस क्योंकि नोबल गैसेस के बहुत कम कंपाउंड्स हैं तो ये लुएस ऑक्टेट रूल था कि हर आइटम कंबाइन कर रहा है इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या शेयर कर रहा है

तो अब बात करते हैं बेटा ऑक्टेट रूल की क्या क्या लिमिटेशन है चलिए तो अगर हम बेटा ऑक्टेट रूल के फेलियर की बात करें कि ये फेल कैसे हो गया कहां कहा, पर लिमिटेशन हैं इसकी या ड्रॉबैक्स हैं तो पहली बात करते हैं पहला ड्रॉबैक जो है फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल जरूरी नहीं है बेटा हर कंपाउंड अपना स्टेबिलिटी ऑक्टेट कंप्लीट करके ही करे जैसे कि हाइड्रोजन अपनी स्टेबिलिटी अटेन करता है वो नोबल गैस का कॉन्फिग्रेशन अटेन कर रहा है पर ऑक्टेट पूरा करके नहीं कर रहा इसके पास शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर भी एच टू मॉलिक्यूल काफी स्टेबल होता है तो यहां पर जो स्टेबिलिटी आ रही है वो ऑक्टेट रूल के कंप्लीशन से नहीं आ रही डुप्लेट से आ रही है तो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता एच टू कर सकता है यार सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अलेक्ट्रॉन डेफिशियंट कंपाउंड ठीक है ऐसे भी कंपाउंड्स है बेटा कंपाउंड ऑक्टेट सेंट्रल एटम का इनकम्प्लीट होता है यानी शेयरिंग के बाद भी उनका ऑक्टेट पूरा ही नहीं हो पाता दे हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट या ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करते हैं जैसे कि एग्जाम्पल देखो BEF2 शेयरिंग के बाद भी बेरिलियम के पास बेटा चार ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ठीक है इवन आफ्टर बेरिलियम बेहरिलियम है फोर इलेक्ट्रॉन्स तो यहां पर बेरिलियम के पास शेयरिंग के बाद भी फोर इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है तो बीई एफ टू हो गया बी एच थ्री हो गया शेयरिंग के बाद भी बोरॉन पे तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन तीन हाइड्रोजन से मिलते हैं शेयरिंग के बाद भी बेटा यहाँ पर छह ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है बी एच थ्री का सो बी एफ टू हो गया बी एच थ्री हो गया मैं बाकी एग्जाम्पल्स ऐसे ही लिख रही हूँ बी एफ थ्री हो गया ठीक है ए एल सी एल थ्री हो गया ए एल सी एल थ्री वेपर फेस के अंदर बेटा एक इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट कंपाउंड होता है ठीक है so alcl3 जनरली हम बाद में पढ़ेंगे डाइमेराइज कर जाता है स्टेबिलिटी के लिए और al2cl6 के डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है पर वेपर फेस के अंदर alcl3 कोवेलेंट कंपाउंड होता है और ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है ठीक है सो so, ऐसे कंपाउंड्स जो बन रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट दे आर स्टेबल एग्जिस्ट तो कर रहे हैं ना एग्जिस्ट कर रहे हैं थर्ड आता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स अब यहां पर क्या होता है जो सेंट्रल आटम होता है बेटा उसका ऑक्टेट एक्सपैंड हो रखा होता है यानी वहां पर आठ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जैसे कि एग्जाम्पल देखना PCl5 फाइव शेयरिंग के बाद भी बेटा फास्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं खुद के पांच वैलेंस पांच क्लोरीन से मिल गए 10 इलेक्ट्रॉन्स PCl5 एक सुपर ऑक्टेट एक एक्सपैंडेड ऑक्टेट है फास्फोरस के पास वैलेंस शेल में आठ नहीं 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं ठीक है शेयरिंग के बाद इसके अलावा बेटा आपका हो गया SF6 देन यू हैव IF7 और भी बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं तो ऐसे कंपाउंड्स बन रहे हैं जहां पर जरूरी नहीं है ऑक्टेट रूल हमेशा ओबे हो ठीक है तो ये आपके ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करते हैं चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा फॉर्मेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स एनओ no की अगर हम बात करें तो बेटा एनओ no का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है और नाइट्रोजन के पास बेटा एक ऑड इलेक्ट्रॉन एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है तो अब एनओ no एग्जिस्ट करती है नाइट्रिक ऑक्साइड एक गैस है बट यहाँ पर ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है नाइट्रोजन के पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन रह जाता है ठीक है So, यहां पर एक दो तीन चार पांच दो ऑक्सीजन से मिलते हैं छ सात मैंने ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स कम दिखाए ना एक दो तीन चार नहीं ठीक तो है एक दो तीन चार पांच छ सात ठीक है ऐसे ही अगर हम NO2 की बात करें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो बेटा आपने बहुत पढ़ी होगी अ तो ब्राउन कलर्ड गैस बहुत सारे अ लेड नाइट्रेट इन सबके डी कॉम्पोजिशन में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है अब एनो टू की अगर हम बात करें तो एनओ टू में क्या होता है आपके पास इस तरह से स्ट्रक्चर होता है एंड डबल बॉन्ड ओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ और नाइट्रोजन के पास वैसे तो इसका स्ट्रक्चर एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है बेटा जो इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में नहीं है तो अगर ऐसे मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वेयर यू डू नॉट हैव इलेक्ट्रॉन इन पेयर पेयर फॉर्म फॉर्म अगर वो pair की form में है तो, तो हम ऐसे दो डॉट्स दिखा देते हैं ना पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में नहीं होता देर इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन बट स्टिल ऐसे मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करते हैं ठीक है यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा और ऑर्ड इलेक्ट्रॉन भी है इसके अलावा बेटा फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस भाई नोबल गैसेस को तो कभी कंपाउंड बनाना ही नहीं चाहिए था उनका तो ऑक्टेट कंप्लीट है हीलियम को छोड़कर बाकी सब हीलियम पे दो इलेक्ट्रॉन होते हैं पर बाकी सब नोबल गैसेस पर तो आठ इलेक्ट्रॉन है नोबल तो कभी कंपाउंड बनाना ही नहीं चाहिए था दे आर तो ऑलरेडी वेरी स्टेबल पर फिर भी देखा गया भाई नोबल के कंपाउंड्स बन रहे थे और ये तुम तो बारहवीं में बहुत डिटेल में पढ़ोगे जैसे कि बेटा जेनॉन का कंपाउंड XeF2, एफ टू जेनॉन डाई जेनॉन टिथ्रा फ्लोराइड सिक्स हो गया एक् हो गया ठीक है एक्सीफ टू हो गया, XEOF4 हो गया अब ये जो कंपाउंड इतने सारे बन रहे हैं नोबल गैस के वो कैसे बन रहे हैं भाई तो यहाँ पर ऑक्टेट एक्सपैंड हो रखा होता है है नोबल गैसेस को भी बेटा हम नॉन मेटल ही करते हैं ठीक तो जेनोन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन शेयर हो रखा है और ऑक्टेट एक्सपैंड हो रहा है तो यहाँ पर भी ऑक्टेट रूल ओबे नहीं होता तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पर बेटा ऑक्टेट रूल ओबे नहीं होता है स्टिल कंपाउंड एग्जिस्ट करता है आर वी क्लियर विद दिस जल्दी से बता दें जल्दी से बता दें तो कुछ क्वेश्चंस कर लें कुछ क्वेश्चंस कर लें चलिए ध्यान से करना भाई सवाल जल्दी जल्दी करें क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो मतलब मॉलिक्यूल लिख देना मैं देख लूंगी मुझे समझ आ जाएगा कि तुमने आंसर सही दिया है या नहीं दिया है ना आई डू सी द कमेंट्स अच्छा लगता है जब बच्चे आंसर लिखते हैं जैसे पिछले वाले चैप्टर में पर बहुत ही कम पर बहुत ही कम थे बहुत बच्चों ने नोबल गैसेस वाला आंसर दिया था कि नोबल गैसेस क्यों एग्जिस्ट नहीं करती आसर, मतलब नोबल गैसेस एग्जिस्ट उस टाइम पर क्यों नहीं कर रही थी हमें क्यों नहीं पता चल रहा था कि मेंडलीव के टाइम तक भी नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी तो कुछ बच्चों ने आंसर दिया पर बहुत सारे बच्चे तो गायब ही हैं पता नहीं कहां बेटा जिनके आप आंसर टाइप कर रहे हो लिख रहे हो इसका मतलब है आप चीजों को एब्जॉर्ब कर रहे हो तभी आप जवाब दे रहे हो जब आप कोई चीज लिख कर बताओगे आंसर दोगे आपको वो चीजें याद रहती हैं यह या हमेशा याद रखना अगर कभी टीचर सवाल पूछती थी क्लास में और आप उसका गलत जवाब देते थे और तुम्हें उस सवाल पे डांट पड़ती थी उसका सही आंसर तुम्हें हमेशा याद रह देगा रहेगा और रहता भी है क्योंकि तुम्हें पता है इस सवाल में मैंने टीचर से बेजती कराई थी टीचर ने मेरे को बहुत डांटा था तो ये एक मेमोरी की तरह हो जाता है हमारी ठीक है हाँ जी भाई व्हिच ऑफ दी फॉलोइंग डस नॉट ओबे ऑक्टेट रूल बेटा पीसीएल3 में फास्फोरस पर electron. एक 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 पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन तीन क्लोरीन से एक-एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा पांच खुद के तीन क्लोरीन से यहाँ पर आठ है कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पर सीसीएल4 में भी कार्बन चार बॉन्ड बनाएगा क्लोरीन से खुद के चार और चार क्लोरीन से मिल जाएंगे आठ इलेक्ट्रॉन बढ़िया था ऑक्टेट कंप्लीट है यहाँ भी PCl5 के अंदर बेटा फास्फोरस पर खुद पांच इलेक्ट्रॉन पांच और क्लोरीन से मिलेंगे दस इलेक्ट्रॉन ये ऑक्टेट रूल ओबे नहीं करता CO2 करेगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन चलिए नेक्स्ट है कौन से कंपाउंड में बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है पहला है बेटा HCN जरा देखते हैं नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल यहां पर तो सिर्फ कौन सा बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड है नॉन मेटल नॉन मेटल कैसा हो जाएगा बेटा कोवलेंट होगा ये भी एन ए प्लस और ओ OH एच माइनस आइनिक है MgCl2 टू में भी आइनिक है मैग्नीशियम टू प्लस एंड सी एल माइनस बट कह रहे किसमें कि आइनिक और कोवलेंट दोनों है तो बेटा Na+ और OH- में आयनिक है पर OH- में दो अलग-अलग नॉन मेटल है है ना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अंदर तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रखी होगी तो यहां पर बेटा ये कैटायन है ये एन है पर OH- के अंदर कौन सा बॉन्ड होगा बेटा कोवेलेंट बॉन्ड होगा जिसकी वजह से थर्ड आंसर यानी NaOH के अंदर दोनों बॉन्ड्स है आयनिक भी और कोवेलेंट भी MgCl2 के अंदर सिर्फ कौन सा है आयनिक यहाँ पर ओनली कौन सा है कोवेलेंट और यहाँ पर भी ओनली कौन सा है कोवेलेंट है ठीक है पर यहाँ पर केटायन और एनायन के बीच में कौन सा हो गया आयनिक और O और H ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नॉन मेटल्स है इनके बीच में कैसा बॉन्ड हो जाएगा आपका कोवेलेंट बॉन्ड क्लियर है यहां तक बातें जल्दी बता दो यार ठीक है बढ़िया है मस्त चल रही है क्लास सब समझ आ पा रहा है तुम लोगों को चलो आगे बढ़ते हैं चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं बेटा हमारे पास फिनोमिना आ रहा है रेजोनेंस का ठीक है सो so, रेजोनेंस एक बहुत शानदार एक बहुत बेहतरीन एक बहुत खूबसूरत फिनोमिना है जो सब हाइपोथेटिकल है इट्स ऑल हाइपोथेटिकल है ना ये सब बातें हैं कि ऐसा हो रहा होता है ऐसा हो रहा होगा क्योंकि हुआ गया कि कुछ कुछ चीजें एक्सपेरिमेंट करी गई या स्टडी करा गया स्ट्रक्चर की मेजरमेंट करी गई तब देखा गया कि यार जो हम सोच रहे थे ऐसा तो था ही नहीं कहानी तो मतलब वही है ना दुनिया पलट गई बात बदल गए वो वाला सीन था यहाँ पर जैसे कि समझना हुआ क्या और होता क्या है रेजोनेंस में तो ये फिनोमिना ग uh, ने दिया था आपने पढ़ा होगा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल उन्हीं साइंटिस्ट ने दिया था तो देखा गया कि कुछ कुछ जगह पर एक अकेला स्ट्रक्चर ना मोलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर पाता एक अकेला ठीक है तो हमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ने लगी टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ठीक है तो इन केस ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स कहानी है अ सिंगल लुएस स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल

ने कुछ कंट्रीब्यूट करा दूसरे ने कुछ कंट्रीब्यूट करा तीसरा मान लो एक और स्ट्रक्चर है तीसरे ने कुछ कंट्रीब्यूट करा तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है ना वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड के बीच का कहीं है इन बिटवीन इन्हीं के है है ठीक सो द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज इन बिटवीन ऑफ ऑल केक्चर और उस एक्चुअल स्ट्रक्चर को हम बुलाते हैं बेटा रेजोनेंस हाइब्रिड हाइब्रिड का मतलब ये होती है मिक्सचर किस अब हाइब्रिड हम बेसिकली क्यों बोलते हैं कि इसकी क्वालिटी उसकी क्वालिटी इसकी क्वालिटी एक जगह पर आ जाए तो हमने कहा जो मॉलिक्यूल का एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो इनके बीच में कहीं होगा वो इन स्ट्रक्चर्स का रेजोनेंस हाइब्रिड है और जो डिफरेंट इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं हम उनको कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल फॉर्म्स बुलाते हैं और इस पूरी फिनमिना को रेजोनेंस बुलाते हैं ठीक है तो अब समझाते हैं आपको कि रेजोनेंस पता कैसे चला हुआ कैसे ऑब्जर्व कैसे हुआ हुआ क्या तो कहानी की तरह ही समझते हैं यार है ना तो हम पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं Resonance में ओजोन का तो जब ओजोन का स्ट्रक्चर हमने बनाया और देखा हमने बनाया है ना हमने बनाया कि भाई दो ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड था और एक ऑक्सीजन में कैसा बॉन्ड था बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड था बनने के बाद वो कोवलेंट की तरह हो गया तो हमने क्या लगा कि जब हमने स्ट्रक्चर बनाया तो हमें लगा कि यहाँ पर दो बॉन्ड लेंथ मिलेगी कैसे दो बॉन्ड लेंथ मिलेगी कि भाई एक जगह ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है एक जगह ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है डबल की छोटी होती है यानी यहाँ पर इसकी बॉन्ड लेंथ एक्स होगी कुछ इसकी वाई होगी और एक्स की बॉन्ड लेंथ वाई से ज्यादा होनी चाहिए थी क्योंकि सिंगल बॉन्ड लंबा होता है डबल बॉन्ड छोटा होता है कंपैरेटिवली सेम एटम्स में ठीक है कहा भाई दो बॉन्ड लेंथ मिलनी चाहिए पर देखा गया जब ओजोन का स्ट्रक्चर पड़ा गया मेजरमेंट करी गई हमारे पास एक टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं बेटा स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स तो वहां से जब मेजरमेंट हुई तो भाई सब एकदम अचंभित हो गए कह रहे ओ हो हो ये क्या कहानी हो गई ये तो हमें पता ही नहीं था अब देखा गया कि ओजोन के अंदर एक ही तरह की बॉन्ड लेंथ थी साइंटिस्ट यार यार परेशान कह ये कैसे हो रहा है कुछ गड़बड़ हो रही है क्या हम तो ये सोच रहे थे कि एक सिंगल बॉन्ट की बॉन्ट एक सिंगल बॉन्ड 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 की की लेंथ लेंथ होगी होगी डबल दो अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी एक एक्स मिलेगा एक वाई मिलेगा जो भी वैल्यू होगा पर अलग अलग वैल्यूज होंगी अब अगर एक ही बॉन्ड लेंथ आ रही है सब परेशान होने लगे कह रहे सेम एक ही तरह की बॉन्ड लेंथ कैसे आ सकती है तो फिर उन्होंने रेजोनेंस का ये फिना uh, प्रपोज करा सोचना शुरू करा सो so, यहां पर क्या हुआ उन्होंने कहा यार उन्होंने देखा और सोचा थोड़ा कि जरूरी है क्या कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन यहीं पर हो ऐसा भी तो हो सकता था कि डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन इधर हो और बेटा सिंगल बॉन्ड वाला इधर हो ए, ये भी तो पॉसिबिलिटी थी इन दोनों ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड हो जाए और इन दोनों ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड हो जाए तो कहा कि जो स्ट्रक्चर है, है। यानी दोनों ऑक्सीजन में बॉन्ड पूरी तरह सिंगल भी नहीं है क्योंकि अगर इधर सिंगल है तो इधर डबल था इधर डबल है तो उधर सिंगल है तो कहा कि बॉन्ड ना पूरी तरह डबल है ना बॉन्ड पूरी तरह सिंगल है बॉन्ड कहीं डबल और सिंगल के बीच में रहा है bond ना पूरी तरह सिंगल है बेटा ना पूरी तरह डबल है तो पहले लगा कि दो लेंथ आएंगी एक्स और वाई पर जब मेजरमेंट हुई तो देखा गया ये दोनों लेंथ सेम थी एक्स और वाई के बीच में कहीं थी वैल्यू आपको एनसीआरटी में शायद मिल जाएगी ठीक है तो जो फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर है इनको बुलाते हैं बेटा रेजोनेटिंग कॉन्ट्रीब्यूटिंग ठीक है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स या फिर बुलाते हैं केनॉनिकल फॉर्म्स की ओजोन का स्ट्रक्चर इन दोनों के बीच में कहीं लाए कर रहा है ये दोनों ओजोन की क्या हो गए बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर

तो ओजोन के अंदर रेजोनेंस हो रहा होता है दोनों बॉन्डलेन्थ बराबर आ रही होती हैं और वो बराबर इसीलिए आ रही होती हैं क्योंकि यहां पर जो बॉन्ड था ऑक्सीजन ऑक्सीजन में ना वो पूरी तरह डबल है ना वो पूरी तरह सिंगल है सिंगल और डबल के बीच में कहीं था ऐसे वाला बॉन्ड ना पूरी तरह सिंगल था ना पूरी तरह डबल था क्योंकि एक बार सिंगल भी बन रहा है एक बार डबल भी बन रहा है इन्हीं दो ऑक्सीजन में तो बॉन्ड ना प्योरली सिंगल था ना प्योरली डबल था दोनों के बीच में कहीं था और दोनों जगह लेंथ बराबर तभी आएगी जब बॉन्ड के अंदर स्ट्रक्चर में बॉन्ड इन बिटवीन सिंगल और डबल के होगा एक और एग्जाम्पल करते हैं ठीक है सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं बेटा बेंजीन का सी सिक्स एच सिक्स अब बेंजीन के अंदर भी कुछ ऐसी सी दुर्घटना होने लगी है बेंजीन में सबको लगा यार कि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन में भाई सिंगल बॉन्ड भी है तो सबने कहा यार बेंजीन के अंदर दो तरह की बॉन्ड लेंथ मिलेगी कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है बेटा 154 पिकोमीटर और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ होती है 134 कुछ जगह पर 133 भी होती है तो सबने कहा बेंजीन के अंदर कार्बन कार्बन में दो तरह का बॉन्ड है सिंगल और डबल ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं तो उन्होंने कहा बेंजीन के अंदर दो तरह की कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ मिलेगी एक सिंगल बॉन्ड की अलग एक पिकोमीटर की वैल्यू और एक 134 पिकोमीटर की वैल्यू सबने कहा ठीक है ओके पर बेटा जब बेंजीन की मेजरमेंट हुई स्ट्रक्चर की जब बॉन्ड लेंथ मेजर हुई भाई फिर सब परेशान सब कह रहे यार फिर से कुछ खा नहीं हो रही है यहां पर फिर से कुछ गड़बड़ है बेंजीन के अंदर तो यहां पर देखा गया कि जो स्ट्रक्चर था वो ये भी तो पॉसिबल है यार ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड तो ऐसे भी बन सकते थे यही स्ट्रक्चर क्यों सही तो ये वाला और ये वाला बेटा बेनजीन के कैसे होते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ठीक है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अब इन्हीं दो कार्बन में बेटा डबल बॉन्ड भी और इन्हीं दो कार्बन में सिंगल बॉन्ड भी तो हो रहा है एक बार तो कहा कि भाई यहां पर अगेन कार्बन कार्बन में ना बॉन्ड पूरी तरह डबल है ना पूरी तरह सिंगल है ये आपके कैसे स्ट्रक्चर हो गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और बेंजीन का बेटा हाइब्रिड कुछ ऐसा दिखेगा कि हर कार्बन कार्बन के बीच में बेटा एक बार डबल फिर सिंगल फिर इधर इधर सिंगल है तो इधर डबल है इधर तो तो डबल है तो इधर सिंगल है इधर सिंगल है तो इधर डबल है इधर डबल है इधर सिंगल है इधर सिंगल है उधर डबल है यानी हर कार्बन कार्बन के बीच में एक बार डबल बॉन्ड जरूर आ रहा है एक बार इधर डबल बॉन्ड आया इन दो के बीच में डबल आया फिर इन दो के बीच में डबल आया इन दो के बीच में आया इन दो के बीच में आया और इन दो के बीच में आया तो बोला कि बॉन्ड ना पूरी तरह डबल है ना पूरी तरह सिंगल है कहीं पर इन बिटवीन है और हम बेंजीन के बीच में बेटा इस तरह से रिंग दिखा देते हैं और देखा गया कि बेंजीन के अंदर ऑल कार्बन कार्बन बॉन्डलेस वर इक्वल ऑफ 139 पिकोमीटर वैल्यू जो बेंजीन के अंदर बेटा कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ क्या है वो 100 कितना हुआ है ना 139 सोचना पड़ेगा ना 35 37 37 38 39 है ना 139 पिकोमीटर की वैल्यू थी कि बॉन्ड ना पूरी तरह सिंगल है क्योंकि पूरी तरह सिंगल होता तो 154 पिकोमीटर की वैल्यू मिलती और बॉन्ड अगर पूरी तरह डबल था तो 134 पिकोमीटर की वैल्यू मिलती है और दो अलग अलग वैल्यूज मिलती पर बेटा बॉन्ड ना प्योरली सिंगल है ना प्योरली डबल है सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच में कहीं घूम रहा है तो आप देखो सिंगल से बॉन्ड लेंथ कम है पर डबल से बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो ये जो है बेटा बेनजीन का क्या है आपका रेजोनेंस हाइब्रिड है रेजोनेंस हाइब्रिड है नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल थर्ड एग्जाम्पल देखो कार्बोनेट आयन क्या बेहतरीन रेजोनेंस दिखाता है कार्बोनेट अब देखो यार कार्बोनेट के अंदर बेटा पर जरूरी तो नहीं है इन्हीं दो ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड हो, हो सकता है इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड हो इधर ओ माइनस हो और इधर ओ माइनस हो ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इन दो ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड हो इधर ओ माइनस हो और इधर ओ माइनस हो तो बेटा कार्बोनेट आयन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको तीन और ये इसका हो जाएगा बेटा रेसोनेंस हाइब्रिड तो कार्बोनेट में भी वही दुर्घटना हो रही थी कि बॉन्ड अगर डबल है और दो कार्बन ऑक्सीजन में सिंगल भी है तो दो अलग बॉन्ड लेंथ मिलनी चाहिए थी पर फिर से कार्बोनेट में भी सेम बॉन्ड लेंथ मिल रही थी यानी बॉन्ड सिंगल और डबल के बीच में कहीं था तो ये वाली जो मेजरमेंट की ये एक अकेला स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर पाता था तो हमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी और जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है बेटा वो आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है विच इज ऑफ दी मतलब इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच का कहीं वो स्ट्रक्चर होता है ठीक है इन बिटवीन चलिए तो अब कुछ बेटा रेजोनेंस की बात कर लेते हैं कि रेजोनेंस में क्या हो रहा था क्या क्या चीजें थी सो बेटा ग्रेटर द नंबर ऑफ केनोनिकल फॉर्म्स जिस कंपाउंड के जितने रेजोनेटिंग कंट्रीब्यूटिंग या केनोनिकल फॉर्म्स होती हैं उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होते हैं यानी एक मान लो एक कंपाउंड के चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे और एक कंपाउंड के दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं तो जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी ठीक है सो ग्रेटर द नंबर ऑफ कैनोनिकल फॉर्म्स ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इसके अलावा बेटा हम रेजोनेंस एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं ये सब आप ऑर्गेनिक में दोबारा करोगे जब आप ऑर्गेनिक वाला रेजोनेंस सीखोगे तो मैंने इनऑर्गेनिक वाला सिखाया है सो रेजोनेंस एनर्जी जो होती है दैट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड बेटा आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होता है रेजोनेंस हाइब्रिड तो रेजोनेंस एनर्जी होती है रेजोनेंस हाइब्रिड माइनस द एनर्जी ऑफ द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म अब तीनों में से जो भी सबसे स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म होगी रेजोनेंस हाइब्रिड और उस कैनोनिकल फॉर्म की जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो रेजोनेंस एनर्जी होता है ठीक है सो रेजोनेंस इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड माइनस एनर्जी ऑफ द मोस्ट स्टेबल ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर उनमें से जो भी सबसे ज्यादा स्टेबल है उसकी एनर्जी माइनस हो जाती है कैलकुलेट करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है सो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स इन ऑल द स्ट्रक्चर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ठीक है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो देखें जरा कैसे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे हम तो पहले निकालते बेटा कार्बोनेट में तो कार्बोनेट में हमने देख लिया था कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल थे बेटा तीन तीन ये तीन थे रेजोनेंस हाइब्रिड में बना नहीं रही हूं जरूरत नहीं है तो बॉन्ड ऑर्डर किसके बराबर हो जाएगा बेटा बॉन्ड ऑर्डर क्या बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स इन ऑल द स्ट्रक्चर्स दो एटम्स के बीच में टोटल कितने बॉन्ड्स हैं इन ऑल द स्ट्रक्चर यहां पर देखो बेटा कार्बन और ऑक्सीजन में दो बॉन्ड्स हर जगह प्लस वन प्लस वन या आप ऐसे समझ लो ये क्या है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन द स्ट्रक्चर बॉन्ड्स कितने हैं बेटा स्ट्रक्चर के अंदर एक दो तीन चार डिवाइडेड बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं वन टू एंड थ्री तो फोर बाय थ्री यानी वन पॉइंट कितना आ जाएगा बेटा थ्री थ्री आ जाएगा ये क्या हो जाएगा कार्बोनेट आयन का बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर ठीक है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स मॉलिक्यूल जो भी आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं के अंदर डिवाइडेड बाय कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कार्बोनेट आयन के वन टू थ्री टोटल थ्री रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है फोर बाइ थ्री बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा एक और एग्जाम्पल देखो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा फॉस्फेट आयन इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने की कोशिश करते हैं पहले हमें रेजोनेंस सोचना है तो फॉस्फेट आयन होता है पी डबल बॉन्ड हो o माइनस o माइनस और o माइनस फास्फोरस बेटा पांच बॉन्ड्स बनाता है ठीक है दो ऑक्सीजन के साथ डबल जो न्यूट्रल वाली ऑक्सीजन है वो डबल o माइनस o माइनस o माइनस ये शेप वगैरह कैसे कैलकुलेट होती हैं ये आगे आएगा परेशान मत होना घबराना मत यार है ना वो वी ए सी पी आर में आएगा कि हमें कैसे पता लगेगा कैसे शेप बनानी है कैसे शेप्स पता हमें मॉलिक्यूल्स की टेंशन नहीं, टेंशन नहीं नहीं अब बेटा जरूरी नहीं है ना डबल बॉन्ड यही हूँ यहाँ भी हो सकता है एक बार यहां भी हो सकता है एक बार यहाँ भी हो सकता है सोचो जरा कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे जल्दी से जल्दी से और तेजी से ये चार स्ट्रक्चर की बेटा पॉसिबिलिटी है पहला पी डबल बॉन्ड हो इधर हो थ्री ओ माइनस इधर हो पी डबल बॉन्ड हो बेटा यहाँ भी बन सकता है पी डबल बॉन्ड हो यहाँ भी बन सकता है और पी डबल बॉन्ड हो यहाँ भी तो बन सकता है चारों में से कोई गलत स्ट्रक्चर थोड़ा ना है रेजोनेंस हाइब्रिड जो भी होगा वो अभी मुझे नहीं पूछा तो मैं बना भी नहीं रही हूँ बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर कैसे होगा बेटा टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू बो एटम्स इन अ मॉलिक्यूल टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं दो तीन चार पांच टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर किसी भी स्ट्रक्चर में देख लो बेटा एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच डिवाइडेड बाय कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है फॉस्फेट के चार तो फाइव बाय फोर यानी फोर वन सा फोर वन बचा फोर टू जट ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा बेटा जी वन पॉइंट टू फाइव तो इस तरह से हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या कैलकुलेट करते हैं बेटा जी बॉन्ड ऑर्डर क्या कैलकुलेट करते हैं बॉन्ड ऑर्डर तो इससे भी सवाल आ जाता है तो मैंने यार स्टार बना देती हूँ ये दोनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए so very, very, very तक बातें सब क्लियर एकदम है ना देखो ज्यादा तेज भी नहीं पढ़ा रही हूँ मैं बहुत आराम आराम से पढ़ा रही हूँ क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा डाइपोल मोमेंट की ठीक है तो हमने रेजोनेंस कर लिया अब बात करते हैं डाइपोल मोमेंट क्या होता है डाइपोल का मतलब दो पोल मोमेंट मतलब कुछ तो होगा है ना <laughs> वो वाला मोमेंट नहीं है वो मत सोचना तो डाइपोल मोमेंट्स को हम क्या डिफाइन करते हैं बेटा द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एज डाइपोल मोमेंट मैं बताती हूँ समझाती हूँ कि आई कहाँ से चीज डाइपोल मोमेंट बेसिकली क्या होता है बेटा जो कोविलेंट बॉन्ड्स हैं उनके अंदर पोलैरिटी एक्सप्लेन करने के लिए यूज होता है क्योंकि जो मेरे कोविलेंट बॉन्ड्स है और कोविलेंट कंपाउंड है जैसे कि एच सी एल ना जैसे एच पार्शियल नेगेटिव था तो अब कहीं मेरे बॉन्ड के अंदर बनते हुए तो दिख रहे हैं तो डाइपोल मोमेंट जो होता है वो कोविलेंट बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी बताने के लिए यूज होता है या फिर हम ये बोल सकते हैं कि कोविलेंट बॉन्ड के अंदर आयनिक कैरेक्टर पता करने के लिए भी मदद करता है कि मेरा जो कोवलेंट कंपाउंड है वो पोलर है या नॉन पोलर है क्या मेरे कोवलेंट कंपाउंड में कोई चार्ज सेपरेशन है क्या मेरे कोवेलेंट कंपाउंड में कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है उस चीज के लिए हम कौन सी टर्म यूज करते हैं बेटा डाइपोल मोमेंट तो डाइपोल मोमेंट को हमने क्या डिफाइन करा इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं

म्यू इज इक्वल टू ध्यान से सुनते चलना क्यू इन टू डी वे और म्यू क्या डिनोट कर रहा है बेटा जी आपका डाइपोल मोमेंट क्यू क्या डिनोट कर रहा है चार्ज ऑफकोर्स वी टेक मैग्निट्यूड ऑफ चार्ज साइन नहीं लेते मैग्निट्यूड लेते हैं एंड डी क्या हो गया बेटा आपका सेपरेटिंग डिस्टेंस बिट्वीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है ना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज योर डी डिस्टेंस ठीक है अब अगर हम बेटा डाइपोल मोमेंट की यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ म्यू या डाइपोल मोमेंट लिख लेते हैं यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज डिबाई कैपिटल डी से डिनोट करते हैं है ना ये फिजिक्स वाला डी डायोप्टर वाला नहीं है डिबाई डी ई बी वाई डिबाई कैपिटल डी से इसको डिनोट करते हैं इसके अलावा बेटा जो सी जी एस के अंदर मैं लिख रही हूं ठीक है सी जी एस के अंदर जो वन डिबाई होता है वो बराबर होता है वन इंटू टेन की पावर माइनस एटीन ESU, ESU क्या हो जाता है है, है है बेटा आपका 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 और में में ठीक क्योंकि सिस्टम की बात कर रही हूं तो वन डी बाय बराबर होता है वन एन टू टेन की पार माइनस एटीन ई एस यू सेंटीमीटर के मैं चाहूं तो ये हटा देती हूँ तो मैं कंफ्यूजन ना हो बस ई एस यू सेंटीमीटर और एस आई सिस्टम की अगर बात करें तो वन डे बराबर होता है बेटा थ्री पॉइंट थ्री थ्री इंटू टेन की पावर माइनस थर्टी कूलम मीटर ठीक है ये सी एम सेंटीमीटर मत समझना सेंटीमीटर में छोटा सी छोटा एम होता है कैपिटल इज फॉर चार्ज कूलम एंड डिस्टेंस आपका किस में है बेटा मीटर के अंदर है कूलम मीटर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ई एस यू सेंटीमीटर कूलम्ब मीटर ठीक है यहां तक बात क्लियर है तो ये रिश्ते याद रखने हैं ये रिश्ते कभी-कभी पूछ लिए जाते हैं कन्वर्जेंस में चलिए इसके अलावा बेटा हम बोलते हैं जो डाइपोल मोमेंट होता है डाइपोल मोमेंट ये कैसी क्वांटिटी होता है इट्स अ वेक्टर क्टर क्वांटिटी, ठीक है ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड करता है इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। और जब हम डाइपोल मोमेंट शो करते हैं तो हम इस तरह के एरो से शो करते हैं इस तरह के जो हेड होता है ना एरो का बेटा ये उस एलिमेंट की तरफ जाता है विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और जो टेल होती है वो उस एलिमेंट की तरफ होती है जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ठीक है यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ आपका का हेड सर ठीक है और टेल जो होती है दैट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो इस चीज को हम डाइपोल शो करते हैं डाइपोल क्योंकि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा बेटा उस पर नेगेटिव चार्ज होगा और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा तो एक डाइपोल दो पोल्स क्रिएट हो जाते हैं चार्ज के पॉजिटिव और नेगेटिव जिसे अगर मान लो मुझे एच में दिखाना है पार्शियल नेगेटिव ये पार्शियल पॉजिटिव तो मैं इस तरह से दिखाऊंगी ठीक है दो पोल्स जनरेट हो गए इस चीज को हम डाई पोल बुला रहे हैं ठीक है दो पोल्स चलिए अब समझते हैं कि कहां कहां पर डाइपोल मोमेंट कैसे आ रहा होता है तो बेटा पहले बात करते हैं डाइपोल मोमेंट इन डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट आई टॉक अबाउट डाइ एटोमिक मोलिक्यूल्स डाइ एटोमिक मोलिक्यूल्स नाम से समझ आ रहा है कितने आइटम्स होंगे बेटा जी दो अब वो दोनों आइटम सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं तो डायटोमिक में ही पहले बात करते हैं होमो न्यूक्लियर इफ यू विल हैव सेम आइटम्स एंड सेकेंड विल टॉक अबाउट न्यूक्लियर बेटा देखो ये चैप्टर काफी बड़ा है ठीक है ड्यूरेशन इस लेक्चर की ज्यादा होगी पहले ही बता रही हूँ मतलब अभी आधा टॉपिक होने वाला है आधा और बचा है तो चैप्टर बड़ा है ड्यूरेशन भी बड़ी है और आई विल नॉट से कि आप चैप्टर को एक गो में देखो नहीं आप थोड़ा थोड़ा देखो आपने एक डेढ़ घंटा देख लिया थोड़ा पॉज लिया उसके बाद फिर देख लिया बट हाँ लेक्चर यार आप जैसे भी कंप्लीट करो ये ना हो कि आप छह घंटे के लेक्चर को छह घंटे के लेक्चर को बारह घंटे में कंप्लीट कर रहे ये भी मत करना है और आप चाहते हो कि आपका चैप्टर एक गो में कंप्लीट हो जाए देन अटेंडिंग ऑल दो यू आर गेटिंग वन शॉर्ट लेक्चर तो मेक श्योर sure कि आप वही पुरानी वाली गलती दोबारा मत करना कि तुम फिर से इस चीज को भी पहाड़ की तरह बना लो

उसके बाद पांच दस मिनट का ब्रेक ले लिया कुछ खा पी लिया थोड़ा वॉक कर लिया कि माइंड फ्रेश हो जाए तो है ड्यूरेशन उससे अगर टाइम लग रहा है तो मतलब आप टाइम वेस्ट कर रहे हो नोट्स बेटा साथ साथ बनाओ तो अच्छा रहेगा है ना जो थोरिटिकल पार्ट है उसके लिए आप जगह छोड़ सकते हो बट जितना मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ अगर आप उसको भी मेरे साथ साथ लिखोगे तो आपके देन एंड नोटर बन जाएंगे आपको उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बेटा रिविजन रिविजन की फॉर एवरी अगर आप चाहते हो कि आपके अच्छे नंबर आए तो आपको नोट्स रेगुलरली ये नहीं आज रिवाइज कर लिया आज पढ़ लिया सब समझ आ गया बढ़िया मजेदार हो गया चैप्टर एकदम डन हो गया बट ये नहीं कि अब छोड़ दिया समझ तो आ गया अब क्या करें भाई दोबारा पढ़ो नोट्स रिवाइज करो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो पीवाई क्यूज लगाओ बुक्स प्रैक्टिस करो ना और बुक्स से क्वेश्चंस करो आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे बेटा चीजें उतनी याद होती हैं उतनी ज्यादा अप्लाई होती है कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होता है बात समझ आ रही है चलिए अब डायटॉमिक में बेटा होमोन्यूक्लियर यानी जहां सेम एटम्स हो जैसे H2 F2 Cl2 Br2 I2 O2 एन टू एटसेट्रा इन सब में क्योंकि बेटा सेम आटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी जितना ये खींचेगा उतना दूसरा आटम खींचेगा यहाँ पर पोलॉरिटी जनरेट नहीं होती ऐसे मॉलिक्यूल्स में बेटा डाइपोल मूवमेंट जीरो आता है और इनको हम क्या बुलाते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या बुलाते हैं बेटा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स यानी इनमें पोलारिटी ही नहीं है कोई चार्ज सेपरेशन आएगा ही नहीं ठीक है अब बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, का डिफरेंस है फ्लोरीन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरिन भी ब्रोमीन भी आयोडीन भी यहां पर पोलारिटी होगी कुछ ना कुछ चार्ज सेपरेशन जरूर रहेगा तो यहां पर बेटा म्यू की वैल्यू जीरो नहीं होती इट इज नॉट इक्वल टू जीरो यानी कुछ ना कुछ तो वैल्यू जरूर रहेगा और अगर बेटा डाइपोल मोमेंट का कुछ वैल्यू आ रहा होता है जीरो नहीं है मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू है चाहे वो पॉइंट थ्री फोर डिबाई हो चाहे वो वन पॉइंट टू डिबाई हो वन पॉइंट थ्री सिक्स डिबाई हो अगर वैल्यू आ रही है मतलब मॉलिक्यूल पोलर है अगर वैल्यू जीरो आ रही है कुछ नहीं मतलब जीरो है देन इट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल अब अगर मैं एच एफ एच सी एल एच बी आर एच आई में आपसे पूछू तो बेटा क्या जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा वहां पोलैरिटी भी ज्यादा होगी क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा तो यहां पर बेटा म्यू का ऑर्डर होता है एच एफ में ज्यादा फिर एच सी एल फिर एच बी आर और फिर एच आई ठीक है जैसे जैसे बेटा हालोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी पोलैरिटी भी बॉन्ड की कम होती जाएगी और डाइपोल मोमेंट भी क्या होता जाएगा कम होता जाएगा ठीक है यहां तक बात क्लियर नेक्स्ट बात करते हैं बेटा पोलियोटॉमिक यानी दो से ज्यादा आटम से पहले बात करते हैं बी एफ टू बेटा बेरिलियम और फ्लोरीन में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो बॉन्ड ये ज्यादा खींचेगा शर्ड इलेक्ट्रॉन ये ज्यादा खींचेगा तो यहाँ पर नेगेटिव एंड जनरेट होगा यहाँ पॉजिटिव एंड जनरेट होगा हो तो हम डाइपोल का आर इस तरफ दिखा देते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर बेटा बेरिलियम और फ्लोरीन में ये फ्लोरीन भी तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये भी तो इधर खींच रहा होगा सो so, यहां पर क्या होता है ये बॉन्ड इधर खींच रहा है ये बॉन्ड इधर खींच रहा है इस तरह से दोनों जगह का मैग्नीट्यूड बराबर है पर डायरेक्शन ऑपोजिट है जैसे ऐसे समझ लो ना फिजिक्स की एक ऑब्जेक्ट पे बेटा इधर 5 न्यूटन का फोर्स इधर 5 न्यूटन का फोर्स रिजल्टेंट कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा तो यहां पर भी क्या होता है बेटा कि बेरिलियम और फ्लोरीन में no नो डाउट ये बॉन्ड पोलर है ये बॉन्ड भी कैसा है पोलर बॉन्ड है ठीक है पर ओवरऑल ओवरऑल डाइपोल मोमेंट कितना आता है बेटा ओवरऑल डाइपोल मोमेंट इस मॉलिक्यूल का जीरो होता है ठीक है ओवरऑल बेरिलियम फ्लोराइड जो होता है वो कैसा होता है नॉन पोलर होता है क्योंकि एक डाइपोल इधर जा रहा है वेक्टर इधर जा रहा है एक वेक्टर इधर जा रहा है दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और ओवरऑल डाइपोल मोमेंट कैसा आ जाता है जीरो आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड देखो ये सी डबल बॉन्डो सी डबल बॉन्डो

नेट डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा सीओ टू का जीरो आ जाएगा तो नो no डाउट बेटा कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड पोलर polar है पोलारिटी है इधर भी पोलारिटी है पर क्योंकि सीओ टू के अंदर जितना डाइपोल इधर जा रहा है उतना ही उधर जा रहा है जिसकी वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है नॉन पोलर होता है कैसा होता है बेटा जी नॉन पोलर होता है यहां तक लियो चलिए नेक्स्ट <coughs> बात करते हैं बेटा बी एफ थ्री की बी एफ थ्री देखो ध्यान से समझना बोरॉन फ्लोरीन में बेटा फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यहां खींचेगा इसका डायपोल यहां जाएगा इसका डाइपोल बेटा यहां जाएगा इस बॉन्ड का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव अब इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट बेटा यहां कहीं आएगा है ना एक वेक्टर इधर जा रहा है एक वेक्टर इधर जा रहा है इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं यहां पर होगा तो होता क्या है बेटा ये वाला रिजल्टेंट इस वाले रिजल्टेंट को कैंसिल कर देगा है ना ये इधर जा रहा है इन दोनों का रिजल्टेंट इधर जा रहा है दोनों अगेन मैग्नीट्यूड में बराबर है ऑपोजिट डायरेक्शन में है कैंसिल कर देंगे जिसकी वजह से हम बोलते हैं बेटा बी एफ थ्री भी कैसा मॉलिक्यूल होता है नॉन पोलर यहां पर डाइपोल मोमेंट कितना आ जाता है जीरो आ जाता है क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं ठीक है अमोनिया देखते हैं और ये लोन पेयर तो लोन पेयर बेटा ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है इस तरह से दिखा दिया हमने अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में बेटा नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस बॉन्ड का डाइपोल ऐसे जाएगा टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हेड टेल टुवर्ड्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इस बॉन्ड का डाइपोल बेटा यहां जाएगा इस बॉन्ड का डाइपोल यहां जाएगा ठीक है और लोन पेयर पे भी बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है अब यहाँ पर क्या है नाइट्रोजन और लोन पेयर में लोन पेयर भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा क्योंकि नाइट्रोजन मतलब लोन पेयर इज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो दिस विल आल्सो अट्रैक्ट तो यहाँ पर यहाँ पे ये भी खींच रहा होता है सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा एक डायरेक्शन में जा रही होती है और हम बोलते हैं अमोनिया कैसा मॉलिक्यूल होता है पोलर यानी यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगा कुछ ना कुछ जरूर होगा पानी देख लो यार इस बॉन्ड का बेटा डाइपोल यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव लोन पेयर्स भी ऊपर की तरफ पूरी ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर जाएंगे ओवरऑल डाइपोल मोमेंट सारा एक डायरेक्शन में जा रहा कैंसिल नहीं हो रहा कुछ भी तो यहां पर म्यू विल नॉट बी इक्वल टू जीरो यानी वाटर जो होगा वो कैसा मॉलिक्यूल होगा बेटा पोलर होगा कैसा होगा पोलर तो अमोनिया इज अ पोलर मॉलिक्यूल वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल देखते हैं कि क्या मीथेन में पोलारिटी आएगी तो बेटा मीथेन एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल होता है ठीक है ऐसे मत सोचना कि मीथेन के अंदर कार्बन के चार बॉन्ड इस तरह से हैं ऐसे नहीं होते इट्स अ टेट्राहेड्रल थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर अब मीथेन के अंदर क्या है बेटा कार्बन और हाइड्रोजन में दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है बहुत ज्यादा वैल्यू के अंदर फर्क नहीं होता जिसकी वजह से पोलैरिटी बहुत ज्यादा आज सच कुछ जनरेट ही नहीं होती है बिकॉज ऑफ दिस सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन और हाइड्रोजन की वैल्यूज में बहुत फर्क नहीं होता जिसकी वजह से हम बोलते हैं बेटा मीथेन जो होता है इसका डायपोल मोमेंट जीरो होता है क्योंकि पोलारिटी आज तक जनरेट ही नहीं होती और जनरेट नहीं होती है जिसकी वजह से हम बोलते हैं मीथेन कैसा मॉलिक्यूल होता है इट्स पोलर यहाँ पर डायपोल मोमेंट जीरो होता है कोई डायपोल मोमेंट जनरेट ही नहीं हो पाता पोलारिटी आ ही नहीं पाती है बात क्लियर है जल्दी बता दो भाई जल्दी बता दो यार ठीक है चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं क्वेश्चन में पूछा है विच इज मोर पोलर इन द फॉलोइंग भाई ये सवाल इतनी बार पूछा गया है इतनी बार पूछा गया पहला पार्ट पहला वाला खासकर इतनी बार आपको प्रीवियस ईयर में मिलेगा मॉड्यूल के क्वेश्चंस में मिलेगा आप कोई बुक प्रैक्टिस करोगे उसमें पूछा जाएगा और बच्चे ना यार इसके अंदर बहुत गलती करते हैं पहली बार में तो जब बच्चा ये टॉपिक पढ़ता है वो हमेशा बहुत कम बच्चा दिमाग लगा के सही आंसर देता है तो आई वुड वॉन्ट कि आप इसका आंसर जरूर बताएं कि अमोनिया NH3 और NF3 नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड में कौन ज्यादा पोलर है सोचे स्ट्रक्चर बना देते हैं हम तुम्हारे लिए तो NH3 का स्ट्रक्चर बेटा कुछ ऐसा था देखो स्ट्रक्चर बना के दे रहे हैं हम तुमको उसके बाद भी अगर तुम गलत आंसर बताओ तो फिर क्या करें ये हो जाएगा बेटा नाइट्रोजन ट्राई फ्लोराइड चलिए सोचे देखो यार अब पता नहीं तुम क्या आंसर कमेंट करते हो तो तुम ही जानो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बेटा नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इस बॉन्ड का इधर इस बॉन्ड का इधर लोन पेयर भी इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर खींच रहा होता है ओवरऑल क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी होती है सो प्योर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की तो ओवरऑल ऊपर की तरफ खींचता है तो यहाँ पर ओवरऑल डाइपोल मोमेंट ऊपर जा रहा है ठीक है ओवरऑल ये जो पर्पल से दिखाया मैंने रिजल्टेंट दिखाया है पर यहाँ पर देखना है यहाँ पर अब लड़ाई झगड़ा शुरू हो रहा है कैसे नाइट्रोजन फ्लोरीन में बेटा फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस बॉन्ड का डाइपोल इधर जाएगा हेड एरो जो है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव टेल लेस इस बॉन्ड का इधर इस बॉन्ड का इधर पर जो लोन पेयर है बेटा लोन पेयर के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉन्सेंट्रेट हो रखी है लोन पेयर ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है तो इसको हम पिंक से नहीं दिखाते इसको हम कोई और कलर से दिखा देते हैं तो होगा क्या कि थोड़ी बहुत कैंसल होती है डाइपोल थोड़ी बहुत कैंसल ऐसे समझ लो कि इन तीन बॉन्ड्स की डाइपोल और ऊपर तो मान लो ऐसे फिजिक्स का समझ लो ना ऑब्जेक्ट पे बेटा नीचे पांच न्यूटन लग रहा है ऊपर दो न्यूटन लग रहा है तो कुछ तो कुछ वैल्यू आएगी पर कैंसल थोड़ा बहुत तो हो रहा है रिजल्टेंट आपका कितना आ जाएगा बेटा यहां पर रिजल्टेंट कितना आएगा जल्दी बोलो तीन न्यूटन आएगा पर अगर मैं यहाँ पर देखू तो इधर पांच न्यूटन लगा और इधर की साइड भी कुछ और लगा तीन न्यूटन लगा तो ओवरऑल जो एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो बेटा यहाँ आठ न्यूटन हो जाएगा पर यहाँ पर थोड़ा बहुत कैंसल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होता है कि ये तीन बॉन्ड्स का जो रिजल्टेंट है वो नीचे खींच रहा है उनका डाइपोल का डायरेक्शन नीचे जा रहा है लोन पेयर ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा है थोड़ा बहुत कैंसिल हो जाता है जबकि यहां पर कैंसिल करने का कोई फैक्टर ही नहीं था यहाँ पे सबका डाइपोल एक ही डायरेक्शन में जा रहा होता है यहाँ पर बेटा थोड़ा बहुत कैंसिल हो जाता है क्योंकि थोड़ा ऊपर खिंच रहा होता है थोड़ा नीचे खिंच रहा होता है पर ये दोनों बराबर नहीं है तो जीरो तो नहीं होता बिल्कुल कैंसिल नहीं करते हैं कुछ कुछ वैल्यू होती है पर जो एन होता है बेटा ये लेस पोलर होता है क्योंकि यहां पर थोड़ा बहुत डायपोल एक दूसरे का कैंसल हो जाता है और अमोनिया जो होता है बेटा वो ज्यादा पोलर होता है ठीक है तो NH3 और NF3 में याद रखे NH3 थ्री इज मोर पोलर क्योंकि यहाँ पर सारे वेक्टर सारे डाइपोल एक ही डायरेक्शन में जाते हैं एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और यहाँ पर तीन फ्लोरीन का रिजल्टेंट बेटा यहाँ नीचे कहीं जा रहा है इस लोन का रिजल्टेंट ऊपर कहीं लेकर जा रहा है ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर नहीं है ठीक है पर कुछ तो कैंसिल हो रहा होगा एक एक डायरेक्शन में लेकर जा रहा है एक ऑपोजिट में लेके जा रहा है ठीक है तो थोड़ा बहुत कैंसिल होता है तो थोड़ा ही बच पाती है वैल्यू हमारे पास चलिए सेकंड पार्ट में पूछा है एच टू ओ और एच टू एस में कौन ज्यादा पोलर है जल्दी सोचो भाई बेटा सोचो यहां पे डाइपोल इधर ओवरऑल ऊपर सल्फर और हाइड्रोजन में सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर इन दोनों में ज्यादा पोलर कौन होगा बेटा एच टू यहाँ पे एन एच थ्री वाई बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव सल्फर तो बेटा ऑक्सीजन अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ खींचेगी ज्यादा डाइपोल जनरेट होगा यहां पर सल्फर जरूर खींच रही है पर क्योंकि सल्फर के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा एनी डे ऑक्सीजन से तो कम ही है तो सल्फर वाले बॉन्ड में हाइड्रोजन सल्फर वाले बॉन्ड में पोलारिटी आएगी पर कम आएगी तो यहां पर ज्यादा पोलर कौन होगा बेटा वॉटर इज मोर पोलर एज कंपेयर टू एच टू एस ठीक है जी चलिए तो बेटा ये एक टेबल भी है जिससे आपको डाइपोल मोमेंट की चीजें भी क्लियर हो रही होंगी हमने ये करा एच एफ एच सी एल एच बी एच आई इन सब मूवमेंट में में आप देखोगे डिक्रीज सेवन एट और यही मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही थी डिफरेंस भी कम होगा पोलरिटी बॉन्ड की कम होगी डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगा ठीक है so, सो यहाँ पर वैल्यू से ये चीज प्रूव भी हो रही है वैल्यू भाई याद नहीं करनी है प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट कोई ये मत पूछना मैम हमें वैल्यूज याद करनी है मैं पहली बता रही हूँ याद नहीं करनी है यू डू नॉट हैव टू लर्न ये सिर्फ मैं आपको इंटरप्रेट करने के लिए दिखा रही हूँ हमने जो पढ़ा वो सब अप्लाई भी हो रहा है ना तो बेटा एच एफ एच सी एल एच बी आर एच आई में जब हम आ रहे थे तो डाइपोल मोमेंट क्या कर रहा था डिक्रीज कर रहा था पोलैरिटी ऑफ एच एक्स क्या कर रही थी डिक्रीज कर रही थी हाइड्रोजन और हेलोजन के बॉन्ड की पोलैरिटी कम हो रही थी क्योंकि नॉन तो 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 पोलर और ये हमने देख भी लिया था बेटा जो सेम एटम्स वाले मॉलिक्यूल है एच टू एफ टू सी एर टू ओ टू एंड टू वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी दोनों एटम्स की बराबर खींचेंगे अब यहाँ पे देखो वैल्यू से प्रूफ भी हो गया बेटा h2o और h2s में आप देखो वाटर का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है और सल्फर h2s का कम है co2 हमने देखा था co2 का डाइपोल मोमेंट जीरो आ रहा था co2 कार्बन डाइऑक्साइड बेटा कैसा मॉलिक्यूल था नॉन पोलर था लीनियर ज्योमेट्री थी जबकि वाटर और h2s बेंट थे बेंट अमोनिया और nf NH3, NF3 में भी देखो वैल्यू से प्रूव हो रहा है भाई NH3 की वैल्यू अगर आप देखोगे वापस लिख देती हूँ मैं वहां पे तो यहाँ पर बेटा डाइपोल मोमेंट 1.47 पॉइंट डिबाई है जबकि इसका कितना है 0.23 टू थ्री डिबाई प्रूव भी हो रही है ये बातें ऐसा नहीं है कि हमने हवा में बातें करी हैं है ना डाइपोल मोमेंट की वैल्यू इस चीज को प्रूव कर रही है वाटर और एच टू एस में भी देखो वाटर का 1.85 पॉइंट डाइपोल मोमेंट इसका 0.95 नाइन डाइपोल मोमेंट ठीक है और बी एफ थ्री हमने देखा बी एफ थ्री का डाइपोल मोमेंट कैसा आ रहा था जीरो नॉन पोलर था चलिए मीथेन का बेटा जीरो CCl4 फोर का जीरो नॉन पोलर नॉन पोलर कैंसल हो जाता है ठीक है सीसीएल फोर एक बार जरा देखो बेटा सीसीएल फोर में कैसे हो रहा होगा समझा रही हूं समझना ध्यान से ये बेटा सीसीएल फोर हो गया इस क्लोरीन का रिजल्टेंट इधर बॉन्ड का इन तीन बॉन्ड्स का रिजल्टेंट बेटा नीचे होगा इस बॉन्ड का रिजल्टेंट ऊपर दोनों एक दूसरे को कैंसल कर देंगे डाइपोल मोमेंट कितना आ जाता है जीरो आप इसी को ऐसे भी समझ सकते हो अगर किसी को कंफ्यूजन हो इन दो बॉन्ड्स का रिजल्टेंट इधर इन दो बॉन्ड्स के डाइपोल का वेक्टर रिजल्टेंट इधर कैंसल हो जाएगा तो कैसा आ जाएगा बेटा डाइपोल मोमेंट जीरो तो CCl4 का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है नॉन पोलर होता है पर वहीं पर अगर हम बात करें क्लोरोफॉर्म की तो क्लोरोफॉर्म में बेटा कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगी क्योंकि अगर आप ऐसे स्ट्रक्चर देखो सी एच सी एल थ्री तो इन दोनों बॉन्ड्स का डाइपोल का रिजल्टेंट इधर इस बॉन्ड का इधर पर बेटा ये मैग्नेट्यूड में बराबर नहीं होंगे ये दोनों बराबर नहीं है क्योंकि यहां पर दो क्लोरीन है यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन है दो हाइड्रोजन मतलब सॉरी दो क्लोरीन का रिजल्टेंट अलग आएगा एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन का बेटा रिजल्टेंट अलग आएगा तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में तो होते हैं पर मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होता इसीलिए क्लोरोफॉर्म में डाइपोल मोमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है जैसे कि यहाँ पे 1.04 और इसीलिए हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म कैसा मॉलिक्यूल होता है पोलर होता है यहां तक बातें क्लियर हैं जल्दी से बता दे जल्दी से बता दे चलिए सो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा पोर्सेंटेज आइनिक कैरेक्टर आप कोवलेंट बॉन्ड के अंदर पोर्सेंटेज आइनिक कैरेक्टर एक तो हमने बताया डाइपोल मोमेंट से हमें कोवलेंट बॉन्ड में पोलैरिटी पता चल रही है पर बेटा जैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड में चार्ज सेपरेशन आ रहा है पोलैरिटी आ रही है प्लस माइनस का चार्ज आ रहा है मतलब आयनिक कैरेक्टर तो आ रहा है ना आय की तरह बिहेव कर सकते हैं तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड इज कैलकुलेटेड और इज गिवन बाय म्यू ऑब्जर्व बेटा डाइपोल मोमेंट कितना आ रहा है ऑब्जर्व कितना हुआ आपने जो मेजरमेंट uh, करी वो कितनी आई डिवाइडेड बाय म्यू कैलकुलेटेड म्यू कैलकुलेटेड वो है जो आपने फॉर्मुले से थियोरिटिकली निकाला है ना दोनों चीजों में फर्क होता है एक होती है थियोरिटिकल कैलकुलेशन एक होती है एक्सपेरिमेंटल आपने एक्सपेरिमेंट करके कुछ निकाला थ्योरी में तो आपने कुछ कैलकुलेट करा पर जरूरी नहीं ना बेटा थ्योरिटिकल और ऑब्जर्वड मैच करे तो जो म्यू ऑब्जर्व है वो वो वैल्यू है जो आपको ऑब्जर्व हुई है जो मेजर करके आई है टे हुआ है जो तुमने पन्नों पर कैलकुलेट करी है पेन की मदद से थियोरिटिकल इन टू हंड्रेड एक और इक्वेशन होती है बेटा जिससे हम परसेंटेज आइए कैरेक्टर निकालते हैं कोवलेंट बॉन्ड के अंदर दैट इज है स्मिथ इक्वेशन ठीक है सो दिस इज एक्स इज इक्वल टू सिक्सटीन ई ए माइनस काई ए माइनस बी का स्क्वायर ठीक है सिक्सटीन ये जो एक्स है बेटा ये एक्स क्या डिनोट कर रहा है आपका ये एक्स डिनोट कर रहा है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ये परसेंटेज में ही है ठीक है आपको हंड्रेड से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है परसेंटेज आइनिक कैरेक्टर इन ए बी बॉन्ड एंड ऑफकोर्स ए बी कोवलेंट बॉन्ड है तो ए बी कोवलेंट बॉन्ड के अंदर कितना परसेंटेज आइनिक कैरेक्टर है उसको हमने एक्स से रिप्रेजेंट करा दैट इज इक्वल टू सिक्सटीन ए क्या करता है बेटा का अलैक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ ए एंड का बी और बेटा आप जो भी ए लोगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा होने अब जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो पहले आएगा जिसकी वैल्यू कम है वो बाद में आता है ठीक है सो काई ए विल बी ग्रेटर देन काई बी ये वाली चीज याद रखनी है ठीक है ठीक है बात क्लियर है तो बेटा यहाँ पे तो देखो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इधर की साइड स्क्वायर हो रहा है तो यहां पर फर्क नहीं पड़ता आप को भी पहले रखो पर यहां बहुत फर्क पड़ता है तो याद रखे कि जो काई ए है वो ज्यादा वाली वैल्यू है काई बी कम वाली वैल्यू मान लो हमें दो एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे दी है मान लो मुझे एच में ही पूछ ले परसेंटेज आइनिक कैरेक्टर निकालो और एच एफ में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे रखी है टू पॉइंट वन और फ्लोरिन की दे रखी है चार तो अब बेटा यहाँ पे फोर आएगा वैल्यू और यहाँ पर टू पॉइंट वन आएगा यहाँ फोर आएगा माइनस टू पॉइंट आ रही है ठीक है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं उसके बाद थोड़ा ब्रेक देंगे आपको आप भी ब्रेक ले सकते हैं हम भी ब्रेक ले लेंगे चलिए तो बात करते हैं बेटा ये लास्ट अभी फिलहाल ब्रेक से पहले का ये टॉपिक करेंगे उसके बाद हम सारी थ्योरी स्टार्ट करेंगे वी VBT, हाइब्रिडाइजेशन क्या है MOT क्या है बट हाँ कह सकते हैं कि हमने काइंड ऑफ फिफ्टी परसेंट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है सो so, फिजांस रूल क्या होता है बेटा बेसिकली फिजांस रूल जो होता है दैट इज इट बेसिकली टेल्स दी और इट एक्सप्लेन्स दी इट एक्सप्लेन दी कोवेंट कैरेक्टर इन आइनिक बॉन्ड अब भाई कहानी थोड़ी विचित्र है तो उसको समझना की होता क्या है हमने देखो डाइपोल मोमेंट बोला कि कोवेलेंट बॉन्ड में थोड़ा बहुत आयनिक कैरेक्टर आ रहा था कि जहां पर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आ रही थी यानी पोलैरिटी आ रही थी यानी वहां पर कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर आ रहा था क्योंकि बेटा अगर मेरे बॉन्ड के अंदर चार्ज सेपरेशन आ रहा है कोवेलेंट बॉन्ड में तो वहां पर कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर आ रहा होगा ठीक है जहां पर डाइपोल मोमेंट जीरो था जैसे एच टू एफ टू एन टू सी एल टू बी आर टू इस तरह के मॉलिक्यूल्स जो थे वो आपके नॉन पोलर थे बट कहीं ना कहीं कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर आ रहा था तो उल्टा भी तो हो सकता है क्यों आयनिक बॉन्ड के अंदर कैरेक्टर नहीं आ सकता आता है ऐसा देखा गया कि कुछ कुछ जगह पर आयनिक थे दे वर नॉट इन जैसे मैं तुम्हें बहुत प्यारा एग्जाम्पल देती हूँ तुम दसवीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो उससे और पहले से जो बेटा सिल्वर क्लोराइड होता है अगर तो हम ये मानते हैं कि आयनिक कंपाउंड है सिल्वर प्लस और सी माइनस तो बेटा इसको तो पानी के अंदर सोल्यूबल होना चाहिए था ना ये अगर पोलर है आइनिक कंपाउंड है चार्ज सेपरेशन है फिर भी हम बोलते हैं बेटा पानी में कैसा होता है इनसेल्यूबल होता है ये तो पानी के अंदर प्रेसिपिटेट की फॉर्म में सेटल हो जाता है पानी में डिजोल्व ही नहीं करता तो जब ऐसी प्रॉपर्टीज देखी गई कि आयनिक कंपाउंड होते हुए भी पानी में सोल्यूबल नहीं हो रहा तो कुछ ना कुछ उनको लगा कि यार कुछ गड़बड़ है हो सकता है आयनिक कंपाउंड के अंदर कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर आ रहा हो तो इस चीज को डिस्कवर करा एक साइंटिस्ट ने कह रहे हो हम भी कुछ ऐसा मैं भी सोचती हूँ कभी कि कुछ तो ऐसा डिस्कवर कर लेती शायद मेरा भी ऐसे नाम हो जाता तुम भी मेरा नाम कहीं केमिस्ट्री में पढ़ रहे होते आशिमाज रूल <laughs> so, सो रूल क्या कहता है पहले समझते हैं बेटा आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे आता है कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर समझ आया पोलैरिटी आ रही थी चार्ज सेपरेशन आता हुआ दिख रहा था आयनिक बॉन्ड के अंदर क्या होता है इसको समझना अब होता क्या है बेटा ये हमारा किटायन ठीक है ये किटायन दिखा रही हूं मैं किटायन का ऑफकोर्स ये न्यूक्लियस होगा ऐसे करके और ये आपका किटायन हो गया ठीक है आयन के पास भी बेटा न्यूक्लियस तो होगा ही और एनायन क्योंकि साइज में ज्यादातर बड़ा होता है तो ये हो गया आपका एनायन तो जो कैटायन होता है मान लेते हैं हम ऐसे ही दिखा देते हैं कि जो के उसको हमने ये बात, तो तुम मानते से। मतलब जो मैंने बात बोली ये बात पे आप एग्री करते हैं कि कैटायन के, के पास जैसे एन ए प्लस ले लो मैं तो बेटा एनए प्लस प्रोटोन ग्यारह है इलेक्ट्रॉन दस मैग्नीशियम टू प्लस ले लो यार प्रोटॉन बारह इलेक्ट्रॉन दस एल्यूमिनियम थ्री प्लस ले लो यार तुम यारोटोन तेरह इलेक्ट्रॉन दस तो कैटायन पर हमेशा बेटा तो ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन कम होता है ठीक है यानी पर charge, charge, पर न्यूक्लियर चार्ज चार्ज पॉजिटिव जो न्यूक्लियस होता है वो ज्यादा होता है क्योंकि प्रोटोन ज्यादा होता है एनआईन के पास बेटा प्रोटोन कम होता है इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है जैसे सी एल माइनस सत्रह प्रोटोन अट्ठारह इलेक्ट्रॉन एस टू माइनस सोलह प्रोटोन अट्ठारह इलेक्ट्रॉन n3 माइनस सात प्रोटॉन दस इलेक्ट्रॉन तो होता क्या है एन आयन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं अब होता क्या है बेटा जो कैट का न्यूक्लियस है क्योंकि कैट पर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है तो वो क्या करने की कोशिश करता है अपने इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट कर ही रहा होता है पर ये मानते नहीं है ये क्या करते हैं बेटा जब कैट और एन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे आयनिक बॉन्ड में तो यहां पर क्या होता है जो कैटायन का न्यूक्लियस है वो क्या करता है एनायन के जो इलेक्ट्रॉन्स है शेल के या जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है ठीक है जिसके वजह से एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो बर्बाद सा होता हुआ दिखता है

और जब बीच में इलेक्ट्रॉन्स आना लग जाए या आते हुए दिखे तो हम यही बोलते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड में तो 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 बेटा इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअल शेयरिंग से ही तो होते हैं ठीक तो है है ऐसा लगता कि आयनिक बॉन्ड के अंदर कैटायन और एनायन के बीच में इलेक्ट्रॉन्स आने लगते हैं और ऐसा लगता है कि कैसा कैरेक्टर आने लग गया कोवेलेंट कैरेक्टर हमें ऐसा लगने लगता है कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होने लग गई शेयरिंग जैसा दिखने लग जाता है और तब हम बोलते हैं बेटा कि कोवलेंट कैरेक्टर आने लग गया है आयनिक बॉन्ड के अंदर ठीक है अब यहां पर हम दो चीजें बोलते हैं केटायन एबिलिटी ऑफ केटायन टू डिस्टॉर्ट दी वो एनायन का घर एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितना बर्बाद करेगा एबिलिटी ऑफ केटाइन टू डिस्टॉट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन इज कॉल्ड एज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर केटायन की कितनी ताकत है भाई की वो एनायन के क्लाउड को एनायन के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उनको कितना खराब कर सकता है वो केटायन की पोलराइजिंग पावर है कितना पोलराइज कर सकता है अपनी तरफ और एनायन ठीक है द एबिलिटी ऑफ एनायन टू अंडर गो डिस्टोरशन टू अंडर गो डिस्टोरशन इज कॉल्ड एज इट्स पोलराइजेबिलिटी एनायन बेटा अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितना बर्बाद करवा सकता है

और इस पूरे में जबकि टाइन इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बेटा डिस्टॉर्ट करता है इस चीज को बुलाते हैं पोलराइजेशन क्या बुलाते हैं पोलराइजेशन ठीक है तो फिजांस रूल बेटा मैं बहुत आसान भाषा में समझा रही हूं बहुत आसान सा रूल है तो पहले हम फिजांस रूल की इजी वाली स्टेटमेंट लिख लेते हैं इजी वाली ठीक है So, पहले फिजांस रूल की बहुत आसान सी स्टेटमेंट है अगर तुमने ये स्टेटमेंट मेरे साथ याद कर लिया तो काम बन जाएगा बेटा स्मॉलर दी साइज ऑफ केटायन साथ साथ बोलना है मेरे स्मॉलर दी साइज ऑफ केटन लार्जर दी साइज ऑफ एनायन ध्यान से सुनना स्मॉलर साइज ऑफ केटायन Larger the size of anion, more is the polarization and more is the covalent character in Ionic bond. ठीक है तो अब ये दो तीन बार हम टर्म बोलेंगे ताकि हमको ये टर्म मतलब तो ये रूल याद हो जाए में भी में कोई तुमसे पूछे तो तुम ये रूल कभी भूलो ना और ऐसा तो कभी मत बोलना कि हमने तो ये पढ़ा ही नहीं अरे रूल हमें तो पता ही नहीं है ये टर्म तो हम पहली बार सुन रहे हैं ऐसा मत करना है ना नाम मत मेरा

More is the character in bond. एक बार और बोल लेते हैं. ठीक है, बेटा पर छोटा हो एनायन जहां पर बड़ा हो वहां पर कोविलेंट कैरेक्टर उस आइनिक कंपाउंड के अंदर कोविलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा अब जरा पॉइंट्स पर आते हैं तो बेटा जितना केटायन का साइज छोटा होगा ठीक है स्मॉल साइज ऑफ केटायन यानी उसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी ज्यादा होगी उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी ज्यादा पोलराइज कर पाएगा क्योंकि जितना केटायन छोटा होगा यानी उस पर इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा ज्यादा बर्बाद करेगा इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज एनआईन एन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बेटा इन आयन का साइज जितना बड़ा होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी यानी अपना घर बर्बाद करवाने की पोलराइजेबिलिटी क्या होती है? उतनी होती है है उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है लार्ज चार्ज ऑन इधर ऑफ द टू आय ये तो ठीक है बेटा केट आयन पे जितना चार्ज ज्यादा होता है ठीक है ये हमने पहले भी कर रखा है पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा साइज उतना कम होगा

टू माइनस एन थ्री माइनस एन थ्री माइनस का चार्ज ज्यादा होगा ज़्यादा बर्बाद होगा ठीक है so, जहां वहां जहां वहां मुझे तो यही दो चीजें चाहिए थी तो दोनों आयन पे जब चार्ज ज्यादा होगा आएगा क्योंकि केटाइन पे चार्ज ज्यादा होगा साइज छोटा होगा एन आयन पर चार्ज uh, ज्यादा होगा साइज ज्यादा होगा ठीक है लास्ट वाला बड़ा इंपॉर्टेंट सी बात है यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिन देती हूँ एन ए प्लस सीयू प्लस दोनों पे प्लस वन का चार्ज है दोनों का साइज ऑलमोस्ट आसपास होता है पर कॉपर प्लस का जो कॉन्फिगरेशन होता है दैट अ अब सो वन सुडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में रादर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स तो हम बोलते हैं बेटा वन विद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन विल बी मोर पोलराइजिंग विद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ठीक है इसको एग्जाम्पल की फॉर्म में कर लेते हैं ठीक है तो हमने कहा जहां पे नोबल गैस कॉन्फिगरेशन होता है वो कैटायन ज्यादा पोलराइजिंग होता है और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आता है तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे फिर थोड़ा सा ब्रेक लेंगे अब जरा देखिए बेटा NaCl के अंदर वी हैव हाँ, Na+ Cl- CuCl के अंदर वी हैव हाँ, Cu+ Cl- अब Na आयन दोनों जगह सेम है तो मैं Na आयन के साइज पर तो कैसे ही डिसाइड करूं अब मैं केटायन देखती हूँ तो कैटायन में Na+ का अगर मैं देखूं तो Na+ का कॉन्फिगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 और ये कॉन्फिगरेशन कौन सी नोबल गैस का है बेटा नियॉन का ठीक है इसके पास आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है छह और दो आठ इलेक्ट्रॉन्स है पर अगर मैं कॉपर प्लस की बात करूं तो कॉपर प्लस दोनों आयंस का चार्ट सेम है Na प्लस कॉपर प्लस वन वन साइज भी ऑलमोस्ट सेम होता है बेटा अब कॉन्फिग्रेशन की बात करें तो कॉपर प्लस का कॉन्फिग्रेशन होता है वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स रेडी टेन फोर एस वन में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो फोर एस जीरो होता है अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे बेटा, तो यहाँ पर ये आउटर मोस्ट शेल है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है अट्ठारह इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी बाहर वाली शेल कंप्लीट है पर ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो कॉपर प्लस के पास बेटा सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन है लगा कि नोबल गैस का होगा पर है नहीं फॉल्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है जबकि इसके पास एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है तो जिस कैटायन का नोबल गैस कॉन्फिगरेशन होता है वो कैटाइन बेटा ज्यादा पोलराइजिंग होता है यानी इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है अगर इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है ये ज्यादा पोलराइज करेगा तो बेटा इन दोनों में ज्यादा कोवलेंट कौन सा वाला हो जाएगा आपका सी यू ट होगा बात क्लियर है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वही बताना है कौन ज्यादा कोवलेंट है तो मैं पेयर दे रही हूं तुमको चूज करना है चलिए जी भाई पहले में कौन थ्री प्लस और एम जी टू प्लस में कौन में बेटा बेटा कौन कौन ज़्यादा होगा और सा छोटा होगा जल्दी सोचो भाई पॉजिटिव चार्ज ज्यादा साइज वहां कम दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है यहाँ पे कीटायन ज्यादा छोटा होगा रूल याद करो स्मॉलर दी साइज ऑफ कीटायन लार्जर दी साइज ऑफ एनआईन एनआईन दोनों जगह सेम है सीएल माइनस अब केटाइन का साइज सो, सोचो कहां पे बेटा केटाइन छोटा होगा ए एल थ्री प्लस में यहां पर केटाइन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो ए एल सी थ्री ज्यादा कोवेलेंट है एम टू से नेक्स्ट <coughs> सोचे बेटा सी ए सी एल तो सेम है दोनों जगह यहां पर एन आयन है सी एल माइनस यहाँ पे एन आयन है बेटा एफ माइनस अब केट पर तो मैं नहीं डिसाइड कर सकती आयन एन आयन सोचो लार्जर साइज़ ऑफ़ मोर इज द को सी एल माइनस में बेटा सी एल माइनस का साइज बड़ा है कोविलेंट कैरेक्टर यहां ज्यादा होगा MgCl2, CaCl2. अब यहां पर बेटा मेरा एनआईन सेम है एम जी टू प्लस और कैल्शियम टू प्लस में बेटा कैल्शियम के पास ज्यादा शेल होगी तो यहां पर एम जी टू प्लस स्मॉलर इन साइज केवल कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा उतना ज्यादा होगा यहां तक बात क्लियर है यहां तक क्लियर है सॉर्टेड है ठीक है सो so, थोड़ा ब्रेक लेते हैं बाकी टॉपिक बेटा थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे वहीं से कंटिन्यू करेंगे सो so, यहां पर बेटा हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया था ब्रेक वो मेरे लिए था तुम्हारे लिए नहीं था ठीक है सो so, यहां से अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे सो so, उससे पहले कुछ लाइने है ना मंजिल क्या है रास्ता क्या है मंजिल क्या है रास्ता क्या है हौसला हो तो फासला क्या है हौसला हो तो फासला क्या है तो हमने आधा रास्ता इस चैप्टर का कर लिया है है ना आधा रास्ता पार कर लिया है आधा रास्ता और बचा है इस चैप्टर का तो अब अब वाले टॉपिक से बेटा हम स्टार्ट करेंगे थियोरीज। कि कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए क्या क्या डिफरेंट थ्योरीज आई थी ठीक है तो उससे पहले एक छोटा सा एंटरटेनमेंट है ना ओहो सच पॉपुलर थिंग है ना ये याद होगा सबको सो so, जैसे कि पहली वाली इमेज में कह रहा है आइनिक बॉन्डिंग वन मस्ट टेक दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन अदर आइटम इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल ये हो रहा था एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था दूसरा उसका इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था पर कोवलेंट बॉन्डिंग वहां पे क्या हो रहा था शेयरिंग इज स्रिंग कह रहे हैं दोनों को स्टेबिलिटी कैसे मिल रही थी बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स है ना सो आइटम शेयर देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल ठीक है तो कोवलेंट बॉन्ड सो <laughs> so, अब यहां से कोवेलेंट बॉन्डिंग की थ्योरी आगे बढ़ाएंगे हम चलिए सो बेटा पहला थ्योरी था अभी तक हमने थ्योरीज पढ़ी हमने बहुत कुछ करा है ना हमने आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या था फॉर्मल चार्ज क्या था रेजोनेंस क्या था ये सारी चीजों की बात करी थी है ना आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आ रहा है फिजान्स रूल

क्योंकि वो एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं आपके पास नोट्स में भी होंगे उनसे आज सच कोई सवाल नहीं आता मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि ये थ्यूरी क्या कहती है ये क्या कहती है नाम से सब कुछ नाम में है भाई कि बैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उनमें अलग अलग तरह की रिपल्शन फोर्सेस होती है क्योंकि अफकोर्स बेटा इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपल्शन देने की कोशिश करते हैं जब मॉलिक्यूल बनता है जब मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है जो ज्योमेट्री होती है वो इस तरह से होती है कि सारे जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है वो जितना दूर एक दूसरे से हो सके स्पेस के अंदर उतना बढ़िया है है ना क्योंकि जितना दूर होंगे एक दूसरे से उतना कम रिपल्शन होगा स्टेबिलिटी ज्यादा होगी मॉलिक्यूल की ठीक है तो वी के हिसाब से बताया गया कि भाई सबसे ज्यादा जो रिपल्शन होता है ना इलेक्ट्रॉन पेयर्स में बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर हमने दो तरह के करे थे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे बॉन्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करे लोन पेयर तो ये कहती कहते है कि भाई सबसे ज्यादा रिपल्शन जो होता है बेटा लोन पेयर लोन पेयर में है ना? सबसे ज्यादा रिपल्शन में ऐसे कहते हैं ना खाली बर्तन है बचते ज्यादा हैं खटकते ज्यादा हैं तो यहाँ पर क्या होता है ये वाले इलेक्ट्रॉन पर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर नहीं रहे होते हैं। खाली बैठे होते हैं तो सोचते हैं क्या ही करे ना जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो बेटा नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी काफी कॉन्सेंट्रेट होती है और जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे रिपल्शन उतना ज्यादा होता है तो लोन पेयर लोन पेयर उसके बाद होता है बेटा लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर और सबसे कम रिपल्शन होता है बॉन्ड बॉन्ड पेयर में ठीक है ये रिपल्शन का ऑर्डर लिखा है हमने तो इसी को शॉर्ट में करके लिख लेते हैं और वी कैन राइट इट एज दिस वे ये रिपल्शन का ऑर्डर है बेटा रिपल्शन का है ना तो सबसे ज्यादा रिपल्शन किस में है लोन पेयर लोन पेयर उसके बाद लोन पेयर पेयर बॉन्ड और सबसे कम रिपल्शन कहां पर है है बॉन्ड बॉन्ड पेयर पेयर के अंदर ठीक सो मेन so ये याद रखना है नीट के अंदर कुछ क्वेश्चन सीधा इस ऑर्डर से भी आए हुए हैं सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन ठीक है सो so आपको एक तो ऑर्डर याद रखना है बेटा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर कौन से में रिपल्शन होता है लोन पेयर लोन पेयर फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर और फिर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर के अंदर ठीक है एक तो ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है अपने लिए चलिए अब VSEPR जो होता है बेटा ये मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बताता है मॉलिक्यूल की शेप बताता है बट इसके लिए एक टेबल है हम ज्योमेट्री शेप कैलकुलेट कर लेंगे उसके लिए स्टेरिक नंबर निकालना मैं सिखाऊंगी आपको पर जो टेबल है वो तुमको मेरे साथ-साथ याद करनी पड़ेगी है ना मुझे तो याद है पर तुमको वो याद करनी पड़ेगी बेटा क्योंकि अगर वो टेबल तुमने याद कर ली तो VSEPR और साथ ही साथ VBT दोनों के क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे ठीक है तो इतना तो तुम क्वेश्चन के लिए कर ही लोगे। चलो, तो पहली टेबल जो है ये टेबल है आपकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स और जोमेट्री की ठीक है अगर हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स दो हैं, है ना ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स को यू कैन आल्सो राइट इट एज स्टेरिक नंबर है ना स्टेरिक नंबर अगर स्टेरिक नंबर बेटा टू है टू तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होती है लीनियर अगर स्टेरिक नंबर थ्री है तीन तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होती है बेटा ट्राइगोनल प्लेनर ठीक है ट्राइगोनल प्लेनर यहां पर देखो लीनियर के अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वो आपका कितना होता है 180 डिग्री का होता है बॉन्ड एंगल बाद में भी डिटेल में करेंगे बॉन्ड एंगल एंगल क्या होता है है बेटा बिटवीन द बॉन्ड्स ठीक जो बॉन्ड्स बना रहे होते हैं उनके बीच का एंगल तो यहां पर अगर इस तरह से मॉलिक्यूल है ठीक तो है तो बॉन्ड बिटवीन है ना एंगल बिटवीन द बॉन्ड्स है तो बॉन्ड एंगल यहां पर इन बॉन्ड्स के बीच का एंगल हो जाएगा सो लीनियर मॉलिक्यूल है बेटा तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा आपका वन एटी डिग्री ठीक है ट्राइगोनल प्लेनर के अंदर बेटा बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री स्टेरिक नंबर अगर फोर आए यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर चार आते हैं तो आपकी जो ज्योमेट्री आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शेप राइट नाउ मैं सिर्फ अभी किसकी बात कर रही हूं बेटा ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल की तो ज्योमेट्री क्या होती है टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल होता है बेटा 109.5 डिग्री या कुछ जगह पे ये भी लिखा होता है हंड्रेड डिग्री 28 मिनट्स है ना 28 मिनट्स इज नियर अबाउट डिग्री ठीक है तो उसको राउंड ऑफ कर देते हैं 109.5 डिग्री में अगर तो बेटा स्टेरिक नंबर फाइव आता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स पांच आते हैं ठीक है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर में बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर है ये ठीक है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स टोटल ठीक है अगर ये पांच आता है तो आपकी ज्योमेट्री क्या होती है बेटा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल इस तरह से ट्राइगोनल पिरामिडल, तीन आपके इस तरह से प्लेन में होते हैं ना जैसे ये ए है तीन इस तरह से ट्राइगोनल प्लेन में हो गए एक अबव होता है एक बिलो होता है ठीक है एक अबव होता है एक बिलो होता है ये जो ट्राइगोनल प्लेनर वाले बॉन्ड्स होते हैं बेटा इनको हम इक्विटोरियल पोजीशन बोलते हैं अबव अब और बिलो वाली जो पोजीशन है इनको हम क्या बुलाते हैं एक्जियल पोजीशन बुलाते हैं ठीक है दोबारा सुन लो मैंने क्या कहा जो ये ट्राइगोनल प्लेनर वाली अगर आप यहां पर ध्यान देंगे ये वाली है ना जो ये ट्राइगोनल प्लेनर वाली पोजीशन है ठीक है जो आपके ट्रायंगलर वाले प्लेन में तीन एटम्स लगे हुए हैं जिसे ए है के इधर 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 ट्राइगोनल प्लेनर में जो है इक्वेटोरियल पोजिशन अब और बिलो जो है ठीक है तो ट्राइगोनल प्लेनर में बेटा दो तरह का बॉन्ड एंगल होता है ये वाला हो जाएगा आपका 120 डिग्री ट्राइगोनल प्लेनर वाला और अब और बिलो वाले जो होते हैं वो 90 डिग्री के जैसे बी ए बी के अंदर जो बॉन्ड एंगल होगा वो 90 डिग्री का होता है पर अगर बी ए बी इस वाले के बीच का पूछेगा तो ये वाला बॉन्ड एंगल कितना होता है 180 डिग्री का होता है है ना क्योंकि अभी B, A, B तो इस तरह से हैं, तो 180 डिग्री इस बी ए बी के बीच का बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री और ये जो ट्राइगोनल प्लेनर वाले हैं दैट इज 120 डिग्री ठीक है तो ये हो गया बेटा आपका ट्राइगोनल बाय पिरामिडल बाय पिरामिडल की दो पिरामिडल की तरह है ट्राइगोनल एक अबव, एक बिलो है तो तीन ट्राइगोनल प्लेनर में होते हैं एक अब एक बिलो होता है इस जोट्री को ट्राइगोनल पिरामिडल बुलाते हैं नेक्स्ट बेटा अगर आपके पास स्टेरिक नंबर सिक्स आता है ठीक है स्टेरिक नंबर सिक्स आता है देन यू हैव अ जोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल एज ऑक्टा हेड्रल एज ऑक्टा एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सारे मॉलिक्यूल्स में कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी सीख लेंगे ठीक है मैं यहीं पे बेटा एक और ऐड करा रही हूँ तो ये एनसीईआरटी में दे नहीं रखा पर ये आप ऐड कर लो अगर आपके पास स्टेरिक नंबर सेवन आता है है ना स्टेरिक नंबर अगर सेवन आता है तो मॉलिक्यूल की जो जमेट्री है जमेट्री जो होती है बेटा मॉलिक्यूल की वो होती है पेंटागनल बायपेरामिडल पेंटागनल बायपिमिडल ठीक है फाइव के लिए ट्राइगोनल बायपेरामिडल सिक्स के लिए ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वाले को बेटा स्क्वेयर बायपेरामिडल भी बुलाते हैं चार बॉन्ड स्क्वायर में होते हैं एक अब एक बिलो होते हैं बॉन्ड एंगल ऑक्टाहेड्रल में सारे के सारे 90 डिग्री के होते हैं ठीक है 90 वाले बॉन्ड एंगल होते हैं इसके अलावा ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर बाय पिरामिडल स्टेरिक नंबर सेवन इज कॉल्ड एज पेंटागनल बाय पिरामिडल समझना कैसे आ रहा है ये तो कुछ इस तरह से होता है बेटा पांच बॉन्ड्स इस तरह से पेंटागन की शेप में Pentagon बनता हुआ दिख गया होगा ठीक है एक अब एक बिलो तो ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ये तो हो जाएगा बेटा सेवेंटी टू डिग्री का ठीक है और ये वाला जो बॉन्ड एंगल होता है वो 90 डिग्री का बी ए बी के बीच में एक सौ अस्सी का है पर इधर बी ए बी के बीच में 90 डिग्री का है ठीक है तो मेन तो याद रखें जो पेंटागन वाला है पेंटागन वाला उसमें 72 डिग्री का बॉन्ड एंगल है इसका बहुत कॉमन एग्जांपल इज आई एफ सेवन आई एफ सेवन ठीक है यहां तक बात क्लियर है तो ये टेबल यहां तक तो एनसीआरटी में दे रखी है सेवन वाले स्टेरिक नंबर का नहीं दे रखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर सेवन का तो आप चाहो तो एनसीआरटी में ही ऐड कर लो अपने नोट्स में ऐड कर लो बट इस चीज को कर लेना ठीक है क्योंकि इससे सवाल आ जाते हैं चलिए अब बेटा नेक्स्ट टेबल जो हमारे चाहिए होती है वो चाहिए होती है पेयर लोन पेयर्स की ठीक है ये टेबल के बाद ट्रिक सिखाएंगे तुमको पूरी ट्रिक सिखाएंगे कि स्टेरिक नंबर कैसे कैलकुलेट करना है पर पहले टेबल समझना जरूरी है शेप समझना जरूरी है अब होता क्या है बेटा कि अगर मॉलिक्यूल में सारे बॉन्ड पेयर होते हैं ध्यान से सुनना सारे अगर बॉन्ड होते हैं यानी जीरो लोन पेयर होता है तो जो मॉलिक्यूल की जोमेट्री होती है वही शेप होती है क्योंकि बर्बादी इतनी होती नहीं है पर अगर मॉलिक्यूल में मान लो चार बॉन्ड पेयर होने चाहिए थे पर तीन पेयर एक लोन पेयर है तो बेटा लोन पेयर आके तहलका मचा रहा होगा वो उस मॉलिक्यूल को बर्बाद करने की मतलब डिस्टॉर्शन कॉज करता है क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा जब सिर्फ बॉन्ड पेयर थे तो रिपल्शन कम था तो जो मॉलिक्यूल की जोमेट्री थी वही शेप थी पर अब जब लोन पेयर आना स्टार्ट हो जाता है तो बेटा वो बॉन्ड पेयर को रिपल्शन देता है बॉन्ड इधर उधर खिसकते हैं और जो मॉलिक्यूल की शेप होती है वो बदल जाती है वो बदल जाती है तो वो लोन पेयर आने के बाद बदलती है तो अब टेबल देखते हैं एक बार चलिए, so, इस वाली में बेटा इलेक्ट्रॉन यानी स्टेरिक नंबर लिखा हुआ है This is your steric number. हमने देख है है? तो linear geometry थी, ठीक बट अब जो हम बात कर रहे हैं ना बेटा वो शेप की है शेप अगर तो बेटा पेयर्स यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो यहां पे मैं लिख देती हूँ ये हो गए बॉन्डपेयर ये हो गए लोन पेयर ये इन दोनों का सम यानी स्टेरिक नंबर हो गया ठीक है स्टेरिक नंबर जो होता है वो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम होता है स्टेरिक नंबर इज पेयर प्लस लोन पेयर ठीक है इधर शेप हो गई इधर बॉन्ड एंगल हो गया आइडियल ठीक है और ये एग्जाम्पल्स हो गए चलिए अगर बेटा दोनों बॉन्डपेयर हैं जीरो लोन पेयर यानी स्टेरिक नंबर टू है तो लीनियर है वहां कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती अगर स्टेरिक नंबर थ्री है और तीनों बॉन्ड बॉन्डपेयर है तो आपकी शेप और ज्योमेट्री दोनों सेम रहती है ट्राइगोनल प्लेनर पर अगर दो बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर आ जाए है ना आप देखो स्टेरिक नंबर थ्री में दो पॉसिबिलिटी है या तो तीन बॉन्ड पेयर हो और जीरो लोन पेयर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है बेटा दो पेयर एक लोन पेयर तो पहले ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर थी पर अब क्योंकि लोन पेयर आ गया तीन में अब दो बॉन्ड पेयर है एक लोन पेयर है स्टेरिक नंबर अभी भी तीन है पर केस बदल गया दो बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर आते ही बेटा शेप बदल जाती है और मॉलिक्यूल की शेप बेंट में बदल जाती है ठीक है दिस इज कॉल्ड एज बेंट और वी कॉल इट एज एंगुलर और वी एज वी शेप ऑल्सो ठीक है वी शेप ऑल्सो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अगर चार स्टेरिक नंबर है तो उसमें तीन केस बनते हैं चार बॉन्ड बॉन्डपेयर जीरो लोन पेयर तीन बॉन्ड बॉन्डपेयर एक लोन पेयर दो बॉन्ड बॉन्डपेयर दो लोन पेयर ठीक है अगर चारों के चारों बॉन्ड पेयर है तो ज्योमेट्री शेप दोनों सेम रहता है टेट्राहेड्रल बट अगर तीन बॉन्डपेयर एक लोन पेयर आता है तो शेप बदल जाती है बेटा पिरामिडल और अगर दो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर आते हैं तो शेप हो जाती है एंगुलर बेंट या वी शेप हो जाती है ठीक है तो, है, angular, है, तो तीन बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर आ जाए तो ट्राइगोनल पिरामिडल दो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर आ जाए तो एंगुलर बेंट या वी ठीक है चलिए स्टेरिक नंबर पांच में फिर से भाई और केसेस बनेंगे स्टेरिक नंबर फाइव में बेटा बनता है पांच बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर जो आइडियल केस था तब जोमेट्री और शेप दोनों सेम रहती है ठीक है तो ये वाला केस तो वो है जब आपके पास जीरो लोन पेयर है चलिए तो यहां पर देखो जरा क्या होता है अब अगर आपके पास बेटा पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर ही हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जोमेट्री शेप दोनों ट्राइगोनल बायपेरामीटर और अगर बेटा चार बॉन्ड पे और एक लोन पेयर आ जाता है शेप हो जाती है सी सौ तीन बॉन्ड पे और दो लोन पेयर आ जाते टी शेप दो बॉन्ड तीन तीन लोन पे और, भाई, तीन लोन भाई आते ही, तो भयंकर रिपल्शन होगा शेप बदल जाती है बेटा लीनियर में लीनियर में ठीक है नेक्स्ट बात करते स्टेरिक नंबर सिक्स में स्टेरिक नंबर सिक्स में तीन केसेस बनते हैं बेटा अगर तो आपके छे के छे सारे बॉन्ड पेयर ही हैं छे के छे बॉन्ड पेयर ही है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यार है ना अगर मेरे सारे के सारे बॉन्ड पेयर है तो ज्योमेट्री शेप दोनों ऑक्टाहेड्रल ही रहती है पर जैसे ही बेटा लोन पेयर आना स्टार्ट हो जाता है शेप बदल जाती है जैसे छे में अब पांच बॉन्डपेयर एक लोन पेयर आ गया तो शेप हो जाती है स्क्वेयर पिरामिडल क्या हो जाती है बेटा जी पांच बॉन्डपेयर एक लोन पेयर आते ही शेप हो जाती है स्क्वायर पिरामिडल चार बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर शेप हो जाती है बेटा स्क्वायर प्लेनर क्या हो जाती है स्क्वायर प्लेनर ठीक है चलिए इसके अलावा बेटा ये बॉन्ड एंगल पे भी ध्यान मत दो बॉन्ड एंगल अभी सीख लोगे धीरे धीरे ठीक है और एग्जाम्पल भी याद करने की आपको जरूरत नहीं है मैं कराऊंगी कैसे किस मॉलिक्यूल में निकालते हैं स्टेरिक नंबर कैसे ज्योमेट्री कैसे शेप ये सब आपको अभी कराएंगे घबराना नहीं है सातों के सातों पेयर हो तो बेटा ये अभी पीछे ही तुमको लिखवाया पेंटागनल बायपेरामिडल होता है पर इसी में एक केस और ऐड कर लो ठीक है अगर इसी में आपके पास बेटा बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर आ जाए है ना बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर यानी स्टेरिक नंबर सेवन ही चल रहा है ठीक है स्टेरिक नंबर सेवन ही चल रहा है तो ऐसे केस में बेटा शेप हो जाती है आपकी डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री तो पेंटागनल बायपिरामिडल होगी पर शेप बदल जाती है इनटू डिस्टॉर्टेड डिस्टोर्टेड ठीक है तो डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल बेटा कुछ इस तरह से दिखता है चलिए ठीक है एग्जाम्पल्स करेंगे अभी तो ये टेबल तुम्हें अपने दिल दिल से से है ना एकदम दिल से याद करनी है एक बार और देखो जरा स्टेरिक नंबर सिर्फ स्टेरिक नंबर पे ध्यान दे बेटा तो ज्योमेट्री ज्योमेट्री देखो स्टेरिक नंबर टू ज्योमेट्री ये चीज फिक्स है शेप चेंज होगी शेप पर अभी आएंगे

अब शेप में आना है बेटा तो शेप वाली टेबल थोड़ा आप एक बार देखोगे एनसीईआरटी में भी दे रखी है इसको थोड़ा सा याद करने में टाइम लगता है बट जैसे जैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाते हैं शेप याद हो जाती है ठीक है सो लर्न आई कांट हेल्प इट बट कोर्स इट विल कम विद प्रैक्टिस सो बेटा टेबल यू हैव टू लर्न अगर कोई ट्रिक होती तो आई विश मैं बता पाती बट ऐसा uh, कोई <laughs> ट्रिक है नहीं हाँ प्रैक्टिस के साथ यू विल लर्न फॉर श्योर आपको याद हो जाएगा एक बार और कोशिश करते हैं हम साथ साथ है ना दो बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर लीनियर शेप तीनों बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर जोमेट्री और शेप दोनों सेम रहता है ट्राइगोनल प्लेनर दो बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर यानी स्टेरिक नंबर थ्री ही है पर शेप बदल जाती है बेटा बेंट एंगुलर या वी चार पेयर जीरो लोन पेयर टेट्राही तीन पेयर एक लोन पेयर ट्राइगोनल पिरामिडल जो अमोनिया की शेप होती है इससे याद रखना है ना दो पेयर दो लोन पेयर वॉटर से याद रखना एंगुलर बेंट या वी शेप अब स्टेरिक नंबर फाइव में आते हैं स्टेरिक नंबर फाइव में अगर पांचों पेयर ज्योमेट्री शेप दोनों सेम रहता है ट्राइगोनल बायपिरामिडल पर अगर बेटा लोन पेयर आना स्टार्ट हो जाए शेप बर्बाद होती है डिस्टॉर्शन स्टार्ट हो जाता है चार बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर सी सो तीन पेयर दो लोन पेयर टी शेप दो बॉन्ड पेयर तीन लोन पेयर बढ़ गए लोन पेयर तो क्या हो जाती है बेटा आपकी शेप लीनियर हो जाती है नंबर में 6 के बॉन्ड पेयर है ऑक्टाहेड्रल जोमेट्री ऑक्टाहेड्रल शेप पांच बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर स्क्वायर पिरामिडल स्क्वायर पिरामिडल पे रामेडल और चार बॉन्डपेयर दो लोन पेयर हो जाए बेटा तो स्क्वायर प्लेनर हो जाता है सातों बॉन्ड पेयर पेंटागनल बाय पिरामिडल पर अगर छह बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर आ गया तो क्या हो जाती है बेटा आपकी शेप डिस्टॉर्टेड ऑक्टा डिस्टॉर्टेड डिस्टोर्टेड चलिए अब देखते हैं कि हाउ डू वी कैलकुलेट हम कैसे कैलकुलेट करें स्टेरिक नंबर देखो सबका सिखाने का तरीका अलग अलग होता है हो सकता है आपने किसी और तरीके से करा हो तो आपने जिस भी तरीके से करा हो मैं जो तरीका सिखा रही हूं आपको उससे करना हो आप उससे कर लेना आपको अगर कोई और मेथड से आता है उससे कर लेना बट एनी हाउ हमें आंसर से मतलब है आपका आंसर एट द एंड ऑफ द डे सही आना चाहिए पेपर के अंदर वो मैटर करता है ठीक है तो पहला स्टेप जो होता है बेटा कैलकुलेशन में दैट इज कैलकुलेट दी कैलकुलेट दी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टीवीई जो भी आपको बेटा मॉलिक्यूल दे रखा है आयन दे रखा है जो भी स्पीशी सवाल में दे रखी है पहला स्टेप होता है कि उसके टोटल वैलेंस निकाल निकालो टीवीई उस मॉलिक्यूल के अंदर ठीक है कैलकुलेट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन गिवन स्पीशीज जो भी आपको सवाल दिया है उसमें पहले स्टेप में आप ये काम करने स्टेप टू ठीक है अगर बेटा मॉलिक्यूल के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी स्पीशीज के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन और इक्वल्स टू एट है यानी आठ से कम या आठ के बराबर है देन टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बेटा किससे डिवाइड करते हैं टू से ध्यान से सुनना अगर मेरे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का सम आठ या आठ से कम आ रहा है तो आप टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को टू से डिवाइड करेंगे टू से डिवाइड करेंगे यहां पर बेटा फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो देता है नंबर ऑफ बॉन्डपेयर्स अगर सेकंड क्वेश्चन आया ये सब क्या है अभी समझाऊंगी घबराना नहीं अभी सिर्फ लिख लो कि आपको याद रहे हम कैलकुलेशन में कर क्या रहे हैं वो नंबर ऑफ लोन पेयर्स देता है एंड फाइनल रिमाइंडर जो होता है फाइनल रिमाइंडर वो हमें जीरो लाना होता है ठीक है अगर मॉलिक्यूल में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन एट है आठ से ज्यादा है तो बेटा हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के सम को आठ से डिवाइड करते हैं टू से डिवाइड नहीं करते ठीक है अगेन फर्स्ट क्वेश्चन विल गिव यू बॉन्ड पेयर्स सेकेंड क्वेश्चन

फर्स्ट एग्जाम्पल समझने वाली चीज है तो लोन पेयर ये कैल्कुलेट कर रहे हो ना ये सेंट्रल एटम के लिए होता है यानी अगर मैं पी सी एल फाइव में बॉन्डपेयर और लोन पेयर कैलकुलेट कर रही हूँ ना तो वो मैं फॉस्फोरस के लिए कैलकुलेट कर रही हूँ सेंट्रल एटम के लिए आगे हम देखेंगे जब हम हाइब्रिडाइजेशन में निकाल रहे होंगे विल बी कैलकुलेटिंग इट फॉर सेंट्रल एटम अब पीसीएल फाइव के अंदर पहला स्टेप क्या है बेटा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालना टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं फॉस्फोरस पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं पांच एक क्लोरीन पर सात वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बेटा पांच क्लोरीन पे सेवन इंटू यानी फाइव प्लस सेवन फाइव थर्टी आ गया कितना आ गया फोर्टी आ गया मेरे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आठ से ज्यादा है तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बेटा किससे डिवाइड करेंगे एट से ही करेंगे दिस देन एट तो अब जो ये फोर्टी है इसको किससे डिवाइड करेंगे एट से एट फाइव फोर्टी यहां पे तो पहली बार में रिमाइंडर जीरो आ गया ये आपका बेटा पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन आपको क्या देता है बॉन्ड पेयर पीसीएल फाइव के अंदर पांच बॉन्ड पेयर है लोन पेयर तो आया ही नहीं क्योंकि सेकेंड क्वेश्चन कुछ आया ही नहीं, फाइनल रिमाइंडर सीधा जीरो हो गया यानी PCl5 फाइव में पांच बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर है ठीक है यानी PCl5 फाइव का बेटा स्टेरिक नंबर स्टेरिक नंबर क्या होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर फाइव प्लस जीरो यानी स्टेरिक नंबर फाइव है स्टेरिक नंबर फाइव के लिए जोमेट्री और शेप बेटा यहां पर दोनों सेम होगी बाय बिकॉज यहां पर सिर्फ बॉन्ड पे और है तो आप अगर पीछे टेबल देखोगे पांच बॉन्ड पे और जीरो लोन पेयर यानी स्टेरिक नंबर फाइव के लिए जोमेट्री भी अब इससे और पीछे टेबल पर जाओ फाइव के लिए जोमेट्री भी ट्राइगोनल बायपेरामिटल थी पांच पेयर जीरो लोन पेयर के लिए शेप भी आपकी कैसी थी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ही थी तो यहाँ पर दोनों चीजें सेम होती हैं पर ये तभी होता है बेटा जब आप सिर्फ पेयर हो जब आपके पास सिर्फ पेयर हो अगर आपके पास लोन पेयर आना स्टार्ट हो जाएगा तो शेप बदलना स्टार्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ द रिपल्शन ठीक है तो यहां पर ज्योमेट्री और शेप दोनों क्या रहेगी बेटा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल इसको बनाकर देखते हैं तो ये हो गया पी L C L C L और L ठीक है ये तीन इक्वेटोरियल ये दोनों एक चलिए हम ये भी बोलते हैं बेटा पीसीएल फाइव के अंदर जो एक्जियल बॉन्ड्स होते हैं ये लंबे होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड से क्योंकि जो ये तीन बॉन्ड पेयर होते हैं इन दो को रिपल्शन देते हैं ये दो इन तीन को देते हैं तीन वाले दो को ज्यादा रिपल्शन देते हैं तो पीसीएल फाइव के अंदर एक्जियल बॉन्ड्स जो होते हैं वो इक्वेटोरियल से लंबे होते हैं ठीक है मतलब इनकी बॉन्ड लेंथ में लिख देती हूँ ये वाले जो एक्जियल वाले बॉन्ड है ये टू फोर्टी पिकोमीटर के अराउंड होते हैं और जो इक्वेटोरियल वाले होते हैं ये छोटे होते हैं 202, 202 और 202 सो पिकोमीटर ठीक है तो पीसीएल फाइव के अंदर पांचों पीसीएल बॉन्ड की लेंथ बराबर नहीं होती है यहां पर एक जीएल वाले जो बॉन्ड है ये वाला ये वाले लंबे होते हैं क्योंकि इनको तीन से ज्यादा रिपल्शन मिलता है बॉन्डपेयर बॉन्डपेयर में भी तो रिपल्शन होगा यार Although कम है पर फिर भी तीन बॉन्ड पे और इक्वेटोरियल वाले दो एक्जियल वालों को ज्यादा रिपल्शन देते हैं बेचारे रिपल्शन दिए जा रहे हैं है, इससे बढ़िया हम इनसे दूरी हो जाते हैं तो एक्जियल वालों की बॉन्ड लेंथ क्या कर जाती है बेटा इंक्रीज कर जाती है चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन वाली कैलकुलेशन आ जाए चलो सेकेंड एग्जाम्पल कर रहे हैं बेटा एस एफ सिक्स टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं सल्फर पर कितने होते हैं बेटा छ सल्फर पे सेवन सिक्सेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 42 प्लस 6 कितना हो गया बेटा फोर्टी एट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरे मोर देन एट आ रहे हैं तो इस नंबर को आठ से डिवाइड करेंगे 8648 डायरेक्ट जा रहा है फाइनल रिमाइंडर जीरो भी आ गया पहला क्वेश्चन हमें क्या देता है बेटा बॉन्ड पेयर तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर इस बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम छह बॉन्ड पेयर है लोन पेयर तो है ही नहीं तो स्टेरिक नंबर इसका कितना हो जाएगा सिक्स स्टेरिक नंबर सिक्स के लिए स्टेरिक नंबर सिक्स के लिए जोमेट्री और यहाँ पर शेप भी चलो जोमेट्री तो होगी बेटा ऑक्टा हेड्रल और शेप भी सेम ही रहेगी क्योंकि लोन पेयर नहीं है तो बर्बादी कम होती है तो यहाँ पर शेप भी क्या होती है आपकी ऑक्टाहीड्रल ही होती है जैसे कि अगर मैं आपको एस एफ सिक्स दिखाऊं तो कुछ ऐसा होगा तरह से एस एफ सिक्स होता है ठीक है चलिए और एग्जाम्पल करते हैं यार है ना ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पूरे चैप्टर की जान इसी चीज में है, है ना चलिए करें भाई कैलकुलेट करें चलो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बेटा यहाँ निकालते हैं जेनॉन पर आठ होते हैं नोबल गैस है ग्रुप 18 आठ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके लिए टॉमिक नंबर नहीं एलिमेंट की पोजीशन पता होनी चाहिए ग्रुप 18 में हीलियम को छोड़कर सब पर आठ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जेनॉन पर आठ एक फ्लोरीन पे बेटा सात तो चार फ्लोरीन पे 7 4 कितना हो जाएगा 28 चलो अट्ठाईस और आठ कितना हो गया बेटा थर्टी सिक्स मोर देन एट है टोटल इलेक्ट्रॉन तो इसको हम किस से करेंगे तो ये फोर से जाएगा एट फोर जा थर्टी टू छ गया बेटा चार बचा फाइनल रिमाइंडर जीरो लाना होता है अब ये नंबर आठ से कम है और ये आठ से कम ही आएगा हर बार है ना तो अब इसको किससे डिवाइड कर दोगे टू से टू टू झा फोर आपको बेटा फाइनल रिमाइंडर जीरो लेकर आना होता है अगर तो वो डायरेक्ट जीरो आ जाए पहली बार में बढ़िया नहीं आ रहा तो इस नंबर को हमने फर्दर किससे डिवाइड करा टू से क्योंकि लेस देन एटी आएगा तो टू टू ज फोर अब ये पहला क्वेश्चन जो है पहला क्वेश्चन आपको क्या देता है बेटा बॉन्ड पेयर और दूसरा क्वेश्चन हमें क्या देता है लोन पेयर देता है तो XF4 में जो हम निकाल रहे हैं ना बॉन्ड पेयर लोन पेयर ये जेनॉन पे निकाल रहे हैं पूरे मॉलिक्यूल पर नहीं है तो अब मैं अगर स्टेरिक नंबर की बात करूं बेटा तो स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा इसका बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर यानी चार बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर स्टेरिक नंबर सिक्स आ गया स्टेरिक नंबर 6 के लिए बेटा ज्योमेट्री तो क्या होती है आपकी ऑक्टाहेड्रल है ना ताजा कर देते हैं के लिए बेटा क्या होती है 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 देखो। अब हमारे पास इसमें जो केस आ रहा है वो आ रहा है चार दो लोन का। चार दो दो का। का तो शेप क्या हो जाएगी बेटा अब क्या हो गया लोन पेयर आ गए चार बॉन्डपेयर है इसमें और दो लोन पेयर है जिनोन पर अब लोन पेयर लोन पेयर में रिपल्शन होगा रिपल्शन होगा लड़ाई झगड़े होंगे बॉन्ड इधर उधर खिसकेंगे तो जो ज्योमेट्री होती है मॉलिक्यूल की वो डिस्टॉर्ट होती है और जो एक्चुअल शेप होती है वो चेंज हो जाती है आइडियली ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए थी पर पर वो तब होती है जब छे के बॉन्ड पेयर हो पर अगर छे में से बेटा चार पेर और दो लोन पेयर हो गए तो अब लोन पेयर लोन पर रिपल्शन हो गया लोन पेयर बॉन्ड पर रिपल्शन भी हो गया जिसकी वजह से ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट करती है बर्बाद होती है और शेप एक्चुअली में इस मॉलिक्यूल की हो जाती है Shape is square planar. कैसी शेप होती है बेटा स्क्वायर प्लेनर तो एक्स एफ ओर में इधर बना रही हूं ठीक है इस तरह से दो लोन पेयर आप चाहो तो बेटा लोन पेयर ऑर्बिटल में भी दिखा सकते हो क्योंकि जनौन पे जो लोन पेयर होंगे वो ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे तो आप इस तरह से ऑर्बिटल में दो लोन पेयर दिखा सकते हैं एक लोन पेयर दो लोन पेयर ठीक है तो ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल बट द शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज प्लेनर क्लियर है चलो नेक्स्ट करते हैं एस एफ फोर जल्दी से ट्राई करें खुद से ट्राई करो भाई जब तक तुम खुद से सॉल्व नहीं करोगे ये चीज आएगी नहीं और पेपर में सवाल आने ही आने इससे ट्राई करें बेटा टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो इस मॉलिक्यूल में सल्फर पे फ्लोरीन पर एक पे सात चार पे अट्ठाइस थर्टी फोर आठ से ज्यादा है डिवाइड कर दिया आठ से एट फोर या थर्टी टू फाइनल रिमाइंडर जीरो लाना है आ नहीं रहा लेस देन एटी आएगा बेटा जो रिमाइंडर अभी आएगा वो टू से डिवाइड करते हैं फिर टू वन फाइनल रिमाइंडर जीरो आ गया पहला क्वेश्चन बॉन्ड पेयर दूसरा क्वेश्चन लोन पेयर देता है ठीक है ये वाला क्वेश्चन बॉन्ड पेयर ये वाला क्वेश्चन लोन पेयर इन दोनों का सम स्टेरिक नंबर यानी यहां पर स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा बेटा बॉन्ड पेयर यानी चार बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर यानी स्टेरिक नंबर क्या हो गया बेटा पांच हो गया पांच हो गया यानी जमेट्री स्टेरिक नंबर फाइव के लिए क्या होती है बेटा ट्राइगोनल पिरामिडल ट्राइगोनल पिरामिडल पर शेप बदलेगी क्योंकि लोन पेयर आ गया तो लोन पेयर बॉन्ड पर रिपल्शन आएगा अगर एक से ज्यादा लोन पेयर होते हैं तो लोन पेयर लोन पे रिपल्शन लोन पेयर बॉन्ड पर रिपल्शन बट बिकॉज यू हैव वन लोन पेयर सो यहाँ पर लोन पेयर एंड बॉन्ड बॉन्डपेयर रिपल्शन एंड बॉन्ड बॉन्ड रिपल्शन तो होगा ही जो सबसे कम था पर फिर भी थोड़ा बहुत तो होता ही है ठीक है so सो यहाँ पर जो बेटा मॉलिक्यूल की शेप होती है चार बॉन्ड बॉन्डपेयर एक लोन पेयर के लिए क्योंकि शेप चेंज होगी तो शेप चेंजेस टू सी सो शेप किसमें बदल जाती है बेटा सीसो में अब इसका स्ट्रक्चर बनाने से पहले मैं एक छोटा सा आपको रूल बता रही हूं बहुत छोटा सा रूल है पर बहुत आसान सा रूल है सो देर इज अ रूल कॉल्ड एज योर बेंड्स रूल ठीक है बेंड्स रूल क्या कहता है बेटा ध्यान से सुनना ध्यान से समझना ठीक है एंट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री जब भी आपके पास बेटा ट्राइगुनल पिरामिडल वाली ज्योमेट्री आती है तो ये रूल क्या कहता है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा है ना साइड एटम्स में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो कौन सी पोजिशन पर आता है बेटा इट ऑक्यूपाइज एक्जियल पोजिशन एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और लोन पेयर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और अगर आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो जाते हैं बेटा आपके एट इक्वेटोरियल पोजिशन अब एक बार और मैं आपको इक्वेटोरियल और एक्जल बता रही हूं तो ये कोई भी ए सेंट्रल आटम ठीक है ये इक्वेटोरियल ये इक्वेटोरियल पोजिशन ये एक्वेटोरियल ये ठीक ये है तो अगर बेटा जोमेट्री में हमारे पास कुछ ऐसा केस आता है ठीक है जैसे मैं दो तीन अभी एग्जांपल आपको कराऊंगी जैसे अभी यहीं करा देती हूँ चलो एक एग्जांपल यहीं करा देते हैं मान लो पीसीएल थ्री एफ टू मॉलिक्यूल है ठीक है PCL3 F2 है अब यहां पर तुम्हें दिख रहा है भाई पता चल रहा है कि ट्राइगोनल बायपिरामिडल ही होगा चाहो तो निकाल लो इस पे पांच सेवन फाइव जो थर्टी फाइव प्लस फाइव फोर्टी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल स्टेरिक नंबर इसका पांच आएगा ज्योमेट्री ट्राइगोनल बायपिरामिडल होगी पर अब मैं किस एटम को कहां लगाऊं मैं कैसे डिसाइड करूं यार तो यहां पर बेटा तो सेंटर में तो फॉस्फोरस अब क्लोरीन और फ्लोरीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है आपका फ्लोरीन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है बेटा वो कौन सी पोजीशन पर आएगा एक्जियल पर यानी फ्लोरीन तो एक्जियल पर ही आएगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अब यहां पर लोन पेयर तो है नहीं पांचों बॉन्ड पेयर है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है वो कौन सी पोजीशन पर आ जाएगा आपका इक्वेटोरियल पर कौन सी पोजिशन पर आ जाएगा बेटा इक्विटोरियल पे ठीक है अगर मैं लेती PCL3BR2, तो वहां पे क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है अगर ये एग्जाम्पल होता समझा रही क्योंकि इंपॉर्टेंट है अब यहाँ पे बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है तो क्लोरीन को तो एक जीएल पे लगा दो अब एक क्लोरीन तीन ब्रोमीन बचे हैं तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ब्रोमीन इक्वेटोरियल पे अब एक क्लोरीन और बच रहा है तो जगह तो देनी पड़ेगी तो फिर वो कहां पर आ जाएगा आपका इक्वेटोरियल पर ठीक है कहां आ जाएगा इक्वेटोरियल पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को पहले तो एक जेल पे पहुंचा दो अब जो बच रहे हैं उनको कहां पर लगा दो एक जेल पर लगा दो सॉरी इक्वेटोरियल पर लगा दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पीसीएल थ्री बी आर टू में बेटा क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तीन क्लोरीन है दो को ही मैं एकजेल पर जगह दे पाऊंगी क्योंकि दो ही एक जेल पोजिशन होती है तो एक जेल पे क्लोरीन को पहुंचा दिया दो को अब मेरे पास एक सीएल और दो बी आर तो पोजीशन पर आ जाएंगे इक्वेटोरियल पर ठीक है ठीक है जी ओके चलो तो अब जरा पीछे जाते हैं रिवाइंड लेट्स रिवाइंड क्लास तो एस एफ फोर का को स्ट्रक्चर बनाना है तो मैं कैसे बनाऊं भाई ये हो गया बेटा सेंटर पे सल्फर ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाईपरामिडल थी तो वही में अब देखो भाई मेरे पास चार पेयर एक लोन पेयर है बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहां पर कौन है फ्लोरीन तो फ्लोरीन तो कौन सी पोजीशन पर आ गया एक जीएल पर अब मेरे पास दो फ्लोरीन और बच रहे और एक लोन पेयर बच रहा है तो लोन पेयर को दे दिया बेटा मैंने इक्वेटोरियल पोजीशन और बचे हुए दो फ्लोरीन को भी मैंने फिर इक्वेटोरियली दूंगी आपको जगह और बच थोड़ा ना रही है ठीक है और ये शेप आपकी कैसी हो जाएगी बेटा सी सो कैसी शेप हो गई आपकी सी सो चलिए नेक्स्ट निकालते हैं पीसीएल थ्री टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं पांच सातिया इक्कीस ये हो गया छब्बीस आठ से डिवाइड करेंगे एट थ्री जार ट्वेंटी फोर छ में से चार गए दो टू वन जार टू जीरो तीन बॉन्डपेयर एक लोन पेयर स्टेरिक नंबर आ जाएगा अपना तीन बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर यानी टोटल आ जाएगा चार स्टेरिक नंबर चार आया तो बेटा स्टेरिक नंबर चार के लिए ज्योमेट्री तो क्या हो जाएगी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तो क्या हो जाएगी टेट्राहेड्रल पर शेप बेटा याद करो तीन बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर के लिए अमोनिया वाला हाल होता है अमोनिया और यहां पर जो शेप हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी ट्राइगोनल पिरामिडल क्या हो जाएगी ट्राइगोनल पिरामिडल तो कुछ इस तरह से हो जाएगा पी सी एल थ्री तीन पेर और एक क्या हो जाएगा लोन पेयर क्या हो जाएगा बेटा लोन पेयर ठीक है ये हो गया था बेंड रूल एक दो एग्जाम्पल और करा रही हूं चलिए कैलकुलेट करें फटाफट से चलो बहुत एग्जाम्पल हो गए भाई इसके बाद भी अगर तुमने कुछ गलती करी ना तो फिर देखना वेरी इजी वेरी इजी जस्ट फॉलो दी स्टेप्स जो तुमको सिखाए हैं। बेटा आप देखो थोड़ा सा हम शॉर्टकट लगाना स्टार्ट करेंगे टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन जेनॉन में आठ एक फ्लोरीन पे सात दो पर कितना हो गया फोर्टीन यानी कितना आ गया बेटा ट्वेंटी टू अब दिमाग में डिवाइड करो ना यार ट्वेंटी टू को एट से डिवाइड करोगे एट टू सा सिक्सटीन यानी दो बॉन्ड पेयर होगा छ बचेगा बाईस में से सोलह गया तो छह बचेगा 6 को टू से डिवाइड करूंगी तो टू थ्री झा सिक्स तीन क्या आ जाएगा मेरे पास लोन पेयर वेदिक चल रही है, दिमाग में करना है हम किससे डिवाइड कर रहे थे बेटा टू से टू थ्री झा सिक्स जीरो पहला क्वेश्चन पेयर दूसरा क्वेश्चन क्या देगा आपको लोन पेयर तो दो पेयर तीन लोन पेयर आ गया दो बॉन्ड पेयर तीन लोन पेयर का मतलब क्या है बेटा यहाँ पर स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा पांच ये सब कुछ आप सेंट्रल आइटम के लिए कैलकुलेट कर रहे हो कि इस मॉलिक्यूल में जनौन का दो बॉन्ड पेयर तीन लोन पेयर होगा दो बॉन्ड पेयर तीन लोन पेयर होगा ठीक है स्टेरिक नंबर फाइव के लिए बेटा जोमेट्री क्या हो जाएगी ट्राइगोनल बायपेरामिडल मैं इतने में लिख के छोड़ रही हूं समझ जाओगे आप शेप याद करो भाई दो बॉन्ड पेयर तीन लोन पेयर ये बहुत भयंकर रिपल्शन वाला केस है और यहां पर जो शेप होती है बेटा वो होती है लीनियर क्या शेप होती है यहां लिख लेता नाइन्थ वाला एक्सी थ्री लीनियर अब इसको बना भी लेते हैं तो अब देखो यार एक्स टू कैसे बनेगा ये हो गया बेटा जेनोन ठीक है XZF2 में मेरे पास दो एक्ट दोन तीन लोन पेयर आ रहे हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बेटा फ्लोरीन है, तीन लोन पेयर जो है यानी हमने क्या बोला था भाई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है तो लोन पेयर विल गो टू इक्वेटोरियल पोजिशन ट्राइगोनल बायपिमिडल ज्योमेट्री में तो यहां पर क्या होगा बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन फ्लोरीन तो कौन सी पोजिशन पर आ गया आपका कौन सी पोजिशन पर आ गया बेटा पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड लोन पेयर ऐसे दिखा सकते हो या ऐसे भी दिखा सकते हो। गलत नहीं होगा मैं ऑर्बिटल में दिखा रही हूँ और जो ये तीन लोन पेयर्स हैं वो ऐसे आ गए और बेटा आप शेप देखोगे तो शेप मॉलिक्यूल की कैसी है लीनियर क्योंकि शेप पेयर की वजह से है जहाँ पे बॉन्ड बन रहा है तो ये वाली शेप कैसी हो गई बेटा लीनियर हो जाएगी ठीक है दिस विल बी अ लीनियर शेप चलिए नेक्स्ट कैलकुलेट करो तेजी से बहुत तेजी से एक और करा देती हूँ ग्यारह कर लेते हैं शगुन हो जाएगा ना यार चलो हम्म <laughs> चलिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सात इस पे सात और दो फोर्टीन नेगेटिव की वजह से बेटा एक और प्लस हो जाएगा यह बात तुमको समझ आई आयोडीन पे सात क्योंकि ग्रुप सत्रह क्लोरीन पे भी सात वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो क्लोरीन तो फोर्टीन और माइनस का मतलब एक और गेन हुआ है तो प्लस वन कर देंगे सेवन एट ट्वेंटी टू सेम केस है सेम आएगा 22 अगर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे तो बेटा सेम ही तो होगा ये आइसोस्ट्रक्चरल होंगे आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब आता है समझ आता है सेम स्ट्रक्चर होगा अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं तो बेटा सारी कहानी सेम होगी इनके लिए अब 22 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आठ से डिवाइड करूंगी वही सारी कहानी तो दोबारा रिपीट होगी दो बॉन्ड पे और तीन लोन पेयर स्टेरिक नंबर 5 आएगा इसका भी इसकी भी ज्योमेट्री क्या आएगी बेटा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल और दो बॉन्ड पेयर तीन लोन पेयर के लिए शेप कैसी हो जाएगी बेटा लीनियर शेप कैसी हो जाएगी लीनियर बना लो यार आईसीएल टू माइनस कैसे बनाएंगे सेंटर पे क्या हो जाएगा आपका आयोडीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बेटा क्लोरीन ही है वो आपका एक्जीएल पर और तीन लोन पे आ रहे हैं वो आपकी कौन से पोजीशन पर आ जाएंगे इक्वेटोरियल पर और पूरे मॉलिक्यूल पर नेगेटिव चार्ज आई वी क्लियर विद दिस ठीक है इस तरह से आपका हो जाएगा आईसीएल टू माइनस लीनियर शेप हो जाएगी ठीक है लीनियर शेप इधर भी लीनियर शेप तो ऐसे मॉलिक्यूल्स बेटा अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम आ रहा हो ना तो समझ जाना कि उनके साथ सेम दुर्घटना हो रही होगी और ऐसी चीज को हम क्या बुलाते हैं आइसो स्ट्रक्चरल सेम स्ट्रक्चर आएगा सेम ज्योमेट्री सेम शेप सेम बॉन्ड पेयर लोन पेयर आएंगे तो इनसे काफी क्वेश्चन हो जाते हैं चलिए नेक्स्ट पानी अब पानी में थोड़ा सा ध्यान देना है देखो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन पे एक दो पे दो और छ आठ लेस देन इक्वल्स टू एट है तो टू से डिवाइड करूंगी आप कहोगे मैडम यहां तो चार बॉन्ड पेयर आएगा है ना सॉरी पेन गिर गया चलो सो so, चार बॉन्ड पेयर होना चाहिए था मैं मना नहीं कर रही पर यहाँ पे दिक्कत क्या होती है बेटा सेंटर में ऑक्सीजन है हाइड्रोजन दो ही है तो हाइड्रोजन अगर दो है तो बॉन्ड तो दो ही बना सकता है यहां पर यहां पर चार बॉन्ड्स नहीं बनते सो नो डाउट यहां पर जो स्टेरिक नंबर है वो फोर आएगा बट यहां पर चार में से आपके पास दो पेयर होते हैं दो लोन पेयर होते हैं ठीक है So, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना क्वेश्चन टेक आता है फोर पर चारों बॉन्ड पेयर नहीं हो सकते क्योंकि दो ही हाइड्रोजन होती है वॉटर में तो ऑक्सीजन दो ही बॉन्ड बनाएगा एक एक हाइड्रोजन से एक एक हाइड्रोजन से सो यू हैव टू बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर स्टेरिक नंबर विल बी फोर स्टेरिक नंबर अगर फोर है बेटा तो जोमेट्री तो क्या हो जाएगी टेट्राहीड्रल टीडी शॉर्ट में लिखते हैं टेट्राहेड्रल को पर शेप दो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर के लिए बेटा शेप होती है बेंट या एंगुलर या वी शेप बुलाते हैं तो पानी की शेप कुछ इस तरह से होगी ब्लू से दिखाते हैं आज ब्लू है पानी पानी। ये हो गए दो बॉन्ड बॉन्डपेयर्स और ये हो गए ऑर्बिटल के अंदर दो लोन पेयर्स ठीक है बात क्लियर है दो पेयर दो लोन पेयर बेंट एंगुलर भी बुलाते हैं एंगल जैसा होता है उल्टा वी वी शेप भी बुलाते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट कैलकुलेट करें बेटा तो टीवी तो कितना आएगा पर आठ एक ऑक्सीजन पर 6 होते हैं वैलेंस तीन पर छे तिया अठारह ट्वेंटी सिक्स हो आठ से डिवाइड करेंगे एट थ्री ज्वेंटी फोर तीन बॉन्ड पर दो बचेगा टू वन जा टू

ट्राइगोनल पिरामिडल तो एक्स थ्री कुछ ऐसा दिखता है डबल बॉन्ड हो बेटा ऑक्सीजन दो बॉन्ड्स बनाता है तो वो अपने पूरे दो बॉन्ड बनाएगा और एक क्या हो जाएगा ऑर्बिटल में लोन पेयर ठीक है अब आप कहोगे मैम ये तो छह बेटा हो गए। वी ए सी पी आर मल्टीपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड पेयर की तरह ही कंसिडर करता है इट कंसिडर्स एट सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर ठीक है ऑक्सीजन को डबल ही बनाना होता है वो डबल बॉन्ड बनाएगा तो दिस इज वन बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर थ्री बॉन्ड पेयर ठीक है वीएसपीआर मल्टीपल बॉन्ड को भी सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह ही कंसिडर करता है तो इस चीज को समझना और घबराना नहीं ठीक है तो एक्स ओ थ्री का बेटा जोमेट्री तो टेट्रा हेड्रल है पर शेप कैसा हो जाता है पिरामिडल शेप विल बी पिरामिडल नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो एक्सी एक्सिओ टू एफ टू फिर से टीवी निकाल टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन जेनॉन पर आठ एक ऑक्सीजन पर छ होते हैं दो पर बारह एक फ्लोरीन पे सात होते हैं दो पर फोर्टीन बारह और आठ बीस और ये हो गया थर्टी फोर सब सही करा है ना मैंने hmm. कभी कभी ऐसा लगता है इतनी जल्दी सॉल्व कर दिया सही तो करा है चलो एट से डिवाइड करेंगे बेटा एट फोर जर थर्टी टू चार बॉन्ड पेयर टू बचेगा टू वन जर टू वन लोन पेयर वन लोन पेयर स्टेरिक नंबर विल बी फाइव चार बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर का सम आएगा पांच जोमेट्री होगी बेटा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ट्राइगोनल बाय पिरामिडल पर शेप याद करें चार बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर के लिए बेटा शेप होती थी सी सॉ शेप क्या हो जाती थी सी सो तो अब सीसो शेप देख लेते हैं बेटा जेनॉन अब याद करो ट्राइगोनल बायपेराम जोमेट्री है कैसे बनाओगे तुम कैसे बनाओगे इस मॉलिक्यूल को बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अब यहां पर मेरे पास ऑक्सीजन भी है फ्लोरीन भी है अब चार बॉन्ड्स बनने हैं मैं कैसे डिसाइड करूं किसको को पर भेजे तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है एक्जियन, एक्जियन। अब तीन इक्वेटोरियल पोजिशन बची हैं जिनमें आपका चार बॉन्ड पेयर है एक लोन पेयर है तो लोन पेयर बेटा कहां पर आ जाएगा इक्वेटोरियल पर ठीक है दो बॉन्ड पेयर बना दिए दो और बचे हैं तो वो दो अब ऑक्सीजन के साथ होंगे और ऑक्सीजन के साथ बेटा डबल बॉन्ड होगा क्योंकि ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड बनाना होता है तो ये हो जाएगी आपकी सीसोशिप एक्सू एफ टू फ्लोरिन बीजन से मेरे को सबकी शेप याद है नहीं देर कैलकुलेट कर रखी है।, है।, हाँ, है पर तुम्हे लग रहा है इन ग्यारह की मैं शेप घर से याद करके आई हूँ नहीं यार तुम्हारे साथ साथ ही तो कैलकुलेट कर रही हूँ मैं भी ये चीज तो आपको अगर बेटा टेबल याद है ना कि बॉन्ड पेयर लोन पेयर के लिए क्या शेप क्या ज्योमेट्री है स्टेरिक नंबर से ज्योमेट्री क्या है और कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर से शेप क्या है ये सवाल यूं हो जाते हैं इट्स वेरी इजी नेक्स्ट देखो सी थ्री टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो बेटा क्लोरीन पर सात एक फ्लोरीन पे भी सात तीन पर सात इक्कीस ये हो गया अट्ठाईस तीन बॉन्ड आएगा, चार बचा बजारोन पेयर आएगा पांच आ जाएगा पांच स्टेरिक नंबर के लिए बेटा फटाफट से बताओ यार ज्योमेट्री क्या हो जाएगी ट्राइगोनल पिरामिडल ट्राइगोनल बायपरामिडल पर शेप होय होय याद करो भाई तीन बॉन्ड पे और दो लोन पे और अगर तुम्हें याद नहीं आ रही तो तुमको टेबल दिखा देते हैं ये रहा बेटा केस तीन बॉन्ड पे और दो लोन पे और शेप कैसी होती है टी शेप अब टी शेप बनाते हैं कैसे बनाएंगे टी शेप चलिए बेटा मोर अब देखो हमारे पास क्या है ये पांच बॉन्ड्स बना लो इस तरह से पहले जिसमें से दो लोन प्यार अभी आऊंगी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बी बीट इक्वेटोरियल सॉरी एक्जियल एक्जियल अब बचा नहीं है तो यार एक फ्लोरीन को इक्वेटोरियल पे आना ही पड़ेगा क्योंकि तीन फ्लोरीन है दो को तो मैंने एक्जियल पे पहुंचा दिया तीसरे को अब जगह ही नहीं है तो इक्वेटोरियल पर ही देना पड़ेगा और जो बेटा दो लोन पेयर्स हैं वो आपके कहां पर आ जाएंगे वो आपके कहां पर आ जाएंगे चाहो तो ऑर्बिटल में दिखा दो वरना बॉन्ड पे भी दिखा सकते थे ऐसी कोई बात थी नहीं ऐसे दिखा देते हैं चलो ठीक है सो यू हैव थ्री पेयर टू लोन पेयर्स ियल पोजिशन इट विल ऑलवेज कम एट इक्विटोरियल पोजिशन अगर आपके पास ट्राइगोनल होता है Otherwise, नहीं है. Bench rule bipyramidal geometry वाले केस में लगता है ठीक है जी और बेटा टी शेप देखो दिख रही है ना ये टी बनता हुआ दिख रहा होगा आपको दैट इज वाईट इज कॉल्ड राइट अब ये मत सोचना सीसो वो झूले वाला सीसो जैसा दिखेगा वैसा नहीं है ठीक है सो आई होप बेटा आपको वी एस सी पी आर के हिसाब से जो भी हमारे सेंट्रल आइटम है उनका बॉन्ड और लोन पे और कैलकुलेशन समझ आ गया होगा ठीक है रूल कर रहा था मैं एक बार बॉन्ड लोन पेयर सब सेंट्रल आइटम अंडरलाइन कर दू ना सो so, इन मॉलिक्यूल्स को एक बार खुद से दोबारा करके देखना क्वेश्चंस आपको बेटा बहुत मिलेंगे इन पर ठीक है अब वी एस ई पी आर का ड्रॉबैक क्या रहा ये बहुत बढ़िया थ्योरी थी बहुत चली भी बट इसका बस ड्रॉबैक क्या था यार कि ये मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री शेप बता रही है पर ये बन कैसे नहीं है ना शेप ये ये नहीं बताती इट इट टेल्स यू कि मॉलिक्यूल का ये ज्योमेट्री है ये शेप है पर ये शेप बनी कैसे ये मॉलिक्यूल बन कैसे रहा होगा फॉर्मेशन कैसे हो रही है इन शेप्स की ये ये थ्योरी नहीं बताती फिर नई थ्योरी आई है ना अब इसकी ड्रॉबैक पे नई थ्योरी ने काम करा तो नेक्स्ट जो थ्योरी आती है बेटा वो आती है आपकी वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ठीक है अब यहां पर थोड़ी बहुत किसकी बात होती है ऑर्बिटल ओवरलैप की जो वीबीटी है ना बेटा वो बात करता है ऑर्बिटल ओवरलैप एटोमिक ऑर्बिटल जो होते हैं जो आटम के ऑर्बिटल्स होते हैं यानी एस पी ये वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये क्या करते हैं ओवरलैप करते हैं और वीबीटी पूरा का पूरा उसी पर बेस्ड है ठीक है चलिए तो जरा वीबीटी के बेटा थोड़े से पॉस्टुलेट्स पढ़ लेते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत तो हमें पता होना चाहिए ना ओवरलैप वगैरह क्या है क्या नहीं है चलो यार सो वीबीटी वॉज डेवलप्ड बाय हिटलर एंड लंडन ठीक है हिटलर एंड लंडन ने 1927 में इस थ्योरी को डेवलप करा था और ये थ्योरी फर्दर पॉलिंग और स्लेटर ने और मॉडिफाई करा था ठीक है अब ये थ्योरी क्या कहता है कि जब भी दो एटम्स को कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है तो उनको उन दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को बेटा इतना पास तो आना पड़ेगा कि उनके एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे से क्या करें ओवरलैप कर जाए जो मैं ये ओवरलैप बार-बार दिखा रही हूं इन टू एंड होता है ठीक है So, to form a covalent टू two मस्ट कम क्लोज टू to अदर सो दैट ऑर्बिटल्स ऑफ वन one overlaps विद the अदर ठीक है जैसे एस का ऑर्बिटल दूसरे के एस से ओवरलैप कर गया ठीक है एक का एस ऑर्बिटल दूसरे के पी ऑर्बिटल से ओवरलैप कर गया या एक का पी ऑर्बिटल दूसरे के पी ऑर्बिटल से ओवरलैप कर गया ठीक है दिस इज कॉल्ड ओवरलैप ऑफ अटोमिक ऑर्बिटल्स ठीक है सेकेंड जो भी बेटा ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं इनके पास एक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए एंड दैट टू ऑपोजिट स्पिन में होने चाहिए यानी अगर एक के ऑर्बिटल में मान लो मैं H2 आपको दिखाऊं तो H2 में क्या है दो हाइड्रोजन है 1s1 1s1 दोनों का कॉन्फिगरेशन है इसके पास बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एस में है इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है अब अगर इन दोनों को बॉन्ड बनाना है तो अगर इसका इलेक्ट्रॉन अपवर्ड स्पिन में है ना तो इसका इलेक्ट्रॉन बेटा डाउनवर्ड स्पिन में होना चाहिए ठीक है क्योंकि जब बॉन्ड बनेगा ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे तो हमने ये पढ़ रखा यार कि इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट स्पिन में होने चाहिए ठीक है

एक दूसरे में जब ओवरलैप हो रहे हैं तो दे शुड बी इन ऑपोजिट स्पिन ठीक है नेक्स्ट है बेटा जितना ओवरलैपिंग ज्यादा होता है ग्रेटर इज द ओवरलैपिंग बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होता है बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होता है बॉन्ड लेंथ उतना कम होता है दोबारा सुनो आराम ऐसे समझ लो <clears throat> दो सर्कल बने हैं एक दूसरे का एक सर्कल बनाए लोगों ने हाथ पकड़ के बनाया है और एक सर्कल में लोगों ने सिर्फ एक दूसरे की उंगलियां पकड़ी हुई है इस तरह से तो जहां पे बेटा सर्कल बनाया होगा लोगों ने हाथ पकड़कर वहां पर ओवरलैप ज्यादा हो रहा है ओवरलैप ज्यादा हो रहा है तो वो सर्कल स्ट्रॉन्ग है उसको तोड़ने में हमें मुश्किल होगी तो वहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा है और जहां पर स्ट्रेंथ बॉन्ड की ज्यादा होती है बेटा बॉन्ड लेंथ कम होता है क्योंकि बॉन्ड अगर लेंथ लंबा है बॉन्ड लंबा है तो वो आसानी से टूट जाएगा बॉन्ड अगर छोटा है यानी ऑर्बिटल अच्छे से ओवरलैप हो रखे पास पास है तो वहां पे बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होता है ठीक है तो ग्रेटर इज दी ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होती है बॉन्ड लेंथ बेटा उतनी छोटी होती है ठीक है मोर विल बी दी अट्रैक्शन एंड मोर विल बी दी बॉन्ड एनर्जी एंड स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड ठीक है बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा बेटा तोड़ने में उसको एनर्जी बॉन्ड एनर्जी भी उतनी ज्यादा लगेगी ठीक है तो हमने क्या कहा कि जितना ओवरलैप ज्यादा होगा बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा बॉन्ड उतना ज्यादा स्टेबल होता है बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है अब अगर बेटा बॉन्ड स्ट्रांग है ना दोस्ती स्ट्रांग है तो लड़ाई कराने में मुश्किल होगी है ना खूब आग लगाना पड़ेगा सो यहाँ पे भी बेटा अगर ओवरलैप बढ़िया है बॉन्ड स्ट्रांग है तो तोड़ने में मुश्किल है एनर्जी ज्यादा लगती है बॉन्ड एनर्जी विल बी हाई ठीक है बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है पर बॉन्ड लेंथ

ऐसा नहीं है बेटा कोई भी ऑर्बिटल किसी से भी ओवरलैप कर लेगा ना है ना ऐसा नहीं है कि मैं वन एस को जाकर फोर पी के ऑर्बिटल से ओवरलैप करा दूंगी नहीं एक तो ऑर्बिटल्स के एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर होनी चाहिए बहुत ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए एनर्जी के अंदर इसके अलावा बेटा ओवरलैपिंग के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि मेरे जो ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे ओवरलैप करे आर दे ओवरलैपिंग एंड टू एंड और आर दे ओवरलैपिंग साइडवेज कैसा ओवरलैप हो रहा है इस बात पर भी डिपेंड करता है ठीक है तो इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्बिटल्स इनवॉल्वड एंड इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ ओवरलैपिंग और इसी बेसिस पर ठीक है बेटा इसी बेसिस पर यहां पर थोड़ा सा लिख लेते हैं सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ओवरलैपिंग कि किस तरह का ओवरलैप हो रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ऑन द बेसिस ऑफ नो नेचर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स को बेटा हम शॉर्ट में लिख देते हैं एओज कोवलेंट बॉन्ड जो होता है उसको हम फर्दर दो में क्लासिफाई करते हैं कोवलेंट बॉन्ड इज क्लासिफाइड इनटू टू तो बेटा कोवलेंट बॉन्ड को फर्दर हम दो तरह के बॉन्ड में क्लासिफाई करते हैं वन इज योर सिग्मा बॉन्ड एंड अनदर इला है ये बस बॉन्ड को हमने दो में क्लासीफाई कर रखा है कोविलेंट बॉन्ड को नॉट टॉकिंग अबाउट आइनिक बॉन्ड ये सारी कहानी बेटा कोविलेंट बॉन्ड की है सो so, कोविलेंट बॉन्ड को फर्दर हम दो में क्लासीफाई करते हैं सिग्मा एंड पाए सिग्मा बॉन्ड डिफरेंस दे रखा है मैं ओवरलैपिंग समझाऊंगी खाली यहां पर बना के तो सिग्मा बॉन्ड बनता है बेटा जब आपके अटोमिक ऑर्बिटल्स कैसे ओवरलैप करते हैं एंड टू एंड हेड ऑन या ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड रिजल्ट करता है बेटा बाय साइडवेज और लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ठीक है यानी बेटा सिग्मा बॉन्ड कब बनता है जब या तो आपके एस एस ऑर्बिटल ओवरलैप करें एंड टू एंड ठीक है तो ये कौन सी हो गई एस एस ओवरलैपिंग ऑफकोर्स वन एस वन एस या टू एस टू एस एस और पीजेड ओवरलैपिंग ठीक है Z एक्सिस को बेटा मैंने कंसिडर करा है एज माई इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ठीक है वो एक्सिस जो न्यूक्लियस से पास कर रही है ठीक है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एस एंड पीजेड या फिर बेटा पीजेड और पीजेड के ओवरलैप से एंड टू एंड जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके एंड टू एंड ओवरलैप करें जैसे कि ये तो आपका कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा सिकमा बॉन्ड एंड टू एंड ओवरलैप से या तो एस एस ओवरलैप करे या एस और पीजेड z एक्सिस आई एम कंसीडरिंग एज माय इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्योंकि p ऑर्बिटल तीन तरह का होता है px py pz pz वाला हम कंसीडर कर रहे हैं कि वो कहां पर लाई करता है बेटा मेरे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर ठीक है z एक्सिस pz pz जब एक pz दूसरे pz से एंड टू एंड ओवरलैप करे तो कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा सिग्मा बॉन्ड बनता है पाई बॉन्ड कब बनता है पाई बॉन्ड एक तो हमेशा बेटा सिग्मा बनने के बाद बनता है पाई बॉन्ड तब बनता है व्हेन वन ऑफ दी पी ऑर्बिटल्स इज ऑलरेडी इन्वॉल्व इन सिग्मा बॉन्ड है ना जब तीन में से कोई एक पी सिग्मा में ऑलरेडी इन्वॉल्व हो रखा है उसके बाद पाई बॉन्ड बनता है तो पाई बॉन्ड बनता है बेटा साइडवेज ओवरलैपिंग से जिससे कि ये अगर मैंने वाई एक्सिस लिया तो पी और पी के या फिर पी एक्स और पी एक्स के, ठीक है? क्योंकि Z एक्सिस को तो मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले लिया ठीक है तो ये वाला मैं Z एक्सिस ले रही हूं ये वाला Y एक्सिस हो गया और ये वाला आपका ठीक है ये वाला आपका कौन सा एक्सिस हो गया X एक्सिस हो गया तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ये वाले एक्सिस तो आपका बेटा जो पाई बॉन्ड है वो बनता है साइडवेज ओवरलैप से लेटरल ओवरलैप से ये बनता है एंड टू एंड हेड ऑन ओवरलैप या एक्ल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड के अंदर क्योंकि ओवरलैपिंग का एक्सटेंट ज्यादा है एंड टू एंड में ओवरलैप ज्यादा होता है सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है पाई बॉन्ड कंपेरेटिवली वीक होता है पहले बेटा सिग्मा बॉन्ड बनता है देन पाई बॉन्ड इज तो फॉलोड बाय सिग्मा बॉन्ड ठीक है तो यही सारी बातें यहां पर लिखी हुई है सिग्मा बॉन्ड स्ट्रोंगर मोर स्टेबल ये लेस स्ट्रॉन्ग है लेस स्टेबल सिग्मा बॉन्ड बेटा क्योंकि स्टेबल है तो रिएक्टिव कम होगा पाई बॉन्ड जो होता है वो रिएक्टिव ज्यादा होता है इसीलिए जब ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि एल्किस जो होती हैं, उनमें पाई बॉन्ड जो होता है वो आसानी से टूट जाता है सिग्मा बॉन्ड बेटा अकेले एग्जिस्ट कर सकता है इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली पर पाई बॉन्ड

इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो अबव एंड बिलो होती है प्लेन के इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबव एंड बिलो द प्लेन होती है डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ठीक है सो so यहां पर द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकल अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यहां तक बात क्लियर ठीक है सिग्मा पाई बॉन्ड्स अब देखते हैं यार सिग्मा पाई बॉन्ड निकालते कैसे हैं लेट्स टॉक अबाउट ट्रिक यार सब कुछ ट्रिक से करेंगे इतने आसान तरीके से करेंगे कि पेपर में जब तुम सवाल देखो तो तुम्हें टाइम मतलब मैं कह रही हूँ सेकंड्स लगने चाहिए सवाल होने में 10 से 15 सेकंड से ज्यादा तो बेटा इनऑर्गेनिक में तुम्हें लगाना ही नहीं है एकदम सवाल देखते ही धुन धुन तुमसे आंसर हो जाने चाहिए हा? ओहो ये सवाल है फटाफट आंसर ठीक है चलिए सो so, बेटा आप देखते हैं सिग्मा पाई बॉन्ड्स कैसे कैलकुलेट करना है तो ध्यान से ध्यान से है ना जैसे हवाई जहाज की उसमें बोलते हैं ना सीट की की पेटियां बांध ले तो अब इसी के साथ सिग्मा पाई बॉन्ड कैलकुलेशन देखो हमेशा याद रखो दो एटम में पहला बॉन्ड सिग्मा दो एटम में एक से ज्यादा बॉन्ड बना है पहला सिग्मा बाद वाले पाई होंगे बस 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 ये बात तुमको अपने दिमाग में रखनी है सारे सवाल हो जाएंगे चलो एच टू पहला सिग्मा O2 टू डबल बॉन्ड हो पहला बॉन्ड सिग्मा दूसरा पाई यानी या एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होगा चलो ट्राई करो तब तक सॉल्व तो करना शुरू करो है ना नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे एग्जाम्पल ठीक है चलिए N2, N2 एन किसी से हुआ बेटा नाइट्रोजन में कितना बॉन्ड होता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड पहला सिग्मा बाद वाले पाए यानी यहाँ पर एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड्स होंगे पहला बॉन्ड सिग्मा बाद वाले पाई होंगे ठीक है सिग्मा एक ही बनेगा क्योंकि एक ही ऐसा ऑर्बिटल होगा जो N2 एंड होगा बाकी आपके साइडवेज हो रहे होंगे चलिए एच में मार्क करते हैं बेटा एच में ध्यान दो कार्बन हाइड्रोजन में पहला बॉन्ड सिग्मा कार्बन नाइट्रोजन में तीन बॉन्ड्स है पहला सिग्मा पाए पाए यानी टोटल यहां पर बेटा दो सिग्मा और दो पाई बॉन्ड्स हैं दो सिग्मा और दो पाई बॉन्ड्स हैं चलिए नेक्स्ट बेटा C2H6 बनाते हैं इथिन ये हो गया सी टू एच फोर इथीन और ये हो गया इथाइन बहुत तेजी से सिग्मा पाई बताने हैं इसमें इसमें और इसमें टोटल टोटल आई एम टॉकिंग अबाउट टोटल जल्दी से कैलकुलेट करें सिग्मा पाई बॉन्ड्स इस वाले में बेटा कितने होंगे पहला बॉन्ड सिग्मा 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 पहला बॉन्ड तो सिग्मा ही होगा एक दो तीन चार पांच छह सात सिग्मा बॉन्ड्स होंगे चलो यहां पर बेटा देखते हैं पहला बॉन्ड सिग्मा 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 बाद वाला पाए एक दो तीन चार पांच सिग्मा एक पाए तो बेटा इथीन के अंदर कोवलेंट बॉन्ड एक दो तीन चार पांच छ है छह कोवलेंट बॉन्ड में पांच सिग्मा एक बॉन्ड है पहला सिग्मा, पहला सिग्मा, सिग्मा। कार्बन कार्बन में तीन बॉन्ड बने हैं जिसमें पहला सिग्मा बाद वाला पाए बाद वाला पाए एक दो तीन सिग्मा और ओहो तीन सिग्मा और दो पाए बॉन्ड सुझाएंगे बात क्लियर है पहला बॉन्ड सिग्मा एटम्स में बताओ अगर दो एटम्स में एक से ज्यादा बॉन्ड बन रहा है पहला सिग्मा बाद वाले पाए पहला सिग्मा बाद वाले पाए चलो और एग्जाम्पल करते हैं ये बहुत बार सवाल आया हुआ है टेट्रा साइनो इथाइलीन या इथीन से चले चलो जी चलो फटाफट यार सी एच थ्री सी Oh, है, ना? Functional group है Expand अगर किसी को confusion हो जाए तो इसीलिए कार्बन हाइड्रोजन में एक बॉन्ड होता है C -double bond OH. पहला बॉन्ड सिग्मा पहला बॉन्ड सिग्मा पहला बॉन्ड सिग्मा पहला बॉन्ड सिग्मा, सिग्मा दो बॉन्ड है पहला सिग्मा बाद वाला पाए यानी कितने सिग्मा हो गए एक दो तीन चार पांच छ छे सिग्मा एक पाई बॉन्ड टोटल कोवलन बॉन्ड थे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन में से सिग्मा एक पाए है सबसे इंपॉर्टेंट है भाई टेट्रा साइनो इथीन या इथाइलिन अब बेटा इथीन होता है सी टू एच फोर अब क्या हुआ चार हाइड्रोजन की जगह चार साइनो ग्रुप लगे हैं कार्बन नाइट्रोजन में बेटा ट्रिपल कार्बन नाइट्रोजन में ट्रिपल कार्बन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है इधर कार्बन नाइट्रोजन में ट्रिपल होगा है ना कार्बन के एक दो तीन चार बॉन्ड इस कार्बन के भी एक दो तीन चार बॉन्ड ठीक है टेट्रा साइनो चार बार साइनो आया तो टेट्रा साइनो इथिन या इथाइलिन है ना इथिन के हाइड्रोजन हटकर साइनो आ गया इसमें बेटा आपको सिग्मा पाए बताना है अगर तुमने नाइन्थ वाला सही पार्ट इस वाले पार्ट का अगर तुमने नाइन्थ पार्ट का सही आंसर कमेंट में ड्रॉप कर दिया तो तुमने मेरा दिल जीत लिया तुम्हें सिग्मा पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन आ जाएगा जल्दी से कैलकुलेट पार्ट के अंदर सिग्मा और पाई और अपना आंसर कॉमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दे ऐसे लिख देना इतने सिग्मा इतने सिग्मा समझ कि तुम इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे और आई होप आई होप आप सब मेरा दिल जीते है ना आई होप सब आंसर सही दे ये बहुत बार आया हुआ सवाल है इसीलिए मैं इस पर इतना कर कर रही हूं। दे रही हूं, कर रही दे क्योंकि बेटा ये काफी बार है ना जे में भी पूछा गया है नीट में भी पूछा गया है और बच्चे ना यहाँ पर गलती कर देते हैं बहुत बार गलती कर देते तुमको नहीं करनी गलती यार पहला बॉन्ड सिग्मा पहला बॉन्ड सिग्मा पहला बॉन्ड सिग्मा पहला बॉन्ड सिग्मा ये पहला बॉन्ड सिग्मा ये पहला बॉन्ड सिग्मा ये पहला बॉन्ड सिग्मा ये पहला बॉन्ड सिग्मा और सिग्मा कितने सिग्मा बेटा एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ नाइन सिग्मा बात समझ आ गई ना पहला 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 इधर पहला और यहाँ और यहाँ ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन Nine सिग्मा अब पाई देखो यार ये दोनों पाए ये दोनों पाए ये दोनों पाए ये दोनों पाए और ये भी पाए यानी दो तो चार दो दो आठ और एक नौ यहाँ पे पाई बॉन्ड्स भी कितने होंगे बेटा पाई बॉन्ड्स नाइन ही होंगे नाइन सिग्मा नाइन पाई बॉन्ड्स में पाई नहीं लिख रही गिचपिच बहुत हो जाएगी आप समझ जाना ये दो दो चार दो छे दो आठ और ये वाला पाई होगा है ना क्योंकि हम क्या करते हैं हम बेनजीन भूल जाते हैं अब होता है क्या बच्चे क्या करेंगे यहां पर मैं बता रही हूं मैक्सिमम क्या आंसर कर देते हैं मैडम छह सिग्मा तीन पाए होंगे पर हम ये भूल जाते हैं बेटा कि हर कार्बन पर बेंजीन में एक एक हाइड्रोजन भी लगी है कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन भी लगी हुई है हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन होगी तभी तो सी सिक्स एच सिक्स का फॉर्मूला आता है तो बेटा यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह कितने सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं बेटा बारह सिग्मा एक दो तीन तीन पाई बॉन्ड्स हैं कितने पाई बॉन्ड्स हैं तीन पाई बॉन्ड्स अब अगर कोई आपसे पूछ ले रेशियो बताओ यहां पर सिग्मा की यानी ट्वेल्व टू थ्री रेशियो कितना आ जाएगा बेटा फोर इज टू वन कितना आ जाएगा फोर इज टू वन तो कभी कभी आपसे का सवाल भी पूछ लेता है यहां पर तो बेंजीन के अंदर सिग्मा बॉन्ड्स है कार्बन हाइड्रोजन के कार्बन कार्बन के और ये तीन पाई बॉन्ड्स हो जाएंगे ठीक है ये तीन पाई बॉन्ड्स हो जाएंगे

कि कि हमने कोई प्लांट अब, आजकल आप देख रहे हो बहुत सारी हाइब्रिड वेजिटेबल्स आती हैं हाइब्रिड फ्रूट्स आते हैं फ्लावर्स में हाइब्रिडाइजेशन हो रही होती है सो हाइब्रिड का मतलब क्या है एक की क्वालिटी दूसरे की क्वालिटी एक जगह आ गई ठीक है तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करते हैं मिक्स का मतलब ये नहीं है कि तुमने मिक्सी में डाला और घुमा दिया वो वाला मिक्सिंग नहीं है ठीक है केमिस्ट्री वाला मिक्सिंग है सो so, पर क्या होता है इट इज बेसिकली डिफाइंड एज ऑर्बिटल्स को हम क्या करते हैं मिक्स करते हैं ऐसे अटोमिक ऑर्बिटल को मिक्स करते हैं जिनकी एनर्जी थोड़ी डिफरेंट होती है न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल टू गिव अ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी इक्वल शेप ऑल्सो शेप सेम हो जाती है सो इट इज डिफाइंड एज ध्यान से सुनना इंटरमिक्सिंग ऑफ डिसिमिलर ऑर्बिटल्स डिसिमिलर ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम एटम सेम होगा बट उसके जो ऑर्बिटल्स है अलग अलग ऑर्बिटल्स जो है जैसे एस और पी मिक्स हो गए ठीक identical शेप्स ठीक है तो हम क्या करते हैं ऑर्बिटल्स को एटम atom के एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करते हैं हम एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल मिलता है जिसमें एनर्जी सबकी सेम होती है शेप भी सबकी सेम हो और एक 2p पी का ऑर्बिटल मिक्स करा। 2S के ऑर्बिटल की बेटा एनर्जी अलग है 2p पी के ऑर्बिटल की एनर्जी अलग है है ना आपने बोहर ब्यूरी रूल करा होगा एन प्लस एल रूल तो टू एस के लिए एन प्लस एल आएगा टू 2P के लिए N L का वैल्यू आएगा 3, तो की की एनर्जी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है 2S एनर्जी कम है कम अब अगर मैं और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगा दोनों की एनर्जी बराबर होगी दोनों की शेप भी सेम हो जाएगी अब एग्जाम्पल देते हैं तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन की क्या क्या कैरेक्टर हैं वो समझना

हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस ओनली इन ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन का इसके अंदर कोई लेना देना नहीं होता ठीक है इलेक्ट्रॉन हो नहीं हो रहे होते, होते हैं नए हाइब्रिड ऑर्बिटल उतने ही बनते हैं दो मिक्स करोगे दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल तीन मिक्स करोगे तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल चार एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करोगे चार नए हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे ठीक है चलिए इसके अलावा बेटा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो खाली सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड जो पाई बॉन्ड बना रहे होते हैं ऑर्बिटल वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं ठीक है पाई बॉन्ड आपका साइडवेज ओवरलैप से बनता है और वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनता है इसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन कभी भी बेटा आइसोलेटेड में नहीं होती करेगा? बट हाँ जब मान लो बी एच थ्री बन रहा है मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो रही है तब वो अपने ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज करा रहा होगा ठीक है इसके अलावा हाइब्रिड ऑर्बिटल बेटा स्पेस में जितना दूर हो सके उतना बेटर है ताकि रिपल्शन ना हो और मॉलिक्यूल के एक डेफिनेट ज्योमेट्री आ सके इसके अलावा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो ज्यादा बेटर ओवरलैप करते हैं साइड एटम से as compared टू प्योर ऑर्बिटल और इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया सो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड्स ठीक है इट नेवर टेक्स प्लेस इन एन आइसोलेटेड एटम में कभी नहीं होती है होते हैं, करते हैं तो टीचर क्या करता है उनको दूर दूर बिठा देता है, है ना कि क्लास डिस्टर्ब करेंगे अब हो क्या रहा है बेटा जब ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही हैं तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपल्शन ना दे तो ऑर्बिटल अपने आप को स्पेस में दूर दूर कर लेते प्रॉपर ज्योमेट्री के अंदर ताकि रिपल्शन के चांसेस कम हो जाए चलिए सो आई टॉक अबाउट हाइब्रिडाइजेशन और अब हम यहां से काफी इंटरेस्टिंग चीजें सीखने वाले हैं ठीक है थीके? तो मैं दो तीन हाइब्रिडाइजेशन का आपको एग्जाम्पल देती हूं तो बेटा अगर sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करें sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp हाइब्रिडाइजेशन कब आती है आपके पास जब एक एस का ऑर्बिटल और एक पी का ऑर्बिटल ऑर्बिटल ये दोनों ऑर्बिटल जब आपके बेटा मिक्स कर जाते हैं ठीक है यानी क्या करते हैं हाइब्रिडाइज करते हैं तो एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल मिलेगा वो कुछ इस तरह से बनता है this is called as your sp hybrid orbital ठीक है यहां पर ज्योमेट्री होती है बेटा लीनियर लीनियर ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल कैसा हो जाता है 180 डिग्री कैसा हो जाता है 180 डिग्री अब एस हाइब्रिडाइजेशन में बेटा दो ही ऑर्बिटल है एस पी में एक एस था और एक पी था पचास परसेंट क्या होगा आपका एस कैरेक्टर और पचास परसेंट ही तुम्हारा क्या हो जाएगा पी कैरेक्टर बात क्लियर दोनों आधे आधे है ना sp दो ऑर्बिटल्स मिक्स हुए थे एक एस का था एक पी का तो पचास परसेंट एस का कैरेक्टर होगा पचास परसेंट पी का कैरेक्टर होगा और याद रखना भाई जितना परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है बेटा आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कार्बन में बात करेंगे वो ज्यादा होती है ठीक है चलिए सेकंड बात करते हैं sp2 टू हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 टू हाइब्रिडाइजेशन में बेटा एक एस का और दो पी के मिक्स हो गए आप चाहो तो अब ये वाला पी एक्स भी ले सकते हो आप पी वाई भी ले सकते हो कोई सा भी हो सकता है मैटर ये हाइब्रिडाइज हुए हाइब्रिडाइजेशन हुआ मिक्सिंग हुई इन टॉमिक ऑर्बिटल्स की और जो नया सेट ऑफ ऑर्बिटल मिलता है बेटा आपको वो कुछ इस तरह का मिलता है ठीक है दिस इज योर एस पी टू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्या मिलता है बेटा आपको sp2 टू orbital ऑर्बिटल कुछ इस तरह से आपको ज्योमेट्री दिख रही होगी बेटा यहां पर है ना तो यहां पर जो बॉन्ड एंगल होता है जो बॉन्ड एंगल होता है वो आपका कितना होता है 120 डिग्री ज्योमेट्री क्या होती है बेटा आपकी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री क्या होती है ट्राइगोनल प्लेनर ठीक है अब एसपी टू में अगर मैं बात करूं बेटा तीन एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स मिक्स हुए हुए थे, तीन हुए थे तीन जिसमें से एक एस का था तो तीन में से एक एस का था तो एस का परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना हो जाएगा वन बाय थ्री तीन में से एक s का ऑर्बिटल था इन टू हंड्रेड है ना ऐसे ही तो फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालते थे यानी कितना परसेंटेज एस कैरेक्टर हो जाएगा बेटा थर्टी थ्री कैरेक्टर कितना हो जाएगा जल्दी बोलो भाई पी के दो ऑर्बिटल कैरेक्टर कितना हो जाएगा बेटा परसेंटेज पी कैरेक्टर कितना हो जाएगा सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन परसेंटेज पी कैरेक्टर बात क्लियर, बात क्लियर है चलो थर्ड हाइब्रिडाइजेशन, एस पी थ्री एस पी थ्री में बेटा अब एक एस का और तीन पी के ऑर्बिटल मिक्स हो रहे होंगे तो ये एस ये ले लेते हैं पी ये वाला ले लिया मैंने पी वाई और ये वाला ले लिया मैंने px ये सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हुए हाइब्रिडाइज हुए और बेटा आपको एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल मिलेगा जिसमें सबकी एनर्जी बराबर है शेप सेम हो जाती है ठीक है कुछ इस तरह से अब यहां पर जो बॉन्ड एंगल होता है बेटा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आती है 109 डिग्री 28 मिनट sp3 थ्री टेट्राहेड्रल टेट्राही बस तो मुझे यहां पर परसेंटेज बता दो sp3 थ्री में बेटा चार ऑर्बिटल मिक, मिक्स हुए थे जिसमें से एक एस का था तीन के थे तो एस हो जाएगा वन बाय फोर इन टू हंड्रेड बेटा पर 25 परसेंट एस कैरेक्टर एंड 75 फाइव परसेंट थ्री बाई फोर इन टू हंड्रेड क्या हो जाएगा आपका पी कैरेक्टर है बात क्लियर है तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन हो रही होती है टॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे होते हैं आप अब, अब हम हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकाले यार हमें कैसे पता लगेगा मॉलिक्यूल के अंदर जो मेरा सेंट्रल आइटम है उसके ऑर्बिटल कैसे हाइब्रिडाइज़ हुए होंगे कैसे पता करे तो इसके लिए बहुत बेहतरीन ट्रिक आ रही है आपके आगे है ना प्रस्तुत करी जा रही है वो ट्रिक तो बेटा ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे हाइब्रिडाइजेशन तो ये ट्रिक याद रखना और जब पेपर में तुमसे सवाल हो तो दुआओं में मुझे बिल्कुल याद रखना बस स्टेरिक नंबर की जरूरत है स्टेरिक नंबर टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन ठीक है स्टेरिक नंबर टू है बेटा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो sp2 इनको गिन लेना दो और एक तीन चार है तो sp3 तीन और एक चार मैच करना चाहिए फाइव है तो बेटा sp3d सिक्स है तो sp3d2 और सेवेन है तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन ठीक है sp हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री होती है लीनियर एसपी टू में हमने अभी पीछे करा था बेटा ट्राइगोनल प्लेनर sp3 थ्री के अंदर बेटा ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल sp3d एसपी थ्री डी के अंदर क्या थी ज्योमेट्री याद करो स्टेरिक नंबर फाइव के लिए तो तुम्हें याद ही है ना ट्राइगोनल बायपरामिडल ठीक है एसपी थ्री डी टू के लिए बेटा कैसी आएगी ऑक्टाहेड्रल इन सब के अंदर बाहर वाला डी पार्टिसिपेट कर रहा है ठीक है बाहर वाला मतलब जो वैलेंस शेल है उसका डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है sp3 d3 के लिए होती है बेटा पेंटागनल पिरामिडल ये ज्योमेट्री की बात करिए बेटा जी शेप के लिए तो तुमको वीएसई पी आर वाला टेबल ही रेफर करना पड़ेगा वापस है ना विल गो बैक टू दैट तो अब जरा कुछ हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लेते हैं चलिए 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 एग्जाम्पल चलो सिर्फ स्टेरिक नंबर निकाल के हाइब्रिडाइजेशन निकाल देंगे और बाकी चीजें तो हो जाती हैं चलो अब बेटा स्टेरिक नंबर के लिए वही पुराना मेथड ही करना है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाली कहानी टीवीई टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो अमोनिया में नाइट्रोजन पे पांच हाइड्रोजन पे तीन और आठ टू से डिवाइड करूंगी चार आ जाएगा पर यहाँ पे बेटा चारों के चारों बॉन्ड पेयर नहीं होंगे क्यों क्योंकि नाइट्रोजन के पास तीन ही हाइड्रोजन आटम होता है तो यहां पर तीन बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर होता है ठीक है नो डाउट स्टेरिक नंबर चार ही आएगा स्टेरिक नंबर चार है तो नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन अमोनिया में कितनी हो जाएगी बेटा पी थ्री है ना स्टेरिक नंबर चार के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा एस पी थ्री अब तीन बॉन्ड पे और एक लोन पे तो जोट्री क्या होगी जमेट्री अभी, अभी हमने देखा भाई स्टेरिक नंबर चार के लिए जोमेट्री क्या होगा टेट्राहेड्रल पर याद करो बेटा शेप तीन बॉन्ड पे और एक लोन पेर के लिए शेप कैसी होती है पिरामिडल शेप कैसी होती है पिरामिडल तो अमोनिया में जो हाइब्रिडाइजेशन है नाइट्रोजन का दैट इज थ्री हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री शेप सब कुछ पुराना है ये सारी चिट्ठी मतलब कहानी सब पुरानी है बस स्टेरिक नंबर देखकर हमने क्या निकाल लिया बेटा हाइब्रिडाइजेशन दैट इज इट और कुछ नहीं है बस एक वो टेबल मैंने ऐड कर दिया नथिंग नथिंग एल्स है ना चलिए xef6 में पहले टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं टीवी कितना आ जाएगा जेनॉन पर आठ एक फ्लोरीन पे सात सेवन सिक्सा फोर्टी टू हुए पचास आठ से डिवाइड करेंगे एट सिक्स फोर्टी एट लोन पेयर छ बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर यानी स्टेरिक नंबर सात है स्टेरिक नंबर सात के लिए यहां पर हाइब्रिडाइजेशन आएगा बेटा एस पी थ्री डी थ्री क्या जाएगा एस पी थ्री डी थ्री स्टेर सात के लिए देख लो ना यार तीन तीन छत मैच करना चाहिए तुम्हारा स्टेरिक नंबर सात के लिए बेटा ज्योमेट्री क्या होगी पेंटागनल पिरामिडल पर एक्जीएफ सिक्स का शेप क्या होगा बेटा छे बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर के लिए शेप हो जाएगी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल क्या हो जाएगी बेटा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल चलिए एक्स एफ में कैलकुलेट करो फटाफट से टोटल इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल में आठ सेवन फोर ज ट्वेंटी एट थर्टी सिक्स आठ से डिवाइड करेंगे एट फोर जर्टी टू चार बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर एस पी थ्री डी टू क्या हो जाएगी एस पी थ्री डी टू जमेट्री इज गोइंग टू बी बेटा ऑक्टा हेड्रल स्टेरिक नंबर सिक्स के लिए ऑक्टा हेड्रल पर याद करो चार बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर के लिए शेप शेप कैसी होगी इस मॉलिक्यूल की स्क्वायर प्लेनर शेप कैसी हो जाएगी स्क्वेर प्लेनर शेप ठीक है मैं बना नहीं रही हूँ क्योंकि इस कही कहीं कहीं ना पहले बना दिया है सब so2 में हाइब्रिडाइजेशन जो भी बेटा आप हाइब्रेडाइजेशन बता रहे हो मैं बार बार बोल रही हूँ वो सेंट्रल एटम के लिए है ठीक है चलिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा सल्फर पे छक्सीजन पे भी छो ऑक्सीजन है तो बारह अट्ठारह आठ से ज्यादा है एट टू सा सिक्सटीन दो बॉन्ड पेर एक लोन पे स्टेरिक नंबर आएगा बेटा थ्री थ्री का मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2 तो SO2 में बेटा सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन है sp2 स्टेरिक नंबर तीन के लिए जोमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर पर दो बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर के लिए जो शेप होती है शेप होगी बेटा एंगुलर है ना शेप कैसी हो जाएगी एंगुलर कुछ इस तरह से और एक हो जाएगा आपका लोन पे ठीक है एक बॉन्ड पे और एक बॉन्ड पे मल्टीपल बॉन्ड वन बॉन्ड पे आई थ्री माइनस में बेटा फटाफट से बता दो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सात या इक्कीस एक और जुड़ जाएगा बाईस एट टू सा सिक्सटीन दो बॉन्ड पे और तीन लोन पेयर आएगा स्टेरिक नंबर आएगा बेटा पांच हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी एस पी थ्री डी क्या आएगी sp3d थ्री डी ठीक है sp3d थ्री डी है ज्योमेट्री क्या होगी बेटा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल पर शेप भाई याद करो दो बॉन्ड बॉन्डपेयर तीन लोन पेयर के लिए शेप कैसा आता था लीनियर शेप कैसा आता था बेटा लीनियर बात क्लियर है ठीक है तो बस सब कुछ पुराना VSEPR वाली ही कहानी है बस टेरिक नंबर देखकर बस टेरिक नंबर देखकर तुमको क्या लिख देनी है हाइब्रिडाइजेशन क्या लिख देनी है हाइब्रिडाइजेशन अब तुम देखो मेरी चालाकी है ना इतनी भी चालाकी नहीं पर हाँ, थोड़ी सी चालाकी करेंगे हम सारों के सारों मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे सब में पीसीएल फाइव यही यही कर देंगे ना है ना स्टेरिक नंबर फाइव यही ऐड करते देती हूं हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बेटा स्टेरिक नंबर फाइव के लिए एसपी थ्री डी तो PCl5 में फास्फोरस इज sp3d हाइब्रिडाइज स्टेरिक नंबर 6 है sf6 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बेटा sp3d2 देखो sp3d2 आगे बढ़ते हैं xef4 स्टेरिक नंबर 6 है हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बेटा ज़ेनॉन की sp3d2 3 2 5 1 6 sp3d2 स्टेरिक नंबर फाइव है हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3d PCL3 के अंदर स्टेरिक नंबर चार है बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3 सब ऐड कर रही हूं मैं बेंड्स रूल बात की बात चलो XeF2 में स्टेरिक नंबर पांच है हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी बेटा sp3d पी में भी माइनस में sp3d स्टेरिक नंबर फोर है तो वाटर में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा sp3 एक् थ्री में स्टेरिक नंबर फोर है एस पी थ्री स्टेरिक नंबर फाइव है एसपी थ्री डी स्टेरिक नंबर फाइव है एस पी थ्री डी आई होप समझ आ रही होंगी जो मैं बातें कर रही हूँ है ना तो बस हाइब्रिडाइजेशन इतना आसान सा है कुछ है ही नहीं ट्रिक करते गए सवाल करते गए है ना बढ़िया था एकदम मस्त मजे आए इट्स वेरी इजी वेरी इजी हाइब्रिडाइजेशन सबसे आसान चीज है अगर आपको बेटा uh, मतलब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड पेयर लोन पे मतलब अगर तुम स्टेरिक नंबर निकाल लोगे ना तो तुम हाइब्रिडाइजेशन तो कर ही लोगे अब बात करते हैं बेटा कार्बन के अंदर हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाले क्योंकि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत काम आता है सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इसकी ट्रिक अभी कराऊंगी परेशान ना हो हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन सो बेटा कार्बन के अंदर तीन तरह की हाइब्रिडाइजेशन ऑब्जर्व होती है sp3 sp2 थ्री एस टू एंड एस ठीक है थ्री के अंदर वी हैचीस परसेंट एस कैरेक्टर एस पी टू के अंदर बेटा थर्टी थ्री कैरेक्टर और एस पी हाइब्रिडाइज कार्बन के अंदर फिफ्टी परसेंटेज एस कैरेक्टर ठीक है और याद रखे परसेंटेज एस कैरेक्टर जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन यानी यानी कि अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो बेटा जहां पे कार्बन एसपी हाइब्रिडाइज्ड है वहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी देन एसपी टू और जहां पे कार्बन एसपी थ्री हाइब्रिडाइज्ड होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी ठीक है तो जहां पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन एस होती है वहां पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा हो जाती है अब हम कैसे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन अंदर तो ट्रिक ही ट्रिक लगाएंगे सवाल हमें सवाल निकालने हैं यार है ना हमें कहानियों से मतलब नहीं है हमें सवालों से मतलब है कि हमसे पेपर में सारा सवाल बनना चाहिए तो बेटा अगर तो कार्बन चारों सिग्मा बनाए तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 अगर कार्बन ने बेटा तीन सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बनाया sp2 और अगर तो कार्बन ने बेटा दो सिग्मा दो पाई बॉन्ड्स बनाए तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है sp क्या हो जाती है sp इस ट्रिक को बहुत ध्यान से याद रखना समझना एग्जाम्पल मैं करा रही हूं ये याद रखना यार तुमको है ना चार कार्बन के चारों सिग्मा बॉन्ड्स हमने पढ़ लिए हैं अगर बेटा कार्बन चारों सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है sp3 थ्री अगर कार्बन ने तीन सिग्मा एक पाए बनाया sp2 टू और अगर कार्बन ने दो सिग्मा दो पाई बॉन्ड्स बनाए तो sp हो जाएगा लेट्स गो डू दी एग्जाम्पल्स लेट्स डू द एग्जाम्पल्स तो पहला मतलब मैं पहला नहीं, तीन चार स्ट्रक्चर बना रही हूँ we'll अलग अलग कार्बन की है ना चलिए हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं आप जरा देखो यार सारी कार्बन जो भी स्ट्रक्चर में दिख रही है सबकी बतानी है एक कार्बन का बेटा पहला सिग्मा 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 है ना ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये, ये पाए ध्यान से समझना इस कार्बन ने बेटा एक दो तीन सिग्मा एक पाई बॉन्ड बनाया है है ना इस कार्बन ने तीन सिग्मा एक पाई बॉन्ड बनाया तीन सिग्मा एक पाई का मतलब इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी बेटा sp2 ये ट्रिक देखो ना तीन सिग्मा एक पाई, SP2. इस कार्बन ने भी इस कार्बन ने भी बेटा जी इस कार्बन पे ध्यान दो अब एक दो तीन और एक चार तीन सिग्मा एक पाई बॉन्ड बनाया है यानी इस कार्बन बैक इस कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी बेटा sp2 क्या हो जाएगी sp2 अब सवाल कैसे दे देगा आपको स्ट्रक्चर दे देगा कोई सी भी कार्बन मार्क कर देगा दो तीन कार्बन मार्क कर देगा बोलेगा इस स्ट्रक्चर में जो फोर है और जो फाइव कार्बन है, है उसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ तो आप फिर उन्हीं की निकालना सबकी निकालने की जरूरत नहीं है मैं अभी सारी कार्बन की कैलकुलेट करा रही हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए अब देखो भाई सबसे आसान चीज कार्बन और हाइड्रोजन में बेटा हमेशा एक ही बॉन्ड बनता है और वो सिग्मा होगा तो कार्बन पे जितने हाइड्रोजन है उतने और ये चौथा सिग्मा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गए बेटा sp3 ध्यान से सुनो इस कार्बन के हाइड्रोजन के साथ तीन सिग्मा और ये चौथा सिग्मा ही तो है तो चार सिग्मा sp3 इस कार्बन ने बेटा सिग्मा सिग्मा पाए पाए दो सिग्मा दो पाए बनाए यानी इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो sp इस कार्बन ने भी बेटा दो सिग्मा दो पाए बनाए sp और इस कार्बन ने तीन हाइड्रोजन के साथ सिग्मा और चौथा चारों सिग्मा बॉन्ड बनाए तो क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा बेटा sp3 क्या हो जाएगा एस पी थ्री बात क्लियर है थर्ड में आपको मुझे इन तीनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है -फड़ फटाफट से बता दो इस कार्बन का बेटा सिग्मा, सिग्मा 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 पाए पहला बॉन्ड सिग्मा पहला बॉन्ड सिग्मा पहला बॉन्ड सिग्मा, सिग्मा बाद वाला पाए तीन सिग्मा एक पाए एस पी टू इस कार्बन के पहले मैं सिग्मा पाई बना देती हूं फिर आइडेंटिफाई कर लेता हूं इस कार्बन ने बेटा दो सिग्मा दो पाई बॉन्ड्स बनाए sp इस कार्बन ने एक दो तीन सिग्मा एक पाई बॉन्ड बनाया यानी इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी टू। क्या हो जाएगी टू। चारों सिग्मा sp3 तीन सिग्मा एक पाई sp2 दो सिग्मा दो पाई sp ठीक है चलिए यहां देखो बेटा सी एच थ्री तीन हाइड्रोजन और एक चारों बॉन्ड सिग्मा चारो सिग्मा, सिग्मा एक दो तीन सिग्मा एक पाए क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी बेटा एस पी टू क्या हो जाएगी एस पी टू अब बेंजीन की अगर हम बात करें तो बेंजीन के अंदर हर कार्बन ने एक दो तीन सिग्मा और एक बॉन्ड बना रखा होता है हर कार्बन ने अगर हर कार्बन ने बेटा बेंजीन में तीन सिग्मा एक बॉन्ड बना रखा होगा तो बेंजीन के अंदर हर कार्बन जो होती है आपकी ठीक है ईच कार्बन इन बेंजीन इज एस पी टू कैसी होती है बेटा एसपी टू आर वी क्लियर इस कार्बन का भी बेटा एक दो और एक हाइड्रोजन तीन सिग्मा एक पाए इस कार्बन का भी एक दो तीन सिग्मा एक पाए तो हर कार्बन ने यहाँ पर तीन सिग्मा एक पाए बॉन्ड बना रखे होते हैं बेंजीन के अंदर इच कार्बन इज एस पी टू हाइब्रेडाइज ठीक है तो इस तरह से बेटा हम कार्बन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं ट्रिक याद रखना बन जाएंगे सवाल चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं बेटा बॉन्ड कैरेक्टर ठीक है बॉन्ड कैरेक्टर में पहला होता है बॉन्ड लेंथ बॉन्ड लेंथ नाम से समझ आ रहा है बॉन्ड की लेंथ है ना सो बॉन्ड लेंथ में बेसिकली क्या होता है जो भी दो एटम्स बॉन्ड बना रहे होते हैं उनके न्यूक्लियस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है ना अगर ये दो एटम्स के बीच का बॉन्ड है तो इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस तक का जो ये डिस्टेंस है दैट इज बॉन्ड लेंथ और जब हम इनका आधा कर देते थे अगर कोवलेंट बॉन्ड है तो वो रेडियस हो जाता था कोवलेंट रेडियस ठीक है चलिए सो दिस इज बॉन्ड लेंथ बेटा अगर कोवलेंट बॉन्ड में बात करें तो आप कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जैसे अगर आपका इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड है तो अगर ये डिस्टेंस d है तो यहां पर जो बॉन्ड लेंथ होगा वो किसके बराबर हो जाएगा d के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है ना इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द न्यूक्लिया ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन दो बॉन्डेड एटम्स के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को ही हम क्या बुलाते हैं बॉन्ड लेंथ बुलाते हैं ये मैंने कोवलेंट मॉलिक्यूल में बात करी है ना आयनिक बॉन्ड अगर होता है तो केटायन प्लस एनआईन के रेडियस को जोड़ देते हैं तो आपको बॉन्ड लेंथ मिल जाता है ठीक है चलिए बॉन्ड लेंथ के बेटा क्या क्या फैक्टर्स है जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करते हैं तो पहला फैक्टर याद रखें बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम जैसे कि अब यहां पर बेटा जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो हाइड्रोजन का साइज तो सेम है पर फ्लोरीन से क्लोरीन से ब्रोमीन से आयोडीन साइज बढ़ेगा तो एक के न्यूक्लियस से दूसरे के न्यूक्लियस का डिस्टेंस भी बढ़ेगा तो जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो साइज ऑफ हैलोजन बढ़ेगा अगर हैलोजन आटम का साइज बढ़ता जा रहा है तो बेटा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस भी बढ़ेगा और बॉन्ड लेंथ क्या करती जाती है आपकी इंक्रीज करती जाती है तो एच एफ सी एच सी एल सी एच बी आर से एच एफ बॉन्ड लेंथ क्या करेगा बढ़ेगा ठीक है ऐसी अगर मैं बात करूं F2 Cl2 Br2 I2 सब में सिंगल बॉन्ड है फ्लोरीन से F2 से Cl2 बॉन्ड लेंथ ज्यादा Cl2 से Br2 बॉन्ड लेंथ ज्यादा Br2 से I2 बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो एटम का साइज बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा सेकंड फैक्टर सेकंड फैक्टर जो होता है बेटा दैट इज बॉन्ड लेंथ जो होती है ना बॉन्ड लेंथ दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड यानी जहां पर मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा होंगे बॉन्ड लेंथ कम होगी जैसे कि बताया कहां पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी जल्दी से सोचें बेटा यहां पे मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है बॉन्ड लेंथ कम होगी ट्रिपल की बॉन्ड लेंथ कम होती है कार्बन कार्बन की कार्बन डबल की ज्यादा होगी और सबसे ज्यादा किसकी होगी कार्बन सिंगल बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड अगर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगा ट्रिपल का बॉन्ड कहीं ट्वेंटी पीकोमीटर होता है ये कहीं पीकोमीटर होता है ये कहीं वन फिफ्टी फोर पीकोमीटर होता है ठीक है ये फैक्टर्स हो गए बॉन्ड लेंथ के नेक्स्ट बात करते हैं बेटा बॉन्ड एनर्जी के ठीक है बॉन्ड एनर्जी के तो बॉन्ड एनर्जी बेसिकली क्या है बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्डेड मोल ऑफ ऑफ बॉन्ड्स अ पर्टिकुलर टाइप तो बेटा बॉन्ड एनर्जी क्या होती है एंडोथर्मिक होती है क्योंकि अगर आपको बॉन्ड तोड़ना है तो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होता है एनर्जी देना पड़ता है ठीक है सो एज टू सेपरेट देम इनटू टू गैशियस एटम्स इसी चीज को हम बॉन्ड एनर्जी बुलाते हैं जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उतनी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा तो ये याद रखे फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी बेटा बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होती है एंड बॉन्ड की स्ट्रेंथ बेटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ ठीक है एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिसिटी ठीक है बेटा मल्टीपल बॉन्ड जहां पर ज्यादा होगा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा ट्रिपल ज्यादा स्ट्रोंग होता है डबल से फिर सिंगल से ठीक है बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी जहां ज्यादा होगी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगी बॉन्ड जहां पर लंबा होगा बॉन्ड तोड़ना आसान है बॉन्ड एनर्जी वहां पर कम होगी ठीक है इसके अलावा बेटा ये एक एक्सेप्शन याद रखना ये हेलोजेंस में आता है ये आप जब ट्वेल्थ क्लास में जाओगे आप दोबारा पढ़ोगे है ना तो वहां पर क्या होते? होते है, होता है जो हैलोजेंस होते हैं उनमें याद रखिएगा बॉन्ड एनर्जी का जो ऑर्डर होता है ठीक है हेलोजेंस में जो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर आता है बेटा क्लोरीन के लिए बॉन्ड एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है फिर F2 फिर Br2 और फिर I2 ठीक है क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगती है राधर देन फ्लोरीन फ्लोरीन और वो इसीलिए क्योंकि फ्लोरिन के केस में क्या होता है रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है छोटा आइटम होता है लोन पे रिपल्शन इतना ज्यादा होता है कि बॉन्ड टूटने के लिए ब... मतलब बैठा होता है यार बॉन्ड तोड़ दो मेरा बॉन्ड तोड़ दो मेरा मैं रिपल्शन से परेशान हो रहा हूं तो यहां पर बॉन्ड तोड़ना आसान हो जाता है एनर्जी कम लगती है और क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगती है तो इस वाले एक्सेप्शन को ध्यान रखिएगा चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा बॉन्ड एंगल पर तो बॉन्ड एंगल मैंने पहले भी बताया था बेसिकली एंगल बिटवीन दी बॉन्ड एंगल तो बॉन्ड एंगल अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ठीक है सो रिपल्शन अगर हो रहा है या कम हो रहा है उस पर बॉन्ड एंगल इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है हाइब्रिडाइजेशन अगर मॉलिक्यूल्स में अलग अलग है तो बेटा बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है परसेंटेज एस कैरेक्टर पर ठीक है जहां पर आपका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा वरना तुम कॉमन सेंस लगा लो तुम याद कर चुके हो एस पी हाइब्रिडाइजेशन लीनियर होती है बॉन्ड एंगल 180 डिग्री यहां पर 50 परसेंट एस कैरेक्टर होता है एस पी एस कैरेक्टर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री ट्राइगोनल प्लेनर टेट्राहेड्रल में बेटा 109 डिग्री 28 मिनट 25 परसेंट एस कैरेक्टर तो इधर की तरफ एस कैरेक्टर बढ़ रहा है बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है ठीक है नेक्स्ट फैक्टर की बात अगर करें हम तो अब अगर बेटा आपके पास सेम हाइब्रिडाइजेशन है सेम हाइब्रिडाइजेशन है मॉलिक्यूल की ठीक है पर लोन पेयर अलग अलग है जैसे मैं मीथेन में बात करूं हाइब्रिडाइजेशन मीथेन में भी कार्बन का sp3 होता है अमोनिया में भी sp3 होता है और वाटर में भी ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज होता है पर यहां पर क्या होता है मीथेन के अंदर बेटा चारों बॉन्ड पेयर होते हैं निकाल लेना कर सकते हो अमोनिया में तीन बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर और वाटर के अंदर बेटा दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर होते हैं ठीक है जैसे जैसे आपका लोन पेयर बढ़ता है रिपल्शन बढ़ता है और रिपल्शन बढ़ेगा तो बॉन्ड क्या करते हैं अंदर खिसक जाते हैं बॉन्ड एंगल क्या कर जाता है डिक्रीज कर जाता है वॉटर के अंदर प्रॉब्लम यही होती है कि ये दो लोन पेयर इतना रिपल्शन देते हैं कि बॉन्ड अंदर खिसक जाता है दूर चले जाते हैं इस लोन पेयर से दूर जाएंगे तो अंदर खिसकेंगे बॉन्ड एंगल क्या कर जाता है बेटा डिक्रीज कर जाता है सो बाय इंक्रीजिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर लोन पेयर इंक्रीज करते हैं

इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से सल्फर से सिलेनियम से टेलूरियम में कम हो रही है और बॉन्ड एंगल भी क्या करता जाता है बेटा डिक्रीज करता जाता है ठीक है नेक्स्ट देखो अगर सेंट्रल एटम सेम है भाई सेंट्रल एटम सेम है अब बार और साइड एटम अलग अलग होता है ठीक है साइड एटम अलग अलग होता है तो बेटा बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दी सराउंडिंग एटम जो साथ में है जैसे यहां पर देखो वन केस, सेंट्रल सेम है, अलग -अलग है। साइड अलग-अलग क्लोरीन से ब्रोमीन से आयोडीन में क्या हो रही है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है तो बॉन्ड एंगल क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है आप ऐसे समझ लो अगर आपका साइड एटम का साइज बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल वहां पर क्या करता है इंक्रीज करता है ऐसे समझ लो ठीक है या साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दी सराउंडिंग एटम तो पीसीएल3 से पीबीआर3 से पीआई3 में क्लोरीन से ब्रोमीन से आयोडी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन की कम हो रही है बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो रहा है ऐसे एक और एग्जाम्पल देखो सेंट्रल आइटम सेम है क्लोरीन से ब्रोमीन से आयोडीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो रहा है ठीक है यहां तक बात क्लियर है चलिए 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 सो so, इसी के साथ बेटा बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म है एंड वी आर ऑन दी सेकंड लास्ट टॉपिक एमओटी इसके बाद एच बॉन्डिंग और है छोटा सा पीवाई क्यूज करेंगे अब जो एच बॉन्डिंग है उसके बारे में तो बाद में बात करूंगी एमओ टी की बात करूं तो ये भी बहुत आसान है इसको भी ट्रिक से कराऊंगी तो तुम वो ट्रिक जिंदगी भर याद रखोगे क्योंकि यार देखो थ्योरी तो पढ़नी है बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पेपर के अंदर वो एम सी क्यू क्वेश्चन निकालना और उसके लिए अगर ट्रिक मिल जाए तो उससे बढ़िया उससे बेहतरीन बात क्या है चलो अब एमओ टी एमओ टी थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी तो हुआ क्या यार वीबीटी बहुत अच्छी थी बहुत बढ़िया से उसने वगैरह सब बताया पर वीबीटी जो थी बेटा वो मॉलिक्यूल के मैग्नेटिक बिहेवियर को नहीं कंसिडर करती थी तो देखा गया कि ओटू मॉलिक्यूल ना पैरा मैग्नेटिक आता था सब परेशान कह रही यार ओटू पैरा मैग्नेटिक कैसे आ रहा है ओटू के अंदर तो सोलह इलेक्ट्रॉन है इवन इलेक्ट्रॉन्स है कैसे ओटू मॉलिक्यूल पैरा मैग्नेटिक हो सकता है सब बहुत परेशान तो साइंटिस्ट ने कहा कि भाई अब कुछ ऐसी थ्योरी डेवलप करना पड़ेगा कि भाई वो मॉलिक्यूल के मैग्नेटिक बिहेवियर को भी कंसिडर करे तो फिर आए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ठीक है सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अब ये ऑल टुगेदर एक नया कॉन्सेप्ट था ये क्या बोलता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स या तो ऐड होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं अगर एटॉमिक ऑर्बिटल ऐड होते हैं तो आपको मिलता है बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल अब मिक्सिंग की कोई बात नहीं कर रहे हैं अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स बेटा ऐड हुए है ना जैसे वन एस और वन एस इनका वेव फंक्शन ऐड हुआ है ना एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय शाए साए वेव फंक्शन तो अगर बेटा आपके एटॉमिक ऑर्बिटल ऐड होते हैं तो आपको मिलता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स सब्ट्रैक्ट होते हैं तो हमें मिलता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ठीक है तो अब ये थ्योरी बात करती है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ेंगे मतलब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं चाहे ऐड हो रहे हो चाहे सब्ट्रैक्ट हो रहे हो दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करें दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर मान लो तीन एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करे तीन मॉलिकुलर ऑर्बिटल छह एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करे बेटा छह मॉलिकुलर ऑर्बिटल ठीक है सो दी नंबर ऑफ ऑर्बिटल मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू दी नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स ठीक है दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर कंबाइन करे तो बेटा यहां पे आपको दो नए ऑर्बिटल्स मिलते हैं बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बीएमओ एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल ए बी एम ओ शॉर्ट में लिखते हैं ठीक है जो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल होता है बेटा उसकी एनर्जी कम होती है स्टेबिलिटी ज्यादा होती है बॉन्डिंग वाला नाम से समझ आ रहा है ना यहां पर बॉन्डिंग हो रही होगी यहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है बी एमओ की एनर्जी कम होती है ठीक है इसके अलावा जो आपका एंटी बॉन्डिंग वाला मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है स्टेबिलिटी उसकी कम होती है यहां तक बात क्लियर इसके अलावा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा पाए इन सब से पर एंटी बॉन्डिंग वालों को हम किससे एक्सप्रेस करते हैं सिग्मा स्टार पाई स्टार स्टार लगा देते हैं और जब हम इनकी फिलिंग करते हैं तो वो हम अकॉर्डिंगली वही सारे रूल्स हैं जो आपका हो गया ऑफ बॉ प्रिंसिपल रूल हो गया पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑर्बिटल पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा फिर हाईर में जाएगा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले सिंगली फिल होगा फिर पेयरिंग शुरू होगी वही सारी बातें हैं ठीक है चलिए तो यहां पर कुछ चीजों की बात कर लेते हैं पहला ये वाला बाद में कराते हैं आपको पहले डायग्राम दिखा देते हैं तो बेटा हमारे पास ये दो तरह के डायग्राम्स होते हैं ठीक है मैं इसके लिए ट्रिक ही बताऊंगी है ना मैं इसके लिए भी ट्रिक बताऊंगी तुमको तो ये वाला जो डायग्राम है वो उन मॉलिक्यूल्स के लिए वेन यू हैव मोर देन फोर्टीन इलेक्ट्रॉन्स इन सिस्टम जब आपके पास मॉलिक्यूल या आयन के अंदर फोर्टीन इलेक्ट्रॉन्स से ज्यादा होते हैं तब ये वाली फिलिंग होती है बेटा सबसे एनर्जी में नीचे आता है सिग्मा वन एस फिर सिग्मा स्टार वन एस फिर सिग्मा टू एस फिर सिग्मा स्टार टू, एस. फिर है आपका सिग्मा टू पी से सबसे ज्यादा एनर्जी होती है सिग्मा स्टार टू पी सेट की ठीक है ये वाला जो डायग्राम है ये होता है आपका लेस देन और इक्वल्स टू फोर्टीन इलेक्ट्रॉन्स ठीक है मॉलिक्यूल्स और आयंस जिनमें लेस देन इक्वल्स टू 14 इलेक्ट्रॉन्स हो और ये एप्लीकेबल होता है दो मॉलिक्यूल्स और आयंस विच हैव मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स ठीक है दोनों में बस एक फर्क आ जाता है बेटा यहां पर एनर्जी में सिग्मा टू पी लोअर होता है यहां पे पाई टू पी एक्स पाई टू लोअर होता है सिग्मा टू पी की एनर्जी ऊपर होती है दैट इज इट दैट इज इट ठीक है तो अब ट्रिक पर आ जाए है ना सब चीजों की ट्रिक है भाई हम पे सब चीजों की ट्रिक है चलो लेट्स मूव फॉर द ट्रिक तो पहले कुछ कुछ बातें जिनको आपको ध्यान रखना है यहां पर सबसे पहली चीज बेटा बॉन्ड ऑर्डर तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट होता है हाफ ऑफ एनबी माइनस एन ए Bond order is equal to half NB minus NA, where NB denotes the number of electrons in bonding molecular orbitals and NA denotes the number of electrons, total number of electrons in anti bonding molecular orbitals, ABMOs. Okay? Chalye. Second, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बॉन्ड ऑर्डर जो होता है बेटा वो सेम आता है ठीक है फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज अगर आपके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है तो बॉन्ड ऑर्डर इज गोइंग टू बी सेम फॉर दैट अगर मॉलिक्यूल में या आयन में यू हैव वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो हम बोलते हैं बेटा आपका जो मॉलिक्यूल है या फिर आयन है वो कैसा होता है पैरामैग्नेटिक और अगर आपके पास बेटा कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और यू कैन से ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर भाई सब कपल हैं कोई यहां पर सिंगल ही नहीं है तो अगर बेटा सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है यानी कोई अनपेयर्ड है ही नहीं सब सब कपल है कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ऐसे मॉलिक्यूल को <clears throat> या ऐसे आयन को हम क्या बुलाते हैं बेटा डाया मैग्नेटिक क्या बुलाते हैं डाया मैग्नेटिक इसके अलावा बेटा अगर बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ जाए अगर तो बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव है या जीरो है ठीक है तो उस केस में मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल एंड देआर फोर डज नॉट एग्जिस्ट ऐसे केस में बेटा फिर मॉलिक्यूल आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना स्टेबल ही नहीं होगा तो एग्जिस्ट लेते हैं जरा कि हमें कैसे याद रहेगा ऑर्डर ट्रिक भी नहीं कहूंगी मैं ये तो शॉर्टकट कह रही हूं अब वो पहाड़ जैसा डायग्राम ऑब्जेक्टिव पेपर में तो भाई हम पर इतना टाइम नहीं है कि हम वो पहाड़ जैसा टेबल हर बार बनाएंगे कि तो कहाँ टाइम है यार हमें सवाल में मुश्किल से आ, आधा मिनट भी नहीं लगाना है इन ऑर्गेनिक के आधा भी मैं वैसे ज्यादा बोल रही हूँ तो ऐसी केस में बेटा अगर मैं डायग्राम ही बनाने लग गई तो मेरा तो आधा टाइम वही निकल जाएगा पेपर के अंदर तो यहाँ पर देखिये जरा अगर आपके पास मोर देन फोर्टीन इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम था तो एनर्जी का ऑर्डर क्या आता है बेटा सबसे एनर्जी में लोअर डाउन होता है सिग्मा वन एस ऑर्बिटल फिर सिग्मा स्टार वन एस फिर सिग्मा टू एस फिर सिग्मा स्टार टू एस फिर होता है बेटा सिग्मा टू पी बाय पाई टू पी एक्स जिसकी एनर्जी बराबर होती है पाई टू पी वाई के इससे ज्यादा एनर्जी होती है pi*star 2px और pi*star 2px की एनर्जी बराबर होती है pi*star 2py के और सबसे ज्यादा एनर्जी होती है बेटा sigma*star 2pz के ठीक है ये एनर्जी का ऑर्डर है ठीक है दिस इज द ऑर्डर फॉर एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ठीक है चलिए less than equals to 14 इलेक्ट्रॉन्स का जो केस होता है मॉलिक्यूल्स का या आयंस का उसमें सारी चीजें सेम है बस थोड़ा सा फर्क आ जाएगा बेटा बस थोड़ा सा बहुत ही सिग्मा वन एस सिग्मा स्टार वन एस सिग्मा टू एस सिग्मा स्टार टू एस यहां तक सारी कहानी सेम है इन दोनों की अल्टा पलटी कर दो यानी पाई टू पी एक्स पहले आ जाता है इज इक्वल टू पाई टू पी वाई से ज्यादा एनर्जी हो जाएगी आपकी बेटा सिग्मा टू पी जेड की फिर आ जाएगा आपका पाई स्टार टू पी एक्स जिसकी एनर्जी बराबर है पाई स्टार टू पी वाई की और सबसे ज्यादा एनर्जी में था सिग्मा स्टार टू पी जेड सब कुछ सेम है बस इन दोनों की अल्टा पल्टी हमेशा एक ऑर्डर याद रख लो मुझे हमेशा मोर देन फोर्टीन का याद रहता है कि मोर देन फोर्टीन के अंदर सिग्मा टू पी सेट पहले आएगा पाई टू पी एक्स टू पी वाई बाद में आता है तो जो इक्वल्स टू लेकूर्टीन है उसमें उल्टा कर देंगे पाई टूपी एक्स टूपी वाई पहले लिख देंगे, बाद में लिख देंगे देंगे सिग्मा सेट बाद में एक एक कोई भी एक याद कर लो ठीक है चलो अब जरा इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग देखते हैं फिलिंग कैसे करेंगे बेटा यहां पर और फिर बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे <coughs> चलो तो मैं आपको कराती हूं ओटू मॉलिक्यूल के लिए अब O2 मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन्स एक ऑक्सीजन में आठ दो में सोलह इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए सोलह इलेक्ट्रॉन्स हो गए अब क्योंकि O2 की ही तो कहानी थी O2 पैरा मैग्नेटिक आ कैसे रहा है यही तो कहानी हमको समझना है तो जरा ऑर्डर लिख लेते हैं मोर देन फोर्टीन के लिए क्या था ऑर्डर बेटा मोर देन फोर्टीन के लिए ये वाला ऑर्डर था यानी सिग्मा वन एस सिग्मा स्टार वन एस अभी इलेक्ट्रॉन नहीं भरा है मैंने सिर्फ एनर्जी का ऑर्डर लिख रही हूं मोलिकुलर ऑर्बिटल का सिग्मा स्टार एस। सिग्मा स्टार फिर आ जाएगा पाई टू पी एक्स, जिसकी एनर्जी बराबर हो जाएगी पाई टू पी वाई के ठीक है उसके बाद का भी आएगा देखते हैं यूज होगा या नहीं बेटा सोलह इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं हमें है ना मैं आपको डायग्राम में भी भर के दिखाऊंगी पहले डायग्राम में भर के दिखाऊंगी ये मोर देन फोर्टीन है सोलह इलेक्ट्रॉन भरने हैं पहला दूसरा लोअर में पेयरिंग हो गई तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवा आठवा नाइन्थ टेंथ है ना दो दो चार दो छह दो आठ दो दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह पहले सिंगली ऑक्यूपाई होगा अब क्योंकि O2 मॉलिक्यूल के अंदर बेटा ये दो इलेक्ट्रॉन सिंगल हैं अनपेयर्ड है, है इसीलिए हम बोलते हैं O2 मॉलिक्यूल कैसा होता है पैरा मैग्नेटिक होता है एक ऑर्बिटल में दो इधर दो इधर दो इधर दो इधर दो यहाँ दो ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है तो बेटा पहले सिंगल ही ऑक्यूपाई होगा फिर पेयरिंग शुरू होगी यहां पे भी पहले सिंगल ही ऑक्यूपाई होगा फिर पेयरिंग शुरू होगी और लोअर से हाईर में फिल करते जाना है तो अब जरा शॉर्टकट में देखो कैसे बनेंगे शॉर्टकट में देखो यार सिग्मा वन में दो 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 और दो आठ हो गए सिग्मा टू पीड में भी बेटा दो ही आएंगे ठीक है, एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन आएंगे दो दुछ दो चार दो छह दो आठ दो दस यहां पे पहले एक फिर एक फिर मतलब ऐसे और ऐसे आएगा ठीक है दोबारा देखो यहां तक दस आ गए थे इधर ग्यारवा बारवा थर्टीन फोर्टीन ऐसे आएगा तो पाई टू पी एक्स में बेटा दो इलेक्ट्रॉन पाई टू पी वाई में दो इलेक्ट्रॉन इधर अभी पाई स्टार की भी जरूरत पड़ रही है तो पाई स्टार टू पी एक्स जिसके एनर्जी बराबर थी पाई स्टार टू पी वाई तो अब यहां तक बेटा फोर्टीन इलेक्ट्रॉन भर गए दो दो चार दो छह दो आठ दो दस दो बारह दो चौदह पंद्रहवा इलेक्ट्रॉन इधर आएगा सोलवा इलेक्ट्रॉन इधर आएगा अनपेयर जो थे जो आपको फिलिंग के टाइम मैंने दिखाए थे क्योंकि यहां पर बेटा आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है 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 आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ये सिंगल पेयर नहीं है कपल नहीं है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से हम बोलते हैं कि O2 मॉलिक्यूल कैसा होता है बेटा पैरा मैग्नेटिक होता है कैसा होता है पैरा मैग्नेटिक होता है बात क्लियर जल्दी बता दो यार है ना इट इज गोइंग टू बी पैरा मैग्नेटिक इन नेचर चलिए बॉन्ड ऑर्डर देखो बेटा बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर किसके बराबर था हाफ ऑफ एन बी माइनस एन ए हाफ ऑफ एन बी माइनस एन ए यानी कि हाफ ऑफ Bonding में इलेक्ट्रॉन्स गिनो बेटा बॉन्डिंग में कितने हैं स्टार वाले होते हैं पहले बॉन्डिंग में गिनेंगे दो दो चार दो दो आठ दो दस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं दस एंटी बॉन्डिंग में दो दो चार पांच और छे चार बाई दो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा दो कितना आ जाएगा बेटा बॉन्ड ऑर्डर टू बात क्लियर है जल्दी बता दे क्लियर दिस चलो यहीं पे मान लो बेटा ओ टू प्लस पूछ लेता ओ टू प्लस अब ओ टू प्लस में क्या होगा ओ टू में सोलह इलेक्ट्रॉन थे इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा फिफ्टीन इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके अंदर सारी कहानी सेम रहेगी बस थोड़ा सा फर्क आएगा देखना ध्यान से ध्यान से समझना हाफ ऑफ अब बेटा जब पंद्रह इलेक्ट्रॉन भरोगे सिस्टम में कैसे आएंगे दो दो चार दो छ दो आठ दो दस दो बारह दो चौदह ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो ना O2 में से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा तो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन बेटा कम हो गया मैं वापस अभी लिख दूंगी क्योंकि मैंने ओटू का भरा था एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा जल्दी बोलो भाई ओ टू प्लस में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया पंद्रह इलेक्ट्रॉन थे अब बेटा यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा बॉन्डिंग में दो दो चार दो छ दो आठ दो दस पर एंटी बॉन्डिंग में दो दो चार और एक पांच पांच इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एक अनपेयर भी होगा एक अनपेयर होने की वजह से अब सारी बातें लिख लेते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर यहां पर कितना आ जाएगा बेटा हाफ ऑफ बॉन्डिंग में दस पर ओ टू प्लस में क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो एंटी बॉन्डिंग में छह की बजाय अब कितने हो जाएंगे पांच इलेक्ट्रॉन्स दस में से पांच गया पांच बाय दो बॉन्ड ऑर्डर यहां पर कितना आ जाएगा बेटा टू पॉइंट फाइव है ना बॉन्ड ऑर्डर जहां पर ज्यादा होता है बॉन्ड वहां पर कम होती है ठीक है ठीक है ये बात ये लिख देते हैं हम अभी लिख देते हैं और ओटू प्लस भी कैसा होगा बेटा पैरा मैग्नेटिक क्योंकि जब एक एक ये एक इलेक्ट्रॉन जाएगा अगर आपके पास एक अनपेयर है तो मॉलिक्यूल या आयन पैरा मैग्नेटिक होगा जब सारे के सारे पेयर होते हैं तब डाया मैग्नेटिक होता है ठीक है और एग्जाम्पल कर रहे हैं कर रहे हैं चलो तो ये रिश्ता याद रखें बेटा बॉन्ड ऑर्डर प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ बेटा बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रोंग होगा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है और बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी वो ज्यादा होती है यहां तक क्लियर है अब मैं एन टू का एग्जाम्पल कराती हूँ आपको चलिए सो एन टू के अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन होते हैं एक नाइट्रोजन में सात दो में 14। तो ये आपका कौन सा वाला सिस्टम हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू फोर्टीन सिग्मा वन है टू सिग्मा एस सिग्मा अब यहाँ पे टू पी जेड बाद में आएगा बेटा लेस देन इक्वल्स टू फोर्टीन में पाई टू पी एक्स, पाई टू पी पहले आता है, फिर आता है आपका सिग्मा टू पी जेड बाकी ऑर्डर सेम रहता है, बाकी सारा ऑर्डर सेम रहता है जो भी आगे होगा ठीक है मैंने वो लिखा नहीं है सिग्मा स्टार टू पी जेड जरूरत नहीं पड़ेगा चलिए हमें 14 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं तो पहले डायग्राम में भर के दिखाती हूँ तुमको ये less than equals to 14 था नाइट्रोजन के लिए भर रहे हैं चौदह इलेक्ट्रॉन है बेटा पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा छा सब पेयर ही दिख रहे हैं ना भाई कोई सिंगल तो नहीं दिख रहा कोई और ब्राइट कलर दिखाऊं क्या विजिबल का मैं तो ब्राइट कलर ले, ले लेते हैं कोई सा पिंक ले, ले लेते हैं पहला दूसरा दिख रहा है तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवा आठवा नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन इलेक्ट्रॉन्स भर जाएंगे सब बेटा पेयर है सब कपल है N2 मोलिक्यूल कैसा होगा आपका डाया मैग्नेटिक होगा तो अब यहां पर इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं टू 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 दो दो चार दो छ दो आठ नौ दस ग्यारह बारह यानी दो और दो और फोर्टीन बस हो गया वहां तक की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी बॉन्ड ऑर्डर देखो बेटा बॉन्ड ऑर्डर हाफ ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स हाफ ऑफ बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है दो दो चार दो छे दो आठ दो दस बॉन्डिंग में दो और दो चार ही है दस में से चार गया छे बाय दो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा बेटा थ्री आ जाएगा और क्योंकि एन टू में कोई भी इलेक्ट्रॉन सिंगल नहीं है सारे के सारे पेयर है तो बेटा एन टू मॉलिक्यूल कैसा होता है आपका डाया मैग्नेटिक कैसा होता है डाया मैग्नेटिक बात क्लियर है बात क्लियर है क्या कहते हो ट्रिक हो जाए एक और बॉन्ड so ऑर्डर निकालने की बेटा एक ट्रिक करा रही हूं बहुत प्यारी सी ट्रिक है वेरी इंटरेस्टिंग ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ठीक है ट्वेंटी इलेक्ट्रॉन्स 19 एटीन 18 इलेक्ट्रॉन्स 17 सिक्सटीन 16 इलेक्ट्रॉन्स थर्टीन इलेक्ट्रॉन्स ट्वेल्व इलेक्ट्रॉन्स ठीक है ऐसे मॉलिक्यूल्स या आयंस जिनमें इन नंबर का अगर इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर देखें जरा बेटा आप देखो यहां से ऐसे याद कर लो फोर्टीन वाले के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है थ्री इसको मैं अपना सेंटर मार्क कर रही हूं कि इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर थ्री होता है N2 टू के रिस्पेक्ट में है ना अब बेटा यहां से राइट में जाओगे बॉन्ड ऑर्डर पॉइंट फाइव कम करते जाओ यानी तीन से फिफ्टीन वाले के लिए टू पॉइंट फाइव जहां सोलह इलेक्ट्रॉन्स होंगे पॉइंट फाइव और कम कर दो वन पॉइंट फाइव वन जीरो पॉइंट फाइव जीरो यानी ट्वेंटी इलेक्ट्रॉन जहां पर होंगे वहां पर बॉन्ड ऑर्डर जीरो होगा जैसे नियॉन टू ऐसे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं जहां बॉन्ड ऑर्डर जीरो होता है ठीक है और बेटा बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल में हो सकता है डेसिमल में हो सकता है लेफ्ट में भी पॉइंट फाइव कम करते जाओ यानी टू पॉइंट फाइव टू इलेवन वाले के लिए वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट फाइव जीरो ठीक है सो दिस इज द ट्रिक टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर के लिए बेटा नंबर लाइन के थ्रू याद रखना ठीक है है सो ये आपके उन मॉलिक्यूल्स या आयंस के लिए विच हैव फोर्टीन सो दिस ट्रिक इज फॉर दोज मॉलिक्यूल्स और आय विच इलेक्ट्रॉन्स ठीक है शुरू वालों के लिए हम निकाल लेते हैं वन इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन थ्री इलेक्ट्रॉन फोर इलेक्ट्रॉन के लिए वहां पर फिलिंग इतनी नहीं होती है आगे वालों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है ठीक है जहां फोर्टीन इलेक्ट्रॉन से बेटा वो डाया मैग्नेटिक होता है ठीक है फिफ्टीन वाले की अगर मैं बात करूं तो ये पैरा होता है सिक्सटीन वाला भी पैरा होता है सत्रह वाला भी पैरा होता है एटीन वाला डाया होता है ठीक है तो फोर्टीन इलेक्ट्रॉन वाला जो सिस्टम है वो डाया मैग्नेटिक है ये पैरा ये पैरा ये पैरा एटीन वाला आपके लिए कैसा होता है डाया होता है ठीक है चलिए ठीक है यहां तक बढ़िया है ट्रिक एकदम मजे आ रहे हैं पैरा डाया के लिए ना आज कोई ट्रिक नहीं है मैंने अभी बता दिया है तुमको यहाँ पे पैरा डाया के लिए तो बेटा डायग्राम बनाना पड़ जाता है या डायग्राम की वो फीलिंग जो है वो मन में या दिमाग में सोचनी पड़ती है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा इस तरह से इसके अलावा बेटा ये छोटी सी एक बात याद रखना कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स निकालू कार्बन पे ऑक्सीजन पर आठ फोर्टीन हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर थ्री होता है ये बात क्लियर है है ना पर ये एक छोटी सी एक्सेप्शन की तरह समझ लो कि जो बेटा सीओ प्लस है CO प्लस अब CO प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे चौदह में से एक कम कर दूं, थर्टीन इलेक्ट्रॉन्स हैं। कहोगे मैम थर्टीन इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर टू पॉइंट फाइव होना चाहिए पर बेटा इसका बॉन्ड ऑर्डर टू पॉइंट फाइव नहीं होता थ्री पॉइंट फाइव होता है ये एक एक्सेप्शन है इसको ध्यान रखना है क्योंकि इसका जो एनर्जी लेवल डायग्राम होता है वो अलग होता है इट इज अ लिटिल डिफरेंट तो वो डायग्राम नहीं करा रही क्योंकि वो काम का नहीं है बट आप ये याद रखना कि सीओ प्लस का बॉन्ड ऑर्डर थ्री पॉइंट फाइव होता है दिस इज एन एक्सेप्शन ठीक है चलिए चलो एक और मीम टॉपिक तो खत्म हो गया हाइड्रोजन कहता है हीलियम को वांट टू हियर अ जोक हीलियम कहता है श्योर sure. हाइड्रोजन कहता है केमिकल बॉन्ड्स कहता है आई डोंट गेट इट हाइड्रोजन कहता है एग्जैक्टली exactly. समझ आया ना क्यों हीलियम को बेटा क्यों समझ नहीं आएगा क्योंकि हीलियम केमिकल बॉन्ड्स बनाता ही नहीं है नोबल गैस है समझ आ गई जोक समझ आया <laughs> चलो इसी के साथ बेटा वी आर मूविंग टू द लास्ट टॉपिक इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग छोटा सा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली क्या होता है जब हाइड्रोजन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और वो भी ये तीन ही होते हैं फोन फ्लोरिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हो और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है बेटा उसका साइज छोटा होना चाहिए तब हम कहते हैं कि एच बॉन्डिंग हो रही है ठीक है एच बॉन्डिंग दो तरह की होती है इट इज ऑफ टू टाइप्स पहली होती है बेटा आपकी इंटर मॉलिक्युलर एच बॉन्डिंग और दूसरी होती है इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग ठीक है इंटर मॉलिक्यूलर नाम से समझ आ रहा है बेटा इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होती है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स वो सेम भी हो सकते हैं अलग अलग भी हो सकते हैं इंटरामोलिक्यूलर क्या होती है बेटा विद इन द मॉलिक्यूल होती है विद इन द मॉलिक्यूल है ना जब मॉलिक्यूल के विदिन में ही क्या हो जाए आपकी बॉन्डिंग हो जाए एच बॉन्डिंग हो जाए एग्जाम्पल देखो जरा तो इसी को मैं आगे बढ़ाती हुई चल रही हूं इंटर मोलिकुलर एच बॉन्डिंग का एग्जाम्पल देखो इंटर में चल रहे हैं हम अभी इंटर में ठीक है एच एफ ऐसे ही समझ लो चलो तो यहां पे बेटा हाइड्रोजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव ऐसे ही फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव अब होता क्या है एक मॉलिक्यूल का जो फ्लोरीन है वो दूसरे मॉलिक्यूल एच एफ के हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर सकता है क्योंकि इस पर पार्शियल नेगेटिव है इस पर पार्शियल पॉजिटिव है तो यहां पर बेटा इन दोनों के बीच में एक नया इंटरक्शन डेवलप हो जाता है इसको हम डाइपोल डाइपोल इंटरक्शन भी बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरक्शन इसके अलावा इसी को हम एच बॉन्डिंग भी बुला रहे हैं कि दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन ऑफ अनादर मोलिक्यूलोर को आपका कोवेलेंट बॉन्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड बट ये जो मैंने डॉटेड से दिखाया है ये कौन सा बॉन्ड है बेटा आपका एच बॉन्ड ऐसे ये फ्लोरिन इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर लेगा ये फ्लोरिन आगे किसी हाइड्रोजन को हाइड्रोजन किसी और फ्लोरिन से अट्रैक्ट हो रहा होगा अब क्योंकि यह बॉन्डिंग बेटा बिटवीन द मॉलिक्यूल्स हो रही है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स हो रही है इसको क्या बुलाते हैं इंटर मॉलिक्यूलर बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ठीक है एक और एग्जांपल देखो <coughs> में ले ले अमोनिया में ले लेते हैं बेटा अमोनिया में पार्शियल नेगेटिव हाइड्रोजन पर पॉजिटिव नाइट्रोजन पर नेगेटिव हाइड्रोजन पर पॉजिटिव नाइट्रोजन पर नेगेटिव हाइड्रोजन पर पॉजिटिव अब यहां पर क्या होता है ये जो हाइड्रोजन है बेटा ये दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन से अट्रैक्ट हो जाएगा डाइपोल डाइपोल इंटरक्शन ये पार्शियल पॉजिटिव इस पार्शियल नेगेटिव से अट्रैक्ट हो जाएगा ये नाइट्रोजन फर्दर कहीं ये चल रही होगी अट्रैक्शन कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहा होगा ठीक है तो ये वाली जो बॉन्डिंग है बेटा जो अमोनिया 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 के मॉलिक्यूल्स में आ रही है दैट इज योर एच बॉन्डिंग और वो भी कौन सी वाली हो रही है ये इंटर मॉलिक्यूलर एक और एग्जाम्पल देखो ये हो गया आपका इथेनॉल और ये हो गया बेटा वॉटर ठीक है और वाटर अब क्या होता है बेटा इथेनॉल में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव होगा वाटर में ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव होगा इन पर पॉजिटिव होगा तो यहां पर क्या हो रहा है वाटर की ऑक्सीजन इथेनॉल की हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर लेगी और इन दोनों के बीच में जो डॉटेड लाइन से मैंने बॉन्ड शो करा है ये कैसा बॉन्ड है बेटा एच बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और अब क्योंकि मॉलिक्यूल्स वाटर और ये है इथेनॉल के हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं तो एच बॉन्डिंग हो तो बिटवीन द मॉलिक्यूल सीरिया मॉलिक्यूल सेम भी हो सकता है अलग भी हो सकता है यहाँ पर बेटा मॉलिक्यूल अलग अलग है इथेनॉल एंड वाटर इथेनॉल एंड वाटर इथेनॉल एंड वाटर ठीक है इथेनॉल पानी में डिजोल्व इसीलिए करता है क्योंकि वहां पर क्या होती है इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होती है तो इंटर मोलिकुलर एच बॉन्डिंग में क्या होता है बेटा मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं जुड़ते जाते हैं जुड़ते जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है डेंसिटी बढ़ जाती है सब्सटेंस की सोल्यूबिलिटी बढ़ जाती है पानी के अंदर अब इंट्रा का एग्जाम्पल देखो ये हम इंट्रा का एग्जाम्पल कर रहे हैं ठीक है वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रा इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग इज ऑर्थो नाइट्रोफिन चलिए पर क्या होता है बेटा फिनॉल की जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज जा आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव नाइट्रो ग्रुप में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस पर पार्शियल नेगेटिव अब विद इन द मॉलिक्यूल हो जाता है तो यहां पर क्या होता है इसका ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है और यहां पर क्या हो जाती है बेटा एच बॉन्डिंग हो जाती है अब यहां पर किसी और मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं पड़ी और तो नाइट्रोफिनॉल के विद इन द मॉलिक्यूल एच बॉन्डिंग हो जाती है और इस तरह की इस तरह की एच बॉन्डिंग को क्या बुलाते हैं बेटा से से आप देखो यहां पे cyclization हो रहा है बेटा आपको एक इस तरह से रिंग बनता हुआ दिख रहा है सबको है ना तो यहां पर रिंग का फॉर्मेशन होता है साइक्लाइजेशन हो जाता है ठीक है तो इंट्रा से फिजिकल प्रॉपर्टीज में आज सच बहुत फर्क नहीं पड़ता पर इंटर में पड़ता है क्योंकि इंटर में मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ रहे, है। HF, HF, HF जुड़ रहे है। पानी 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 जुड़ रहा है।, है।, है तो वहां पर फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती है यहां पर नहीं बदलती हैं ठीक है तो जैसे अगर हम बात करें कि क्या क्या इफेक्ट आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का व्हाट आर इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बात करते हैं इस पर तुम सोच रहे कि मैम इतना घड़ी क्यों देख रही है तो इसीलिए देख रही हूँ बेटा मेरी एक और क्लास है है ना इसीलिए तो मुझे बस हो रहा है कि टाइम से खत्म हो जाए ताकि नेक्स्ट क्लास से पहले थोड़ा बफर मिल जाए चलो हाइड्रोजन मॉर्निंग का इफेक्ट बट ऐसा नहीं है कि मैं भगा के करा रही हूँ है ना मैं तब भी बहुत आराम से ही पढ़ा रही हूँ वो क्लास अगर थोड़ी लेट हो भी गई कोई बात नहीं देख लेंगे है ना तुम्हारे लिए तो कुछ भी सो so, बेटा पहला एग्जाम्पल करते हैं इफेक्ट ऑफ एच बॉन्डिंग में एग्जाम्पल देती हूँ आपको ग्रुप सिक्सटीन का तो ग्रुप सिक्सटीन में देखा गया ये हाइड्राइड थी एच टू ओ एच टू एस एच टू एस सी एच टू टी ई और देखा गया कि भाई एच टू ओ तो जो है ना वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है पानी पर एच टू एस बेटा गैस है जबकि एच टू एस का मॉलिकुलर मास ज्यादा है थर्टी फोर यू पानी का 18 यू है फिर भी हाइड्रोजन सल्फाइड एक गैस है और वाटर एक लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर तो वो इसीलिए होता है बिटा, क्योंकि वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट होती है इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग जो एच टू एस के अंदर नहीं होती इसके अलावा देखा भी गया कि ग्रुप 16 की हाइड्राइट्स का जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर था है ना? मैं अगर यहाँ पर एच टू पीओ भी ले लू ठीक है तो सबसे कम था एच टू एस का फिर था एच टू एस सी फिर एच टू फिर एच टू और सबसे ज्यादा था बेटा बॉइलिंग पॉइंट वॉटर का ग्रुप सिक्सटीन की हाइड्राइड्स में ग्रुप सिक्सटीन की हाइड्राइड्स में तो फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा इथेनॉल पानी में सॉल्यूबल होता है हर प्रपोशन में ठीक है आपके ग्लूकोज हो गया सुक्रोज हो गया ये सब भी पानी के अंदर सॉल्यूबल है अब चीनी ग्लूकोज इथेनॉल ये सब पानी के अंदर क्यों सॉल्यूबल हो रहे हैं बिकॉज ये पानी के साथ क्या बनाते हैं बेटा दे फॉर्म इंटर मोलिकुलर एच बॉन्डिंग क्या बनाते हैं बेटा इंटर मोलिकुलर एच बॉन्डिंग चलो कुछ और भी चीजें देखी गई देखा गया कि जो ऑर्थो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल था जिसमें कौन सी बॉन्डिंग हो रही थी बेटा इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग है ना तो यहां पर इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होती है पर जो पैराइट्रोफिनॉल है पैरा नाइट्रोफिनॉल उसमें देखा गया कि उसमें इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होती थी अब अगर ऑर्थो वाले में इंटर आती तो बेटा वहां पर साइक्लाइजेशन ही हो रहा था फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ फर्क नहीं पड़ता पर जो पैरा नाइट्रोफिनॉल होता है उसमें क्या होता था कि इंटर मोलिकुलर एच बॉन्डिंग होती थी तो पैरा वाले जो कंपाउंड थे या मोलिक्यूल थे वो एक दूसरे से जुड़ जाते थे एक दूसरे से जुड़ने की वजह से क्या होता था पैरा नाइट्रोफिनॉल वाले का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता था बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करने की वजह से ये वेपर में आसानी से नहीं बदलता था और हम कहते हैं बेटा जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है दैट इज स्टीम वॉलटाइल यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है इट हैज लो बॉइलिंग पॉइंट एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट वेपर में ये जल्दी बदल जाता है ये बाद में बदलता है यानी अगर कोई मिक्सचर में ऑर्थो और नाइट्रो मतलब ऑर्थो तो नाइट्रो और पैरा नाइट्रो दोनों प्रेजेंट है तो आप कैसे सेपरेट करोगे तो यू कैन सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन जब डिस्टिलेशन करेंगे हीट करेंगे मिक्सचर को पहले वेपर में ऑर्थो वाला मिलता है और आप उसको कूल करके कलेक्ट कर लो पैरा वाला बेटा बाद में आता है क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एक का बॉइलिंग पॉइंट अगर मान लो तीस और एक का पचास है तीस वाला पहले वेपर में उड़ेगा ना तो इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है ये स्टीम वॉलेटाइल होता है ठीक है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बहुत इफेक्ट आता है बहुत चीजों में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा होगा आइस जो होती है वो पानी से कम डेंस होती है आइस इज लेस डेंस देर आइस फ्लोट ऑन वाटर आइस बेटा पानी पर क्यों फ्लोट करती है क्योंकि आइस के अंदर एच बॉन्डिंग होती है केच की तरह स्ट्रक्चर होता है है ना तो ये सारे जो फिनोमिना आ रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया पानी में सोल्यूबिलिटी हो गई जबकि कंपाउंड को सोल्यूबल होना चाहिए नहीं था फिर भी हो रहा है तो कुछ स्पेशल हो रहा होगा ठीक है चलिए सो so, इसी के साथ एच बॉन्डिंग वाला टॉपिक इज खत्म है ना सो विल स्टार्ट दी सो विल स्टार्ट डिस्कसिंग दी नीट पी वाई क्यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर तो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस चैप्टर के डिस्कस करना देखते हैं आप लोग कितने क्वेश्चंस का सही जवाब देते हो चलिए पहला क्वेश्चन है जो इसी साल के पेपर में आया था 2023 में कि इनमें से कौन से कंपाउंड के अंदर कौन से मॉलिक्यूल में यू विल मैक्सिमम लोन पेयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन अब उसके लिए बेटा यहाँ पर मुझे सब में लोन पेयर निकालने पड़ेंगे ठीक है चलिए एक्जी निकालते हैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा यहां पर हो जाएगा 8 और 14. 22. 8 से डिवाइड दो बॉन्ड और तीन लोन पेयर ठीक है सी एल एफ थ्री में होगा सेवन फोर जार ट्वेंटी एट आठ से डिवाइड करेंगे एट थ्री झार ट्वेंटी फोर तीन बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर है ना यानी से डिवाइड करेंगे पांच बॉन्ड पे और एक लोन पे एस एफ फोर में टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा सल्फर में फ्लोरीन में सात चार अट्ठाईस है ना सेवन फोर ज ट्वेंटी एट प्लस छ थर्टी फोर आठ से डिवाइड करूंगी एट फोर जो थर्टी टू चार बॉन्ड पे और एक लोन पे पेयर जी भाइयों और बहनों जल्दी बताओ सबसे ज्यादा जहां पे बेटा लोन पेयर होंगे वहां पे लोन पेयर लोन पर रिपल्शन भी ज्यादा होगा सबसे ज्यादा लोन पेयर यहां पर है तीन लोन पेयर तो जहां पर लोन पेयर सबसे ज्यादा होगा रिपल्शन वहां सबसे तगड़ा होगा एकदम तहलका मचा रहा होगा तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा एक्स एफ टू बात क्लियर है बात क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है गलत बतानी है भाई गलत O2 टू प्लस आई एन डाया मैग्नेटिक बेटा ये सही स्टेटमेंट है ये मैंने अभी आपको पीछे भी कराया था है ना O2 प्लस ये रहा। अच्छा सॉरी 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 पैरा मैग्नेटिक है पैरा मैग्नेटिक है हमें तो इनकरेक्ट बतानी है ना हाँ मतलब यही सही हो गया ना यही स्टेटमेंट मतलब ये गलत है ओ टू प्लस आयन कैसा होता है बेटा पैरा मैग्नेटिक ओ टू भी पैरा मैग्नेटिक ओ टू प्लस भी पैरा मैग्नेटिक होता है ठीक है जो अब अगर मैं यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर की बात नेक्स्ट चलो बाकी भी सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट में कह रहा है कि ओ टू प्लस ओ टू ओ टू माइनस और ओ टू टू माइनस का बॉन्ड ऑर्डर बताना है तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स देख लेते हैं ओ टू में कितने होते हैं सोलह यहां सत्रह यहां अठारह और ओ टू प्लस में होंगे पंद्रह याद करो बेटा 14 इलेक्ट्रॉन्स वाले में बॉन्ड ऑर्डर होता था 3 2. Point, मतलब 0.5 अब कम होता जाएगा यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5 2.5 और कम कर दो 0.5 और कम कर दो तो 2.5 2 1.5 1. 1 ये वाली स्टेटमेंट सही थी ठीक है नेक्स्ट कह रहा है बेटा C2 मॉलिक्यूल हैज फोर इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स टू डिजेनरेट पाई मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स अब एक बार देखो जरा C2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बारह इलेक्ट्रॉन्स इसकी फिलिंग दिखा रही हूं मैं तुमको सिग्मा वन एस सिग्मा स्टार वन एस सिग्मा टू एस सिग्मा स्टार टू एस अब बेटा ध्यान दो लेस देन इक्वल्स टू फोर्टीन है तो पाई वाला पहले आएगा पाई टू पी एक्स जिसकी एनर्जी बराबर होगी पाई टू पी वाई के फिर आएगा आपका सिग्मा टू पी जेड। बारह इलेक्ट्रॉन भरने हैं दो दो चार दो छ दो आठ नौ दस ग्यारह बारह तो ठीक तो कह रहे कह रहे सी टू मॉलिक्यूल में चार इलेक्ट्रॉन पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है। ये बात ठीक है पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो और दो चार इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं तो ये वाली स्टेटमेंट भी बेटा सही है और एच टू प्लस आयन हैजन इलेक्ट्रॉन ये भी ठीक है ना एच टू में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं एच टू प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन होगा एक इलेक्ट्रॉन ये भी सही है सिर्फ पहली स्टेटमेंट गलत थी कि ओ टू प्लस आयन इज डाया मैग्नेटिक दैट इज रॉन्ग ओ टू प्लस आयन कैसा होता है बेटा आपका पैरा मैग्नेटिक ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें फटाफट से <coughs> कह BF3 बी एफ थ्री एक प्लेनर और इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट कंपाउंड है हाइब्रिडाइजेशन बतानी है तो बेटा पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लो बोरॉन पे तीन फ्लोरीन पे सातिया इक्कीस चौबीस 8 से डिवाइड कर दो 8 24, 3 24 तीन बॉन्ड पेयर ही आएंगे लोन पेयर नहीं आएगा यानी स्टेरिक नंबर कितना आ गया बेटा 3 हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2 क्या हो जाएगा बेटा sp2 और sp2 में क्योंकि लोन पेयर है नहीं तो ज्योमेट्री एंड शेप इसका दोनों सेम रहेगा दैट इज गोइंग टू बी ट्राइगोनल प्लेनर और ये कुछ ऐसा बनेगा चलो अब बोरॉन के खुद के तीन इलेक्ट्रॉन्स बेटा तीन फ्लोरीन से मिलेंगे शेयरिंग के बाद भी छह ही होते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशियन कंपाउंड होता है तो उसने आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछी है एसपी थ्री वाले तो पहले ही काट दो sp2 sp2 टू एसपी टू बोरॉन के पास शेयरिंग के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सेंट्रल एटम Is One, two, three, four, five, Clear है? और हाइब्रोडाइजेशन एस पी टू जो ट्राइगोनल प्लेनर शेप ट्राइगोनल प्लेनर चलिए अब यहां पर हमें मैच करना है शेप से ठीक है अब मुझे इतना तो पता है कि पीसीएल बायपेरामिडल होता है इतना तो अब तुम्हें याद ही हो चुका होगा इतनी बार कर लिया है ट्राइगोनल बाई होता है चाहो तो निकाल लेना sf6 बेटा ऑक्टाहेड्रल होता है ये भी हमें पता है ठीक है अरे अरे यार ऑप्शन कुछ गलत टाइप हो रखे हैं कोई नहीं यार मैच कर लेते हैं ना ये ऑप्शन या ऑप्शन रुक जाओ मैं लिखती हूं आई <coughs> होप मेरे पास फोटो होगी कोई नहीं आप सॉल्व करो तब तक है आई एल राइट द कोई बात नहीं ना उन्होंने टाइप करा होगा हो, हो सकता है उनसे गलती हो गई हो दैट इज ओके ए का मैं ऑप्शन लिख रही हूं बेटा आप तब तक सॉल्व करें जल्दी बोलो यार तुमने मैच कर लिया नहीं करा चलिए अब यहां पर बेटा अगर मैं देखूं तो मेरे पास ए के लिए फोर्थ आ रहा है ऐसे दो ऑप्शन है तो ए और बी तो मैं पहले ही काट दूंगी अपना आंसर मैच द तो में तो मैं हमेशा एलिमिनेशन मेथड बोलती हूं खुद भी वही करती हूं कि एलिमिनेट योर ऑप्शन चलो उसके बाद बी के लिए फोर्थ अगेन बी के लिए फोर्थ अच्छा ए का हमारा फोर्थ आ रहा है ऐसे दो ऑप्शन बी के लिए हमारा थर्ड आ रहा है ऐसे दोनों ऑप्शन में आए मतलब एक हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा ठीक है मैं और इजी तरीका लगाऊंगी बी एफ थ्री अभी करा है बी एफ थ्री बेटा कैसा होता है ट्राइगोनल प्लेनर ऐसा तो अब नहीं होगा डी का सेकेंड एक ही ऑप्शन है ये वाला आंसर होगा सो लेट्स यूज आर स्मार्टनेस ठीक है ए का फोर्थ बी का थर्ड डी का तो बट ऑब्वियस का ही होगा ठीक है मेहनत करके सबका निकालेंगे कैलकुलेट करेंगे भाई बहुत लग जाएगा चलो कह रहे हैं से कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है बेटा देखो हर साल नीट के अंदर इस चैप्टर से एक क्वेश्चन तो होता ही है एक से ज्यादा भी होते हैं सो प्लीज मेक श्योर कि आप इसके क्वेश्चंस आपको बहुत पीवा मिलेंगे मैं तो जितने करा पा रही हूँ उतने करा रही हूँ बट प्लीज आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना ये चैप्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है फॉर नीट ठीक है चलिए इज बेसिकली डबल बॉन्ड एस बी सी एल फाइव बेटा आपका ग्रुप फिफ्टीन के खानदान में होता है नाइट्रोजन फॉस्फरस आर्सेनिक एंटीमनी ठीक है तो पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटीमनी पर सात पंजे पैंतीस और पांच चालीस पांच बॉन्ड पेयर आएंगे स्टेरिक नंबर पांच आएगा इट इज गोइंग टू हैव ट्राइगोनल एंड शेप बेटा कुछ इस तरह से था ऑर्ड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल था और POCl3 थ्री आपका कुछ इस तरह से होता है ठीक है यहां पे बेटा कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कहीं ना कहीं मतलब पुलारिटी आएगी वेक्टर आएगा ठीक है यहां पे भी बेटा नाइट्रोजन ऑक्सीजन इधर खींचेगी या इधर खींचेगी इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं तो नीचे की तरफ आ रहा होगा ठीक है यहां पर बेटा तीन क्लोरीन इधर खींच रही होंगी ऑक्सीजन ऊपर खींच रहा होगा पर कैंसिल नहीं होगा क्योंकि यहां पे तीन क्लोरीन का रिजल्टेंट आएगा न ऑक्सीजन का आएगा कुछ ना कुछ तो आएगा पर अगर तुम एस बी सी एल फाइव के अंदर ध्यान दो ना यार बहुत ध्यान से देखो तो बेटा इन दो क्लोरीन का रिजल्टेंट इधर इस क्लोरीन का रिजल्टेंट इधर मैं ऐसे दिखा देती हूं ये कैंसल हो जाएंगे इस तरह से ठीक है ना और बेटा यहां पर इस क्लोरीन का वेक्टर इस क्लोरीन के वेक्टर को कैंसिल कर देगा तो यहां पर क्या हो रहा है इनका रिजल्टेंट ग्रीन वालों का आपस में कैंसिल हो रहा है इन दोनों का ऑरेंज वाले ऊपर वालों का आपस में कैंसिल हो रहा है जिसकी वजह से बेटा SbCl5 का डाइपोल मोमेंट कितना आएगा जीरो आएगा ये कैसा मॉलिक्यूल होगा नॉन पोलर होगा ठीक है इन दो क्लोरीन का वेक्टर रिजल्टेंट इधर इन दो मतलब इस एस बी सी एल बॉन्ड का वेक्टर इधर जाएगा क्योंकि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन से मॉलिक्यूल्स का पेयर मतलब कौन से सेट में ऐसा पेयर दे रखा है, है अब देखो बेटा बी एफ थ्री में जीरो होता है ये हमने कर रखा है एच एफ में जीरो नहीं होगा यहाँ पर डायपोल मोमेंट की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी आंसर काट दो। गलत है। नाइट्रोजन फ्लोराइड बेटा यहाँ पे कुछ ना कुछ डायपोल आता था याद करो कुछ ना कुछ डायपोल जरूर होता था तो यहाँ पर इसका डायपोल जीरो नहीं होगा इसके अलावा बेटा वाटर में भी है ना यहाँ पे वाटर के अंदर भी कुछ ना कुछ तो डाइपोल होता ही है तो यहां पे भी पोलर है यानी यहां पर सबका डाइपोल जीरो नहीं होगा नेक्स्ट वाला देखते हैं बी एफ थ्री म्यू जीरो हमने कर रखा है बीई एफ टू कैंसल हो जाता था म्यू जीरो कार्बन डाइऑक्साइड μ जीरो नॉन पोलर होता था वन फोर डाइक्लोरो बेंसीन देखो बेटा वन पर और फोर पर इसका वेक्टर इसके वेक्टर को कैंसल कर देता है और रिजल्टेंट कितना आ जाता है जीरो यानी yani C वाले केस में आपके सारे मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर है जीरो डाइपोल मोमेंट है इवन लास्ट वाले में भी देख लो ना यार अमोनिया बेटा पोलर होता है कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर है पानी भी पोलर है अगर आपको कोई ऐसा एक मॉलिक्यूल भी दिख जाए जो पोलर है यानी वो ऑप्शन ही बेटा आइडेंटिफाई अ मोलिक्यूल विच नॉट एग्जिस्ट हमें भाई पता है कि 2 का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा एज पर एमओटी में दिखा भी देती हूं हीलियम टू के अंदर बेटा चार इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ पे फिलिंग होगी सिग्मा वन एस और फिर आएगा सिग्मा स्टार वन एस चार इलेक्ट्रॉन भरने दो इधर दो इधर बॉन्ड ऑर्डर होगा बेटा हाफ ऑफ एन बी माइनस एन यानी हाफ ऑफ बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में भी दो इलेक्ट्रॉन्स यानी बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना आ जाएगा जीरो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा वरना तुम कॉमन सेंस भी थोड़ी लगा सकते थे तो मैं इतनी मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी हीलियम जैसा कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता ठीक है नोबल गैस है उसका मॉलिक्यूल कहा हम तो हीलियम मोनोएटॉमिक होती है डायटॉमिक थोड़ा ना होती है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बेटा आइडेंटिफाई मतलब यू हैव टू टेल हाउ मेनी एसपी टू हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम्स आर दे एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग ठीक है तो स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते हैं सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच थ्री चलो मैं पहले पाई बॉन्ड गिन लेती हूँ पाई बॉन्ड गिनना आसान है पाई बॉन्ड होंगे एक दो तीन चार पांच पाई बॉन्ड्स होंगे ये दो आंसर तो नहीं होंगे स्मार्टनेस स्मार्टनेस दैट्स कॉल्ड चार पांच छ पाई बॉन्ड्स होंगे इतना हमने गिन लिया अब अगर बात करूं बेटा sp2 टू हाइब्रिडाइज कार्बन की तो बेंजीन की जो कार्बन होती है एंड इवन दिस कार्बन ऑल्सो एक दो तीन सिग्मा ये छे sp2 है ये वाली कार्बन sp है ये कार्बन एस पी है ठीक है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इस कार्बन का सिग्मा 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 पाए ये आपकी एस पी टू है ये एस पी है ये एस पी है ये एस पी थ्री है और ये सारी की सारी एस पी टू है गिन लो भाई कितनी एस पी टू आ रही है एक दो तीन चार पांच छ सात यह आंसर होगा सात एस पी टू और छाई बॉन्ड्स आर वी क्लियर विद क्वेश्चन जल्दी बता दो भाई ठीक है जी चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसी क्वेश्चन का वेट कर रही थी कि क्वेश्चन कब आएगा तो ये क्वेश्चन बेटा 2020 कोविड वाले में काफी लपेटे में लिया था उन्होंने बच्चों को है ना अच्छे थे थे मतलब टफ थे थोड़े सो so ये क्वेश्चन में आपको पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ दे रखा था एच मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन और बोल रहा था बॉन्ड एनर्जी निकालो शुरू में क्या होता है बेटा दो हाइड्रोजन के आइटम्स दूर दूर होते हैं अट्रैक्ट कर रहे होते हैं इस पॉइंट पर ये जो क्रिटिकल डिस्टेंस होता है यहां पर H2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है और अब क्या होता है अगर आप मॉलिक्यूल को जरूरत से ज्यादा पास लाते हो तो उनमें अब रिपल्शन होता है पोटेंशियल एनर्जी फिर से बढ़ने लग जाती है तो इस पॉइंट पर आपका H2 का फॉर्मेशन हो चुका है ठीक है इस पॉइंट पर तो यहां पर बेटा जो बॉन्ड एनर्जी होगी बॉन्ड एनर्जी ठीक है वो हो जाएगी आपकी बॉन्ड एनर्जी बेसिकली ये एनर्जी गैप है ये एनर्जी गैप है ठीक है तो आपको बेसिकली बॉन्ड एनर्जी जो निकालनी है ना वो यहां से इस पॉइंट की निकालनी है ये। तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, B- A. That is it. B- सी का तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं था B- माइनस ए ये जो है इतनी इसकी क्या है बॉन्ड एनर्जी है एच टू मॉलिक्यूल को तोड़ने की एनर्जी तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहां पर डी ठीक है जी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई गलत वाले को आइडेंटिफाई द रॉन्गली मैच्ड है ना आपको गलत वाला पेयर बताना है रॉन्गली मैच्ड पेयर चलिए पहला कह रहा है बेटा एस एफ सिक्स तुम निकालोगे हम काफी बार निकाल चुके हैं सही है बीई सी एल टू लीनियर ये भी सही है ठीक है अमोनिया ट्राइगोनल पिरामिडल ये भी सही है फाइव ट्राइगोनल प्लेनर ये गलत है बेटा PCl5 फाइव कैसा होता है आपका ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होता है अब ये शेप्स हम बार बार कर चुके हैं इतनी बार कर लेते हैं कि याद ही हो जाती है ठीक है क्वेश्चन हो पा रहे हैं समझ आ पा रहे हैं so, बेटा आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है ठीक है एक अच्छा क्वेश्चन मैं कराना चाहती हूँ तो मैं वो करा देती हूँ आइडेंटिफाई दिन करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पीसीएल फाइव गलत बतानी है पहला कह रहे हैं थ्री इक्विटोरियल पीसीएल बॉन्ड्स मेक एन एंगल ऑफ वन ट्वेंटी डिग्री विद ईच अदर सही है दो एक्ल पीसीएल बॉन्ड्स जो होते हैं बेटा मेक एन एंगल ऑफ वन एटी डिग्री अदर ये भी ठीक है ना जो एक्जीएल वाले थे वो एक दूसरे के साथ कैसा एंगल बनाते हैं एक सौ अस्सी का एक्जीएल पीसीएल लॉन्गर देन इक्वेटोरियल पीसीएल बॉन्ड ये भी मैंने आपको बताया था नेक्स्ट कह रहा है पीसीएल मॉलिक्यूल इज नॉन रिएक्टिव बेटा ये गलत है पी सी फाइव मोलिक्यूल काफी रिएक्टिव होता है जब हम इसे हीट करते हैं तो ये पी सी एल थ्री प्लस सी एल टू में टूट जाता है क्योंकि जो वाले बॉन्ड होते हैं वो लंबे होते हैं तो जब हम हीट करते हैं तो वो दो बॉन्ड आसानी से टूट जाते हैं चलिए तो ये क्वेश्चन में कह रहा है हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर बता दो भाई हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर अब जरा सबके इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो बहुत तेजी से सी एन माइनस कार्बन पे छे नाइट्रोजन पे सात पांच बारह तेरा फोर्टीन इलेक्ट्रॉन्स इसका बॉन्ड ऑर्डर तो बेटा जी कितना होगा थ्री होगा प्लस थर्टीन इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड ऑर्डर होगा टू पॉइंट फाइव एनओ आठ और सात पंद्रह है ना यहाँ पर तो हम टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं बैलेंस की बात नहीं हो रही है बेटा आठ और सात पंद्रह भी होगा टू पॉइंट सी, सी एन सोच रही हूँ दिमाग में कैलकुलेशन कर रहे हैं यार है ना सी एन में से एक इलेक्ट्रॉन हटा दू ना नहीं 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 सी एन माइनस में मैंने कुछ सी एन प्लस में कुछ गलत कराया गया मैंने मुझे लग रहा है कार्बन पे छे नाइट्रोजन पे सात पांच बारह छह तेरह में से एक गया बेटा बारह इलेक्ट्रॉन थे तुम भी यार बताते ही नहीं हो मुझको यहाँ बॉन्ड ऑर्डर टू होगा सी एन और सात छ तेरह होते हैं यहां बॉन्ड ऑर्डर टू पॉइंट फाइव होगा तो बेटा हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर आपका कहां पर है सी एन माइनस में करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बी ऑप्शन आर वी क्लियो आर वी क्लियो चलो एक और क्वेश्चन जाते जाते कर लेते हैं ना द स्पीशीज हैविंग बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री बेटा 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल BCl3 अगर आप निकालोगे बेटा ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है ट्राइगोनल प्लेनर होता है 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल आएगा PH3 में नहीं होता सी एल एफ थ्री में नहीं होता क्योंकि सी एल एफ थ्री टी शेप होता है चाहो तो स्ट्रक्चर बना के देख लेना और एनसीएल तो बॉन्ड एंगल वन ट्वेंटी डिग्री आपका बी सी एल थ्री बी एच थ्री बी एफ थ्री इन सब जो ट्राइगोनल प्लेनर एस पी टू वाले होते हैं वरना तुम चाहो तो तुम हाइब्रिडाइजेशन निकाल के भी कर सकते हो ठीक है चलो सो so इसी के साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब लेक्चर एग्जिस्ट करता है तो बच्चे बोलते हैं ओ गॉड वन मोर एक्सेप्शन पर बेटा इस चैप्टर के अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं था यार एज सच कोई एक्सेप्शन नहीं था तो तुम ये सब हरकतें मत करना इसी के साथ बेटा हमारा ये वाला चैप्टर खत्म होता है थैंक यू सो 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 मच इट वाज लवली टीचिंग यू दिस चैप्टर सो नेक्स्ट चैप्टर के साथ कुछ टाइम बाद मिलेंगे हाइड्रोजन चैप्टर कुछ टाइम बाद आएगा So we'll see you super soon. Thank you so much. Bye-bye. Take care. Bye-bye.